हेलो।
यस ब्रो, गाइस हम आईडी भेज रहा है, सो थोड़ा सा किसान टीम जबरदस्त है, साइलेंट पॉइजन आई, ये किसान टीम जबरदस्त है। होप सो कि आज भी जबरदस्त कुछ करे। भाई पैलेटिनो को बाहर कर किया किया पैलेटिनो को बाहर किया है ब्रो। हेलो ब्रो, हाँ कब तक चलेगा मैच? कब तक चलेगा मतलब मैं समझा नहीं, क्वेश्चन बताओ। बंचो चुतिया है स्ट्रीम वाले, कोई बोले उसका मन लेगा क्या? समझा नहीं ब्रो। मैच स्टार्ट स्टार्ट अभी 1-2 मिनट में हो जाएगा, 1-2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था। ओके गाइज, लास्ट 1 मिनट हम रुकेंगे। हमारा एक एक दो टीममेट्स के मेंबर आने बाकी है, लाइक टीम 13 13 के आने बाकी है। देन
ओके लास्ट गाइस, हम काउंटडाउन बिगिन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सब स्क्वाड आ चुकी है, ऑलमोस्ट ऑल स्क्वाड आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, मैं चालू कर दिया हूँ रूम मैप हमारा रैंक। मैप हमारा एरेंगल है। ओके एवरीथिंग इज फाइन आई गेस। ओके क्या बोलती पब्लिक, व्हाट क्या बोलती जनता, सॉरी पब्लिक मैं भी बोल रहा हूँ, जनता क्या बोलती है गाइस। अगला मैप कौन सा रहेगा? मिरारमा, ओ विकेंडी रहेगा, विकेंडी आई गेस। कल मिरारमा हुआ तो ये विकेंडी होगा लाइक दैट ब्रो। यार ये इसका ये रेंगल का ही प्रॉब्लम है यार, स्टार्टिंग का बस और कुछ नहीं। सैनोक क्यों नहीं, बताता हूँ बताता हूँ, सैनोक क्यों नहीं करते हम वो भी बताएंगे। ओए ओए गेम, ओ भाई क्या कर दिया इसने गेम ने। अच्छा खासा चल तो रहा था। बाहर फेंक दिया गाइस, ये ग्लोबल का लफड़ा है गाइस, ये एक होता है ग्लोबल। ये होता है ग्लोबल का इशू। बस अभिनीत रोनू में बताऊंगा सैनोक पी क्यों नहीं होता है, बताता हूँ वेट। ओके बताता हूँ सैनोक। अरे एक्चुअली यार ये मैंने मतलब ये ग्लोबल का प्रॉब्लम है क्या, डायरेक्ट बाहर फेंक देता है वगैरह ये चीज करता है यार, पता नहीं मेरे को। फिर भी देखते हैं गाइस, कोई इशू नहीं है, एरेंगल ही का इसी होता है। ओके टीम्स वहाँ पे शायद फाइट लेना शुरू करेगी, बिकॉज यहाँ पे आज कम ही टीम खेल रही है, बिकॉज टी टू है तो हमने एक आध बहुत सारे स्लॉट नहीं दिए। ग्लोबल ओपी, ग्लोबल भाई बहुत ओपी है भाई, कभी भी बंद कर देता है। और मेन एरेंगल का प्रॉब्लम है मेरे को लगता है, कभी ऐसा मिरार मार विकेंडी में नहीं हुआ है। अपने को लूटने की आवाज आ रही है, गेम के अंदर नहीं आया, मैंने कहीं टच नहीं किया, डायरेक्ट गेम के बाहर भेज दिया मुझे। ये क्या है यार भाई। सैनोक हम इसलिए नहीं खेलते क्योंकि मैप में ना देखो सैनोक पे तीन टाइप आ जाता है, कभी फॉग आ जाता है, कभी रेनी मोड थोड़ा दिखता है, कभी नॉर्मल दिखता है, तो सैनोक चीज सही नहीं है 80 लोगों को खिलाने। टी टू ट्राई करेंगे कि टी वन में हम करें, क्योंकि बहुत कैंपिंग होती है, स्नेक्स बने रहते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम सैनोक नहीं कराते।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रीम। हाय ये हाइपर हेल ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। सेकेंड टाइम आ चुके हम, क्या पता ये क्या है यार, ग्लोबल का क्या नाटक है गाइस। ये अरे दिखा दूंगा, अभी तक लॉगिन नहीं हुआ। अरे मेरा बाहर फेंक दिया मुझे गेम से डायरेक्टली। वेट वेट अ सेकेंड ब्रो, वेट अ सेकेंड, जस्ट होल्ड, क्योंकि ग्लोबल का प्रॉब्लम है। मेरा मेरा ग्लोबल लॉगिन फेल होता है बार 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 नहीं, 2-4 दिन में एक बार होता ही है। भाई ना ना वीपीएन लगा ले, ना ना वीपीएन लगाना नहीं गाइस, मैं बता रहा हूँ वीपीएन की वजह से बहुत लोगों की आईडीज हैक हो रही है भाई। वीपीएन तो कोई लगाना ही नहीं कोई यार, मैं बता रहा हूँ सभी को। ओके गाइस, ले तो लिया हमें फाइनली। ओ भाई कितना लेट, भाई साहब मेरी तो 1 सेकंड फट गई यार, मेरी तो लिटरली 1 सेकंड फट गई थी, क्या पता लेता या नहीं। चलो खाली हो चुक गया, ओके हो जाएगा इसी, बस बढ़िया आ गया आ गया आ गया आ गया गाइस आ गया। ओ भाई मेरी 1 सेकंड फट गई थी भाई, लिटरली फट गई थी। ओके डेड आई डेड किंग वहां पे नॉकआउट कर दे, देखिए हम कितने स्क्वाड डेड हो चुके। एचवी वहां पे एलिमिनेट हो चुका है गाइस। अगर एचवी के स्क्वाड की बात करें, नया स्क्वाड था यहाँ पे एचवी, बट फोकस ये रहेगा कि हम देखे कि जो पिछले डेज के अगर जो स्क्वाड्स की बात करें, ओके डेड किंग वहाँ पे नॉकआउट हो चुके क्या वहाँ पे, ओके फोर्सियस का स्क्वाड भी वहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है गाइज। थोड़ा हम लेट आ चुके, बट बात करेंगे टीम 18 की, तो टीम 18 वहीं पे थोड़ा आसपास हमें देखने को मिलेगा। टीम 18 कंपाउंड के हिसाब से अपना रेगुलर लूटते हुए देखने को मिलेगी। लॉर्ड के साथ वहाँ पे टीम ओपी वहाँ पे देखने को मिलेगा यासाना में। एक बार लॉर्ड्स की तरफ जाके देखेंगे हम लॉर्ड्स का क्या सिचुएशन है। फेट वहाँ पे नॉकआउट डालते हुए देखने को मिलेंगे, टीम फेट वहाँ पे फाइट लेती हुई देखने को मिलेगी। लेट्स सी कि फेट का क्या होता है, बिकॉज फेट आज फाइट ले रही है वो चीज। हम स्टार्टिंग में गन फाइट हो गया, फोर्सियस गया, अरे यार फोर्सियस चला गया ब्रो, हम क्या करें, फोर्सियस एलिमिनेट हो चुकी है ब्रो। अगर फेट के रेडकिंग की बात करें तो काफी आगे जाते हुए देखने को मिलेंगे। मिल्टा उतरती है हमेशा की तरह, स्पेक्स ₹390। मेगा के बंदे यहाँ पे नॉकआउट डालते हुए देखने को मिलेंगे, मेगा आज खेलती हुई देखने को मिलेगी। पांडा अभी भी है वहां पे देखने को मिलेंगे, लेट्स सी कि वहां पे क्या होता है। ओके रुद्र वहां पे आ चुके हैं, रुद्र के ऊपर स्प्रे किया गया क्या वहां पे, इन्फिनर रो केट हो गया, इन्फिनर और विजन वहां से बैकअप देने का ट्राई कर रहे हैं। रुद्र वहां पे एक अच्छी पोजीशन में, काफी बढ़िया नेड आता हुआ रुद्र की तरफ से, रुद्र ने काफी बढ़िया मेगा को नॉकआउट किया। एक और नेड फेंका गया ताकि वहां पे फिनिश आउट कर पाए इजिली, क्या वहां पे फिनिश आउट करेंगे ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके वहां पे रुद्र की तरफ से पूछ देते हैं, लेकिन वहां पे शायद फिनिश आउट भी दिया डाला जाएगा बिकॉज वहां पे और टीममेट्स नहीं है। विजन की बात करें तो विजन वहां से ट्राई करेंगे कि वहां से मतलब रुद्र को एक एंगल मिले। स्मोकी की बात करें, स्मोकी ओपन से पांडा को स्पॉट आउट करने का ट्राई करें, बट वहां पे लेफ्ट से पांडा ने काफी बढ़िया नॉकआउट निकाला स्मोकी के लिए। अगर बात करें विजन की तरफ, विजन शायद इजीली रिवाइव दे पाएंगे शायद स्मोकी को, बट रुद्र के ऊपर फोकस रहेगा बिकॉज रुद्र वहां पे अकेले हो चुके हैं। क्या रुद्र वहां पे 1v2 कर पाएंगे देखना पड़ेगा। रुद्र ने शायद एक किल कंफर्म करने से पहले सोचा है कि यहां पे फिनिश आउट करे या नहीं,
ओके रुद्र के ऊपर पुश किया कि रुद्र वहां पे काफी बढ़िया नॉक निकालते हुए, रुद्र वहां पे 1v2 कर चुके हैं यहाँ पे, क्या रुद्र वहां पे लास्ट बंदे के साथ 1v1 प्रॉपर कर पाएंगे क्या नहीं। ओके एक और बंदे को यहाँ पे फिनिश आउट डाल चुके हैं, वहां पे एक किल कंफर्म हो चुका है, वहां पे पांडा आखिरी बंदे अपने टीममेट के लिए मेगा के लिए बचते हुए देखने को मिलेंगे। क्या यहाँ पे रुद्र 1v3 कर पाएंगे, क्या यहाँ पे रुद्र से 1v3 का क्लच हमें देखने को मिलेगा। ओके रुद्र ने यहाँ पे शायद स्पॉट आउट तो कर लिया है क्या वहां पे। ओके रुद्र वहां पे शायद एक और नेड करने का ट्राई करेंगे, क्या यहाँ पे ग्रेडियन साबित होंगे रुद्र। ओके नेड की आवाज से थोड़ा डराने का चाह दी गई थी बट वहां पे रुद्र को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, रुद्र के ऊपर भी नेड किया जा रहा था पांडा के थ्रू, बट देखना पड़ेगा। ओके पांडा वहां से हिलने का पोजिशन नाम नहीं ले रहे, रुद्र वहां पे एक नेड अगर डालते प्रॉपर तो वहां पे पांडा का गेम फिनिश होगा। क्या एक नेड प्रॉपर आता है, ओके नेड काफी बढ़िया किया गया बट वहां पे डैमेज नहीं हुआ, रुद्र का वहां पे 2 किल तो निकल चुके। क्या वहां पे रुद्र आखिरी बंदे को पिकआउट करेंगे नहीं, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा पांडा के लिए, वहां पे बैकअप देना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बात करें रुद्र वहां पे पुश करते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज पीछे से टीममेट आते हुए देखने को मिलेंगे। रुद्र वहां पे क्या 1v1 कर पाएंगे, वहां पे अगर एक किल निकालते तो वहां पे 1v3 हो जाएगा क्लच। अगर बात करेंगे मेगा का शॉट को डायरेक्ट इंस्टेंटली वाइप आउट करेंगे, रुद्र को शायद ज्यादा खास पोजीशन पता नहीं है बंदे की। ओके रुद्र क्या वहां पे, ओके रुद्र को थोड़ा आइडिया हो चुका है कि वहीं कंपाउंड्स एंड वहां पे ब्रोकन वॉल्स के जस्ट पीछे है, क्या वहां पे आखिरी बंदे को स्पॉट आउट करने का ट्राई करेंगे। उन्हें लग रहा है, रुद्र को लग रहा है कि वहां पे लास्ट बंदा वहां पे लेटा हुआ है। पांडा ओपन में, ओके पांडा वहां पे दिख चुके, पांडा वहां पे स्पॉट आउट हो चुके, पांडा के ऊपर स्प्रे दिया गया, वहां पे रुद्र नॉकआउट हो चुके। इन्फिनेरो रीजन यहां पे थोड़ा 20 HP लो किया है वहां पे, क्या वहां पे पांडा के साथ वहां पे इन्फिनेरो क्या विजन वहां पे काफी लो करते हैं, वहां पे विजन ने काफी बढ़िया बैकअप निकाला है, वहां पे एक बंदे को एलिमिनेट कर दिया, मेगा के स्क्वाड को एलिमिनेट किया टीम इन्फिनेरो ने। ओपी इन द चैट फॉर द टीम इन्फिनेरो। अगर बात करेंगे वहां पे टीएस की, तो टीएस वहां से मिलिट्री से निकल के आ चुका है वहां पे, हमें फार्म के डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। ओके फार्म के डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर के वहां पे थोड़े फार्म नहीं, हम थोड़ा फेरी फायर्स के नीचे जो होते हैं कंपाउंड वहां पे हमें देखने को मिलेगा बान हाउस की तरफ, वहां पे ब्रिज के आगे के टीम किसान। ओके टीम किसान की तरफ भी एक बार जाके देखेंगे। ओके टीम किसान वहां पे आज फाइट नहीं ले रही अर्ली बैटल्स, बिकॉज़ वो जानती है क्योंकि वो लास्ट स्टेज में आगे जाके किल्स निकालती है एनी हाउ, सो वहां पे कुछ उनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वहां पे सिर्फ एक लूट के साथ वहां पे अगर अच्छा एक उन्हें ये मिल जाए जोन का वगैरह, देन सो उनके लिए वो चीज इजी हो जाती है। सो देखना पड़ेगा वहां पे किसान के पास फेलियर भी आ चुकी है। वहां पे टीम अंडरडॉग्स की बात करें तो 4 किल आ चुका है अंडरडॉग्स ने, अंडरडॉग्स ने शायद बहुत पहले फाइट ले ली थी। 4CS का स्क्वाड है वहां पे। ओके टीम फेट भी वहां पे एलिमिनेट हो चुकी है, मिल्टा में फाइट हुई थी जो फाइट वहां पे फेट को एलिमिनेट किया गया है, मेगा का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है, सुमित वहां पे नया स्क्वाड था आई गेस क्या नाम है टीम एट नेम है ब्लैंकेट, हाँ ब्लैंक 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 स्क्वाड वहां पे एलिमिनेट हो चुका है। 4CS की बात करें तो वो भी ऑलरेडी स्टेज में बैटल में फाइट में चला गया है। रेड किंग वहां पे नॉकआउट निकाला, एक किल निकाल लिया बट कुछ खास नहीं हो पाया। टीम मेटिंग की बात करें तो जस्ट आस पास हमें देखने को मिलेंगे, आई एम सॉरी गाइस थोड़ा खांसी है मुझे, कफ हो चुका था, मुझे ब्राइटनेस लो है क्या हमारा। ओके ये वाला मैच का ना एक्चुअली ग्राफिक ऐसा है कि हमें ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है काफी। ड्रीम अगर ड्रीम चेजर की स्क्वाड की बात करें तो वो भी थोड़ा आगे आने का ट्राई करेगा। ओके जस्ट थोड़ा मूव करते हैं। ओके ड्रीम चेजर की पोजीशन के हिसाब से बात करें तो जोन में तो है काफी अच्छा है, एक जोन लगता है देखने को मिलेगा नेक्स्ट जोन के, वहां पे आगे जाएंगे देखना पड़ेगा। एक बंदर को लॉस हो चुका है। टीम 21 की बात करें तो यहाँ पे ब्रेव का स्क्वाड देखने को मिलेगा, जेन एक्स वहां पे खेलते हुए देखने को मिलेंगे। ब्रेव की अगर बात करें तो ब्रेव ऑलरेडी वहां पे 2 मैच मिस कर चुका है, ये वहां पे डेन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये और कल के आगे के आने वाले 2-3। बट वहां पे टीम 20 क्लाउड्स के ऊपर एक बार फोकस रहेगा, बिकॉज कल टॉप 10 में आ चुकी थी दोनों मैच, काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिली है प्रीवियस डेज में। और वहां पे अगर एक बार हम फोकस करेंगे कोचिंग की, मैं अभी तक फाइट नहीं हुई है बिकॉज आईडी का स्क्वाड वहां पे स्टिल सर्वाइव कर रहा है। टीएस की बात करो टीएस वहां पे बानोस की तरफ देखने को मिलेगी। 4HS के स्क्वाड की बात करें तो वहां पे जो 4HS का मेन लाइनअप है 4 HP 18 स्क्वाड की बात करें, भाई ज्वाइन कैसा करते हैं, किधर ज्वाइन करना है, ज्वाइन किधर करना है ब्रो। अगर एक बार हम बात करेंगे ना अगर टीम 4HS की, तो वहाँ पे जोन में उनको ना बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी टीम एडी का स्क्वाड वहाँ पे क्लाउड्स है, वहाँ पे टीएस आगे वही एंगल में जा चुका है, लॉर्ड के साथ पंगे हो चुके हैं टीम 5 के साथ। जय को तो वहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश आउट डाल दिया गया था, कि वहाँ पे एस्टैंक या विष्णु को बचा पाएंगे, एम्परर वहाँ पे थोड़े बहुत काफी दूर है, एस्टैंक के साथ 1v1 जाना पड़ेगा। क्या एस्टैंक वहाँ पे स्काउट को लो करेंगे, क्या स्काउट को नॉकआउट डालेंगे,
वहां पे स्टैंक के ऊपर से दोनों एंगल में शॉट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। क्या स्काउट को AKM वर्सेस वहां पे ले पाएंगे? एक स्टैंक वहां पे ऊपर में जाने के चक्कर में क्या नॉकआउट हो पाएंगे? बिकॉज वहां पे बैकअप नहीं दे पाएंगे, एम्परर बहुत ज्यादा पीछे। 1v4 का सिचुएशन देखने को मिलेगा टीम OP वर्सेस टीम लॉर्ड्स का। अगर स्टैंक ऐसे बच के भाग भी जाए तो वहां पे उन्हें एक चीज अवेयर रहनी पड़ेगी कि रोड क्रॉस करके एटलीस्ट अपने टीममेट को बैकअप के लिए बुलाए। स्काउट ने वहां पे भले स्काउट को तो वहां पे भले नॉकआउट दिया गया, बट वहां पे के स्टार को वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी बिकॉज वहां पे स्टैंक ट्राई करेंगे कि नेट चलो कि लॉर्ड स्टैंक को पे नॉकआउट डाल के इंस्टेंटली फिनिश आउट किया गया है। विष्णु की बात करें तो वहां पे रिवाइव आउट हो चुके हैं। क्या एम्परर वहां पे फाइट लेने के चांसेस में लग रहे? बिकॉज एम्परर ट्राई करेंगे कि नहीं ऐसे सिचुएशन में फाइट ना हो, बिकॉज वो जानते हैं वहां पे 2v4 का सिचुएशन है। होप सो कि फॉल बैक लेना ही एक समझदारी का कॉल रहेगा। लेट्स सी वही फॉल बैक लेते हैं व्हीकल लेके, बिकॉज जोन का मुझे कुछ नहीं लगता डाउट रहेगा। यासा नोवलो के फेवर में जूम है। रूम के लिए भाई ब्रो तुम्हें टीम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, T3 खेलना पड़ेगा ना T2। अगर तुम अच्छा खेलते हो तो वो हिसाब से हम तुमको स्लॉट परमानेंट देते हैं। अगर तुम अगर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो तुमको रेगुलर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे टीम 12 वर्सेस लॉर्ड्स की फाइट ज्यादा देर और टिक नहीं पाई है। बस वहाँ पे अगले जोन में क्या होगा वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एडी की तरफ एक बचा के एडी के स्क्वाड की तरफ, तो वहाँ पे बॉक्स रैपिड अभी तक कुछ खास नहीं कर। RS90 की बात करें तो ओके एक्सपेक्टेड RS90 को भी हम देख रहे हैं एक बार। RS90 वहाँ पे एक चाल बिछाते हुए लग रहे हैं कि नहीं, बिकॉज देखना पड़ेगा। टीम 18 भी वही डायरेक्शन में आती हुई, क्या वो एक ट्रैप रहेगा? क्या वहां पे स्लैमिंग होगा? क्या टीम 24 वहां से टीम 24 वहां से आगे जा चुकी है? टीम 24 डजंट वांट दैट कि वहां पे वो एक सिचुएशन में फाइट हो जाए। यासाना की तरफ अगर जोन जाता है थोड़ा और ऊपर जाता है तो वहां पे हमें ना ओपन फाइट बहुत देखने को मिलेगी, जहां पे ऑलरेडी टीम ओवर का 2.0 का स्क्वाड आ चुका है। वहां पे अगर बात करेंगे टीम 7 ओवर पावर्ड के मेन लाइनअप की, तो यूट्यूबर वहां पे आज यूट्यूब थंडर हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। एक बंदा यहाँ पे सब्सटीट्यूट दो है, बट वहां पे एटम देखना पड़ेगा। वहां पे इन्फिनर के साथ फाइट लेता हुआ देखने को मिलेगा। इन्फिनर ने ऑलरेडी 3 किल निकाल लिए, बट फोकस ये रहेगा कि इन्फिनर रोग क्या वहां पे एक प्रॉपर पुश करती हुई देखने को मिलेगी क्या। ओके ओके तो यहाँ पे टीम स्टोन काफी जोन का एक अच्छा एडवांटेज निकाल रही है। जोन जोन खेल रही है। अब की बार किसान को परमानेंट मिलेगा ना? हाँ अब की बार किसान को तो परमानेंट मिल जाएगा। स्लोटो T1 है, T1 में तो किसान का ऑलरेडी पहले से ही परमानेंट था। TS वहाँ पे जोन के आगे एक इसमें जा चुकी है। लेट सी कि क्या होता है, बिकॉज वहाँ पे अदर डायमेंशन आ चुका है। टीम 18 आ चुका है, और अदर डायमेंशन की बात करें तो अदर डायमेंशन वहाँ पे ओके आगे जाता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार अदर डायमेंशन की तरफ भी जाके देखो, बिकॉज एक प्लेयर कम खेल रहा है अदर डायमेंशन के लिए, और फोकस ये रहेगा कि अदर डायमेंशन ये गेम है डिनर ले, बिकॉज कल काफी अच्छा डोमिनेट करते हुए देखने को मिले हैं। वहां पे अगर बात करें ये कंपाउंड काफी अच्छी तरह से जानते वो कैसा होल्ड करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे स्क्वाड ने होल्ड करके बिठा लिया कंपाउंड। अगर बात करें वहां पे इन्फिनो का स्क्वाड आगे जा चुका है, क्या वहां पे इन्फिनो वहां पे पुश करेगा? रुद्र की तरफ जाए तो रुद्र वहां पे काफी बढ़िया नॉक निकालते हुए 4HS के गॉड के एक और बंदे को डाउन किया है। वहां पे स्मोकी की बात करें, स्मोकी वहां पे जस्ट बैकअप के लिए, वहां पे रेडी विजन को वहां पे नॉकआउट किया गया। क्या वहां पे 2v3 वहां पे रुद्र वहां पे शायद चार्जिंग करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज पीछे से एक बंदा आता हुआ देखने को मिलेगा। 1v4 क्या रुद्र वहां पे 1v1 प्रॉपर कर पाएंगे? रुद्र वहां पे काफी बढ़िया नॉक निकालते हुए देखने को मिलेंगे। क्या वहां पे 4HS गॉड को भी मिलेंगे? 4HS को गॉड को भी वहां पे नॉकआउट डाला गया। वहां पे दो बंदे को इंस्टेंटली फिनिश आउट डालने का ट्राई करेंगे। वहां पे एक बंदा वहां पे पुश करता हुआ देखने को मिलेगा। क्या वहां पे इन्फिनरो बचा पाएंगे अपने टीममेट के लिए? क्या वहां पे रुद्र ओके रुद्र ने वहां पे काफी अच्छा 3 नॉक निकाले थे, बहुत खतरनाक नॉक निकाले। क्या वहां पे स्मोकी वहां पे अगर बच जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, बिकॉज वहां पे फिनिश आउट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रुद्र को मालूम पड़ गया वहां पे। रुद्र वहां पे आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। क्या वहां पे रुद्र पुश करेंगे? ओके लेट सी के यहाँ पे रुद्र क्लच कर पाते। रुद्र ने यहाँ पे काफी बढ़िया क्लच किया है। 1v4 देखने को मिला है। रुद्र ओपी इन द चैट गाइज, इन्फिनोरो रुद्र #, ओपी इन द चैट गाइज, क्या ही क्लच निकाला है 1v4 करते हुए हमें को देखने को मिले है। क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे इससे ज्यादा? ओके यहाँ पे आधा डायमेंशन का भी पुश किया गया। रुद्र यहाँ पे रिवाइव थोड़ा बहुत कैंसिल करने का ट्राई, बट वहाँ पे इजी रिवाइव दे पाएंगे। होप सो कि वहाँ पे टीम आधा डायमेंशन कुछ इतनी दिक्कतें ना दे टीम रुद्र इन्फिनोरो के लिए। अगर बात करें वहां पे विजन और स्मोकी रिवाइव आराम से हो जाएंगे, कुछ ज्यादा खास ब्लीड आउट नहीं। बट वहां पे अगर टीम 4 की तरफ जाके देखे, वो एक स्लैमिन डालने का ट्राई करेगी क्या? ओके स्लैमिन डालने का ट्राई किया गया तो है, बट अगर एक ओके स्मोकी वहां पे अगर बैकअप दे तो क्या? ओके किसान ने 3D एटर्निटी वहां पे TM18 का फाइट शुरू किया है। वहां पे इन्फिनोरो स्मोकी को नॉकआउट डाला गया है। विजन की बात करें तो ओके टीम इन्फिनोरो के लिए टीम इन्फिनोरो वहां पे एलिमिनेट हो जाएगी बाय द टीम अदर डायमेंशन। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पॉइंट्स टेबल में ऑलरेडी लीड कर रही है, उनके ऊपर फायर करके कुछ मतलब नहीं है ब्रो। उन्हें एलिमिनेट करके तुम
ये नहीं जता पाओगे। टीम 18 वहां पे फाइट लेती हुई देखने को मिलेगी, थर्ड पार्टी, यहाँ थर्ड पार्टी तो होता ही है ब्रो। अगर टीम 18 की तरफ एक बार जाके देखे, टीम 18 वहां पे नॉकआउट हो रही थी किसान के थ्रू, किसान ने वहां पे दो नॉक निकाल दिया तो है, बट वहां पे क्या पुश करेंगे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके टीम 18 वहां पे एलिमिनेट हो जाएगी किसान के स्क्वाड के थ्रू। किसान के स्क्वाड ने वहां पे काफी अच्छा रोटेशन डाला था, वहां पे किल्स अच्छे बटोर लिए अपने, आई गेस वहां पे 5 किल या 4 किल आ गए, बिकॉज किसान ऑलरेडी कोई और फाइट में भी हाथ डाल रही थी, क्योंकि 3 किल आ चुका है। बट वहां पे देखना पड़ेगा टीएस भी आगे आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि टीएस ने वहां पे रोटेशन डाला है। टीएस जानती है कि वहां पे बंदों की फाइट हो रही थी, टीएस को एक एडवांटेज मिल चुका है रीच का, क्या वहां पे टीएस नॉकआउट डालेगी कि नहीं देखना पड़ेगा। टीएस वही एंगल में आ चुकी थी। ओके टीएस अगर बात करें तो टीएस वहां पे एक आगे फाइट लेने का चांस बना रही है, बिकॉज वहां पे जस्ट अगर हम बात करें कि तो किसान के स्क्वाड से तो बहुत आगे जा चुके हैं। अभी को लगा कि किसान के स्क्वाड के साथ भाई टीम 18 बोल के 4HS एज दिखा दिया। अरे टीम 18 यानी कि टीम 18 का स्लॉट, 18 स्लॉट है ना। अच्छा, ना 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 ना, अरे ना, मैं जब फोर, एक्चुअली नंबरिंग में प्रॉब्लम है। टीम 18 का नाम भी है और टीम 18 ये भी है। 4HS का जो सेकंड लाइनअप था ना, जो 4HS का सेकंड लाइनअप है, मुझे लगा उनका उनका स्लॉट नंबर 19 है, तो मुझे लगा वो 18 में, इसलिए मैं उन पर स्विच किया। तो तब तक देखा तो वहाँ पे रुद्र वहाँ पे नॉकआउट निकाल रहा ही था, इसलिए तो बोलने में मतलब ये तो होता ही है ना 19-19 की स्लॉट, स्लॉट 4HS, मुझे इतना पता है 4HS को 18 और 19 स्लॉट दिया है। अब ये इतना अच्छे से पता नहीं कि कौन से स्लॉट पे कौन सी 4HS फाइट ले रही है, कौन से स्लॉट वाली, इसलिए ये तो मेन है 4S 4 हॉर्स पावर स्क्वाड वाली। बट वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या वहाँ पे टीम 16 जो ऑलरेडी ओवर पावर का 2.0 है, क्या क्या करता है इस गेम में, क्या बना रहता है। वहाँ पे टीएस क्यों इतना प्रॉपर रोटेशन डाल रही है, आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ पे टीएस वहाँ पे एक रोटेशन डाल रही है। लेट सी कि वहाँ पे टीएस कुछ निकाले फाइट के साथ एंगल, बिकॉज टीम क्लाउड्स भी वहाँ पे आ चुकी है थोड़ा आसपास है। वहाँ पे टीम 18 वर्सेस वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, अदर डायमेंशन वर्सेस। ओके टीम 18 भी देखने को, 18 बोल रहा हूँ, 18 काफी दूर जा चुकी है। अदर डायमेंशन की तरफ एक बार जाके देखेंगे हम। अदर डायमेंशन अगर वहाँ पे से टीएस को नॉक निकालने का ट्राई करेंगे, लंबी फाइट होगी तो देखना पड़ेगा भाई। काफी छोटा हो चुका है जोन, हमें फोर्थ जोन लगते हुए देखने को मिलेगा वहां पे। बहुत सारी टीम हमें डायमीटर की शेप में आ चुकी होल्ड करती देखने को मिलेगी। बहुत सारी अगर स्क्वाड की बात करें तो स्टिल वहां पे अभी तक अपार्टमेंट में कोई स्क्वाड नहीं जाके होल्ड करी है। ऐश की बात करें तो ऐश ने यहाँ पे किल्सो निकाल लिए थे लोड। ओके यहाँ पे अगर टीम एडी की बात करें तो एडी ने वहाँ पे रोटेशन डाल दिया, एडी का स्क्वाड वहाँ पे जोन टू जोन गेम खेलता हुआ देखने को मिलेगा। प्रिंस की बात करें तो वहाँ पे ओवर, अगर प्रिंस की बात करें तो प्रिंस अगर ओवर पावर के स्क्वाड के लिए यहाँ पे रोजैक में वहाँ पे अगर जोन बन भी जाए तो ओवर पावर के बंदे जानते कि वहाँ की फाइट कैसा निकालना, बिकॉज हमने बहुत पहले बार भी देखा, बहुत पहले से देखा कि ओवर पावर यहाँ से रोजैक की इस पोजिशन से काफ़ी अच्छी फाइट निकालते हैं। जस्ट चाहेंगे कि यहाँ पे एक और जोन बन जाए वहाँ पे। अगर एक बार हम फोकस करेंगे किसान के स्क्वाड के ऊपर, वहां पे वो ऑलरेडी एक फाइट में इंटरेस्टेड लग रहा था किसान, वहां पे मॉली कर, किसान के स्क्वाड ने वहां पे टीम 16 के ऊपर मॉली किया ओवरपावर के सेकंड लाइनअप के ऊपर। ओवरपावर के सेकंड सेकंड लाइनअप के बंदे काफी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, दो बंदों ने यहां पे स्लैमिंग तो डाला है। जट ने पैलेडिना वहां पे काफी बढ़िया नॉक निकाला एक रोजा से, क्या एक और को एक उसे फिनिश आउट भी डाल दी गया एग्जैक्ट इंस्टेंटली। पैलेडिना वहां पे चांसेस नहीं लेंगे तो अच्छा, बिकॉज कोटा जट को वहां पे नॉकआउट किया गया लेफ्ट से। बात करेंगे वहाँ पे 16 के नारू को भी वहाँ पे नॉकआउट डाल के होक गायल ने वहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश आउट डाल दिया गया। अदर डायमेंशन के बंदे भी उस एंगल में हमें फाइट लेते हुए देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पे हेक्टिक गेमिंग एंड स्ट्रेंज यार वहाँ पे डायरेक्ट पुश है डायरेक्ट देखने को मिलेंगे क्या एक। ओके होक गायल को भी लो किया, होक गायल को भी नॉकआउट किया 1v2 का। ओके 2v1, ओके 1v2 का सिचुएशन देखने को मिलेगा क्या वहाँ पे जट। ओके जट ने वहाँ पे कोटा जट को वहाँ पे रिवाइव दे दिया, केटी जट वहाँ पे शायद पीछे जाने के चक्कर में क्या नॉकआउट होंगे कि नहीं देखना पड़ेगा। स्ट्रेंजर वहाँ पे नेड्स पिकने का ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रेंजर वहां पे चाहेंगे कि वहां पे एक और बंदे को डाउन करके डायरेक्ट पुश देखने को मिले, बिकॉज जाट ओपन में आते हुए देखने को मिलेगा क्या जाट। ओके जाट ने काफी बढ़िया नॉकआउट निकाला है, कोटा जट वहां पे क्या क्लच कर पाएंगे। कोटा जट ने वहां पे 1v2 काफी बढ़िया किया है। ओपन द चैट फॉर द टीम किसान, किसान ने वहां पे आराम से 4 किल निकाले, ऑलरेडी टीम 18 के 33 किल निकाले तो टोटल 7 किल आ चुका है आराम से। बट एक बार हम फोकस करेंगे टीम ओपी का स्क्वाड, ओपी का स्क्वाड यहाँ पे टीम 7 के साथ क्या फाइट लेगा, बिकॉज प्रिंस ओपन में जा चुके हैं। होप्स हो कि प्रिंस वो एक जोन के जो इन करने के चक्कर में कहीं फंस ना जाए। अगर बात करेंगे टीम
एडी के स्क्वाड की, तो एडी का स्क्वाड जोन से स्ट्रगल आउट ना करे, बिकॉज नीचे का अगर बात करेंगे साउथ साइड का रीजन ऑलरेडी क्लाउड्स टीम ओपी एंड टीएस से कैप्चर हो चुका है, क्या वहाँ पे अगर बहुत सारी कम स्क्वाड जो है वो कंपाउंड होल्ड करने का ट्राई करेगी, नहीं देखना पड़ेगा ओपी किसाना, ये कोटा जट ओपी ब्रो ओपी ब्रो ओपी सीरियसली ओपी टीम एडी वहाँ पे आसानी से रोटेशन डालने का ट्राई करेगा, आसानी से डाल भी देगा क्योंकि वहाँ पे उनके पास व्हीकल्स अच्छे हैं, वहाँ पे बग्गी भी है। तो अगर बात करेंगे एक बार टीम अंडरडॉग्स की, तो अंडरडॉग्स वहाँ पे स्कूल से निकल चुकी है, अंडरडॉग्स के पश्चात शॉर्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे अंडरडॉग टॉक्सिक की बात यूनिटी टॉक्सिक की बात करें तो अकेले जाते हुए देखने को मिलेंगे। क्या वहाँ पे आगे यूट्यूब चौका की बात करें तो ओके चार बंदे वहाँ पे अलग अलग व्हीकल में देखने को मिलेंगे, एक रोटेशन अच्छा डालेंगे तो वहाँ पे टीम सक्सेसफुल हो जाएगी। टीम वहाँ पे ओपी का स्क्वाड वहाँ पे फाइट लेता हुआ देखने को मिलेगा, यूट्यूब थंडर की तरफ से नॉकआउट हो चुके हैं। एंड यूट्यूब थंडर की बात करें तो यूट्यूब थंडर 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 टीएस वहाँ पे नॉक निकालती हुई देखने को मिलेगी। टीएस वहाँ पे शायद क्लाउड के साथ क्या फाइट ले रही है क्या, ओके टीएस ने वहाँ पे एक बंदे को डायरेक्टली नॉक डाला था क्या वहाँ पे, ओके लॉन्ग रेंज नॉक किया गया अदर डायमेंशन के बंदों के साथ। क्लाउड्स वहाँ पे नहीं है, क्लाउड्स वहाँ से रोटेशन मार के आगे जा चुकी थी, सो वहाँ पे क्लाउड्स के साथ फाइट नहीं हो रहा है। बट टीएस के लिए अगर बात करें तो वहाँ पे टीम 10 अंडरडॉग्स का स्क्वाड आ चुका है, क्या वहाँ पे अंडरडॉग्स फाइट लेगा, अंडरडॉग्स के ऊपर स्प्रे किया गया यूट्यूब टोटा, वहाँ पे टीएस असिस्टेंट्स को नॉक किया गया एक्स वाई किलर के थ्रू। एक्स वाई किलर की अगर बात करेंगे तो ओके अंडरडॉग्स सैम ने यहाँ पे डायरेक्ट स्लैमिंग डाला है। ओके बात करें टॉक्सिक की तो टॉक्सिक भी आ चुके हैं वहाँ पे 4v3 अगर देखने को मिलेगा, अगर रिवाइव नहीं होते नेड्स की बारिश होती हुई देखने को मिलेगी, अगर नेड्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाते तो टीम स्टोन का यहाँ पे वक्त खत्म हो जाएगा। एक नेड आता हुआ प्रॉपर एक्स वाई किलर के, तो बात क्या वहाँ पे डैमेज होंगे नहीं, ओके नेड से बहुत बंदे डैमेज हो चुके हैं। हॉन्ट के ड्रीम चेजर के बंदे वहाँ पे नॉक्स निकालते हुए देखने को मिलेंगे। टीएस के एक बंदे को अगर बात करेंगे एसोसिएशन काफी ग्राउंड फ्लोर पे होल्ड करते हुए देखने को मिलेंगे, ब्रोकन वॉल्स के जस्ट पीछे। टॉक्सिक को ये बात पता है कि वहाँ पे एक बंदा अकेला सर्वाइव कर रहा है, टॉक्सिक जानते हो कि टॉक्सिक को वहाँ पे नॉकआउट किया गया अंडरडॉग टॉक्सिक की बात कर रहे हैं। स्टोन के दो बंदे काफी पीछे जा चुके हैं, यूट्यूब चौका वहाँ से पीछे से नॉकआउट निकालने का ट्राई करेंगे। एसोसिएशन वहाँ पे फैंटम ने वहाँ पे अंडरडॉग से एक और को नॉक निकाला, फैंटम ने वहाँ पे दो नॉक निकाले, क्या फैंटम वहाँ पे क्लच करेंगे कि देखना पड़ेगा, बिकॉज अंडरडॉग्स की अगर बात करें तो एक ही बंदा वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके अंडरडॉग्स की अगर बात करें, अंडरडॉग्स के एक बंदे क्या वहाँ पे अकेला 1v2 कर पाएगा, बिकॉज वहाँ पे ट्राई करेगा कि नॉक्स एंड फिनिश डाले, वहाँ पे स्क्वाड पुश करने का ट्राई नहीं कर रही, बिकॉज वहाँ पे जानती कि ऊपर स्मोक्स हो गए पता नहीं नेड्स हो, ये लोकेशन पे और टीएसएम की फाइट हुई थी। हाँ ये या वहाँ पे टीम क्लाउड्स की फाइट वहाँ पे देखने को मिलेगी, हम मिस नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे और भी फाइट होती हुई देखने को मिलेगी। INF ज्लज की स्क्वाड की बात करें तो वो पंकज को तो रिवाइव मिल चुका है एंड आगे जा भी चुके, बट वहाँ पे क्लचर राणा की बात करेंगे तो वहाँ पे क्लाउड्स भी फाइट होती हुई देखने को मिलेगी। क्लाउड वर्सेस वहां पे हमें ओके क्लाउड्स ने यहाँ पे चार किल निकाल लिया है, 4HS के मिल गया था उसको पानी में, 4HS के बंदों को एलिमिनेट किया, 4H 4 हाउस 4 हॉर्स स्क्वाड के वहाँ पे पावर्स को बंदों को एलिमिनेट किया है। टीएस की अगर टीम एडी की बात करें तो एडी का स्क्वाड भी वहाँ पे नॉकआउट्स हो रहा है, और XYZ किलो को वहाँ पे टीएस के बंदों ने पिकआउट किया तो वहाँ पे उनका एंड हो चुका है अंडरडॉग्स का। लॉर्ड्स की बात करें तो लॉर्ड्स वहाँ पे एक प्रॉपर पानी में जो सर्वाइव कर पाएगी, बिकॉज एक बंदा काफी जोन के पीछे है। अगर बात करेंगे टीम एडी की तो एडी का स्क्वाड जस्ट स्लज के ऊपर ओके नीचे रहे ऊपर आ नीचे ऊपर रहे ओके एडी का स्क्वाड जोन टू जोन खेलने का पूरा ट्राई कर रहा है, 4HS के पानी में रहे ओके किसान का स्क्वाड वहाँ पे फाइट लेता हुआ देखने को मिलेगा, किसान के बंदे वहाँ पे शायद पानी में फाइट लेते हुए विद वहाँ पे टीम 23 ड्रीम चेजर के साथ फाइट लेते हुए देखने को मिलेंगे। ड्रीम चेजर की तरफ एक बार जाके देखे तो ड्रीम चेजर वहाँ पे पॉपी को शायद स्पॉट आउट करने का, पॉपी को स्पॉट आउट किया गया, पॉपी को स्प्रे देने का ट्राई किया गया। क्लाउड्स के बंदे ने एक और को वहाँ पे फिनिश ओके नॉक निकाला है, टीम आईडी के बंदे वहाँ पे नॉकआउट होते देखने को लगे मिले। मैडम वहाँ पे क्लोज इन करेंगे कि नहीं देखना पड़ेगा, वहाँ पे नूब मोरे वहाँ पे आ चुके, टीम ओपी वर्सेस ओके नूब मोरे को पे नॉकआउट डाला गया है। समोर ओपी की अगर बात करेंगे स्काउट ओपी की तो वहां पे टीम तीन स्क्वाड आपस में लड़ती हुई देखने को मिलेगी। ऊपर आजा क्या वहाँ पे क्लाउड्स का ये दिन महंगा होगा या नहीं देखना पड़ेगा, क्या क्लाउड्स यहाँ पे अच्छे से किल निकाला है क्या वहाँ पे डिनर ले जाएगा देखना पड़ेगा। क्लाउड्स ओपन द चैट गाइस, क्योंकि क्लाउड्स ने आराम से 7 किल निकाला वहाँ पे टीम 12-13 की अगर बात करेंगे, टीम ओपी को एलिमिनेट किया है। ड्रीम चेजर्स की बात करें तो वहाँ पे लॉन्ग रेंज फाइट ले रही है, नॉट टीम अभी भी अलाइव है, 6 जोन अभी बनता हुआ देखने को मिलेगा।
27 मिनट का गेम जा चुका है, क्या ये गेम भी हमें 30 मिनट के ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा? कौन सी टीम यहाँ पे डिनर ले जाएगी देखना ऊपर पड़ेगा, जाओ बिकॉज ओपन बैटल ग्राउंड फाइट होती है देखने को मिलेगी। जोन के अगर एक बात फोकस करें तो बहुत सारी स्क्वाड वहां पे, एक्सेप्ट यूट्यूब थंडर अगर बात करें वहां पे टीम प्रिंस ओवर पावर स्क्वाड का, तो उसके अलावा बहुत सारी स्क्वाड चांसेस नहीं ले रही है अलग अलग डायरेक्शन में। टीम 15 के बंदे ओपन में निकलने का ट्राई करेंगे, लॉर्ड्स के बंदे जस्ट उनके पीछे देखने को मिलेंगे। वहां पे एडी का स्क्वाड एक बंदा वहां पे जोन से नॉकआउट हो चुका है। अगर बात करेंगे शायद यहाँ पे टीम ओके वहाँ पे एलिमिनेट किया टीम स्लज, वहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। लॉर्ड्स विष्णु वहाँ पे हील करना का ट्राई करेंगे, टीम लॉर्ड्स की अगर बात करें तो वहाँ पे आ चुके होंगे जोन में, बट वहाँ पे किसान का स्क्वाड वहाँ पे टीम सिक्स के लिए दिक्कत बढ़ाता देखने को मिलेगा। हॉन गब्बर वहाँ पे लॉन्ग रेंज नॉक डालते हुए हॉन गब्बर ने वहाँ पे एम्पायर को पिकआउट किया, दो स्क्वाड इंस्टेंटली एलिमिनेट हो चुकी है विद जोन एंड वहाँ पे नॉक टी एस वहाँ पे लॉन्ग रेंज नॉकआउट डालती रही देखने को मिलेगी। ओम से टी एस एसोसिएशन ने वहाँ पे नॉकआउट लिया हॉन्ट के ऊपर, वहाँ पे काफी बढ़िया स्प्रे आता हुआ यूट्यूबर वहाँ पे टीम सेवन के तरफ से। टीम सेवन की बात करें तो वहाँ पे चार मैन वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, वहाँ पे क्या अभी एक बंदा ट्राई करेगा बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि ओपन बैटल ग्राउंड फिर चुके हैं। यूट्यूब थंडर की बात करें तो यूट्यूब थंडर डीपी चलाते हुए देखने को मिलेगा ड्रीम चेजर के ऊपर। एक बार हम टीम टी एस की तरफ जाके देखें, टी एस वहाँ पे शायद जोन में नहीं है, वहाँ पे लॉन्ग रेंज स्किल्स तो लॉन्ग रेंज स्किल्स ही निकालने का ट्राई करेगी। क्या वहां पे किल्स निकालने के बाद ओके एक स्मोक किया गया है, क्या वो स्मोक से जोन इन जाने का ट्राई करेगी टीएस? टीएस के ऊपर थोड़ा हमारा ध्यान रहेगा बिकॉज टीएस वहां पे क्या रोटेशन मारती है देखना पड़ेगा बिकॉज जोन के बारे में अदर डायमेंशन स्टिल सर्वाइविंग जोन, अदर डायमेंशन के पास व्हीकल नहीं है, वहां पे कोई वे नहीं है जोन इन जाने का। वहां पे देखते हैं कि वहां पे कैसा ओपन से पाथ बना के जाते हैं। अगर बात करेंगे उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड तो क्लाउड्स के बंदे ओपन में ही हेलमेट जा चुका है। अगर राणा की बात करें, राणा ने वहां पे ऐश को नॉकआउट करने का ट्राई करेंगे, ऐश के ऊपर स्प्रे किया गया बट ओके ऐश वहाँ पे 10 HP बचते हुए देखने को, ऐश को वहाँ ऐश ने वहाँ पे किसी और को नॉक किया, वहाँ पे क्लच रहना इंस्टेंटली क्लाउड के एक बंदे यहाँ पे नॉकआउट हो चुके। बीके मुकुल को वहाँ पे नॉकआउट किया गया, आई गेस वहाँ पे टीम अदर डायमेंशन के समर ओपी अकेले बचते हुए, दो बंदे वहाँ पे ऐश एंड वहाँ पे समर तो वहाँ पे BTW वहाँ पे देखने को मिलेंगे बचते हुए टीम के लिए। क्या क्लाउड वहाँ पे कोशिश करेगी जोन इन करने का, क्या वहाँ पे क्लाउड्स के एक बंदे को रिया देना चाहेगा बिकॉज वहाँ पे जोन आ चुका है, क्लाउड जाने के बचने के चांसेस नहीं है। रावन वहाँ पे आगे जाते हुए देखने को मिलेंगे, टीएस वहाँ पे राइट से और आगे जोन इन करने का ट्राई करेगी, टीएस वहाँ पे चलते चलते वहाँ पे नॉक निकालने का ट्राई करे। ऐश ने वहाँ पे बढ़िया स्प्रे दिया बट वहाँ पे कनेक्टिविटी कम दिखी उतनी, बट टीएस चार मैन वहाँ पे राइट साइड ज्यादा कम देके लेफ्ट साइड स्किल निकालते हुए आगे बढ़ने का ट्राई कर रही है। दो किल कंफर्म किया गया ओके एक और किल कंफर्म करने का ट्राई किया गया, बीके मुकुल का वहाँ पे नॉक किल उठाया गया बाय द टीम क्लाउड्स। सिक्स की बात करें, टीम सिक्स रैपिड अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओपन में हर जगह हमारी फाइट देखने को मिलेगी। टीम किसान तो वहाँ पे आई गेस एलिमिनेट हो चुकी है बिकॉज तीन बंदे ओपन में, चार बंदे वहाँ पे ऑलरेडी ओपन में थे। कोटा जट को वहाँ पे पिकआउट किया है टीम ओवर पावर के स्क्वाड बिकॉज ओवर पावर उसी डायरेक्शन में ऑलरेडी होल्ड करी थी। ओवर पावर के दो बंदे अगर ग्लैशियर आइटम की बात करें तो ओपन में फुल कॉन्फिडेंशियल फाइट लेते हुए देखने को मिलेंगे, जस्ट उनके सामने टीएस का स्क्वाड आ चुका है। उन्हें आइडिया नहीं है कि टीएस का स्क्वाड जस्ट राइट में, क्या वहां पे टीएस का स्क्वाड और वहां पे ऐश तो बच चुके अकेले, क्या वहां पे अदर डायमेंशन के लिए एडवांटेज होगा? चार पांच स्क्वाड यहां पे बस्ती देखने को मिलेगी। ओके क्लाउड्स के बंदे को पिकआउट किया है, वहां पे क्लाउड्स की टीम यहां पे एलिमेंट हो जाएगी फिफ्थ पोजीशन पे। वहां पे एक ओवर पावर का स्क्वाड वहां पे एक अच्छे पोजीशन के साथ निकल जाएगा, क्या वहां पे डिनर लेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा बिकॉज रैपिड के आसपास ओके फैंटम को वहां पे नॉकआउट किया गया है। रैपिड की बात कर रहे हैं तो ओके रैपिड को वहां पे पिकआउट किया, वहां पे टीएस नॉकआउट हो चुकी थी दो बंदे के साथ, क्या वहां पे प्रिंस पुश करेंगे कि नहीं? ओके प्रिंस ने रैंडम फायर किया, प्रिंस को आइडिया नहीं है कि बंदे कहां है, क्या वहां पे ओके टीएस व्हीकल लेके आगे आ चुकी है, क्या वहां पे टीएस वहां पे ओके ऐश को वहां पे एक्सट्रीम विजर्ड ऑफ द नॉकआउट डाला गया। टीम ओपी के लिए ओवर पावर के लिए वहां पे एक किल और आ चुका है, 9 किल निकाल चुके ओवर पावर ने। अगर टीम स्टोन की बात करें, टीम स्टोन की अगर से बात करें तो वहां पे सैमी वहां पे काफी ब्लीड आउट हो चुके थे, वहां पे ग्लो थे, वहां पे नॉकआउट भी थे। एसोसिएशन की बात करें, दो टीम बचती हुई देखने को मिलेगी, 4v4 का फाइट देखने को मिलेगा, क्या यहां पे कौन सी टीम डिनर ले जाएगी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम वहां पे अगर बात करेंगे, वहां पे यूट्यूब थंडर के ऊपर नेट तो किया गया है, क्या वहां पे कनेक्ट होगा या नहीं देखना पड़ेगा। आई गेस वहाँ पे टीम ओवर पावर एक अच्छी एडवांटेज में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बिकॉज वहाँ पे तुम चार बंदे पोजीशन अच्छा निकाल रहे हो, जोन यहाँ से आता हुआ टीम स्टोन को और नहीं स्टोन भी थोड़े बहुत जोन में, दो बंदे वहाँ पे भले जोन में, यहाँ पे प्रोन टू प्रोन गेम खेलते हुए देखने को मिलेगा। वहाँ पे नॉकआउट्स निकालने का ट्राई तो बहुत ज़्यादा होगा, लेट्स सी कि कौन सी टीम पेशेंसली वहाँ पे नॉकआउट्स निकालती है देन पुश करती है। एक बंदा वहाँ पे ओपन में जाता हुआ देखने को मिलेगा, फैंटम वहाँ पे जानते हैं क्या, वहाँ पे फैंटम वहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, टीम एक्सट्रीम वेजा टॉप वहाँ पे ओवर पावर का भी बंदा डाउन हो चुका है, फैंटम वहाँ पे खुद नॉकआउट हो चुके हैं, 3v3 का फाइट देखने को मिलेगा। क्लासी एटम वहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं आशीष के थ्रू, थंडर की बात करें तो थंडर वहाँ पे खुद नॉकआउट हो चुके हैं, क्या वहाँ पे 1v3 ओके प्रिंस वहाँ पे
ओके टीम स्टोन वहां पे आई गेस डिनर ले जाएगी बिकॉज टीम स्टोन, ओके टीम स्टोन ओपन द चैट गाइस, टीम स्टोन ने वहां पे 9 किल के साथ, 10 किल के साथ डिनर ले लिया। हैशटैग ओपन द चैट फॉर द टीम स्टोन, काफी बढ़िया परफॉर्म करती हुई देखने को मिली हमें टीम स्टोन। ओपन द चैट गाइस फॉर द टीम स्टोन। ओके हमारा सेकेंड रूम बनने को काफी तैयार है बिकॉज हाँ ब्रो चिकन था भाई, 3 बंदे नॉक भाई हो गए भाई, कैसे हो गए भाई? आगे दिया भाई अरे कोई अपना। नहीं कोई नहीं, चलो मैं रूम बनाता हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है ना, पिछला मैच 32 मिनट का गया ठीक था। है भाई आगे अरे कोई नहीं, हार्ड लक ब्रो यार, बहुत बढ़िया दिया परफॉर्म भाई। किया यार, अब पे जोन भी कहाँ था, अब स्टार्टिंग वाला वॉच टावर का, कोई नहीं वेल प्लेड गाइस। हमारा सेकेंड रूम बन जाएगा थोड़ी देर में। आदिति देशमुख, अरे ये बाबा मीपन देशमुख, अरे बहुत बढ़िया भाई एक नंबर बाय द वे आदिति देशमुख थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द स्ट्रीम, हाँ थैंक्स लॉट, मजा आ गया एक और देशमुख देखने को मिला हमें स्ट्रीम पे, और क्या चीज़ से दादा रियली इट्स मीन अ लॉट टू मी, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द स्ट्रीम आदिति देशमुख। ऐसा हमारा सेकेंड रूम यहाँ पे बनने को रेडी है ऑलमोस्ट, मैं सभी को आईडी भेज दूंगा, जो भी टीम ने रजिस्टर किया वहाँ पे T2 के सभी टीम्स को वहाँ पे भेजा जाएगा रूम आईडी, जस्ट होल्ड ऑन। सेकेंड रूम भी हमारे काफी मतलब बनने को रेडी है, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि सेकेंड मैच का क्या सीन रहेगा बिकॉज कल के मैच का तो मैं एक सरप्राइज हूँ टीम स्टोन के लिए भी, और उसके अलावा क्या वहाँ पे टीम स्टोन ऑलरेडी 3 डिनर कंटिन्यूस ले चुकी है, चौथा लेगी, क्या वहाँ पे एक रिकॉर्ड टूट जाएगा इन्फेनरो का, देखना ये रहेगा गाइस इंपॉर्टेंट। पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन्फेनरो और इसके बीच में, हाइपर भाई टीएसओपी ब्रो टीएसओपी अके या ओपी यार ब्रो ओपी, मेरे को थोड़ा खांसी है यार गले में, मेरे को मतलब हल्की हल्की आवाज कम निकल रही है। हेलो, हाँ बोलो ना। ये BKX मुकुल क्या परेशानी है? पता नहीं यार, पता नहीं, मैं बोला ऑल पे वो टाइम पे, ऑल पे मतलब वो टाइम पे स्ट्रीम पे बोला कि ऐसा क्या मतलब है करके, जबकि ऑलरेडी वो टीम मतलब ऑलरेडी टीए है क्या क्या जताना चाह रहा, क्या जताना चाह रहा है? यहाँ बोल। फायर का ना, फायर का ना, फायर किया था है ना फिनिश करने के बाद, वही ना, मतलब क्यों भाई, हम किसको बुरा बोलते हैं तो सामने वाला क्यों वही बता तो शेयर करते हैं? मैंने उधर ही जगह पे बोला, मैं जगह पे उधर क्या बोला मालूम है, बोला तुम ये करके क्या कर रहे हो, क्या जताना चाहते हो, बोला वो ऑलरेडी पॉइंटेबल की विनर टीम है मतलब क्या, ऑलरेडी। क्यों वो तो है, मैं वही बोला स्ट्रीम पे, बोला हमारे लेवल तक आ जा। वही तो मैं तो जगह पे बोल दिया वो चीज, देखना स्ट्रीम पे मैं बोला, सुगर तुमने सुनना होगा, तो क्या बोलूं मैं, कुछ ऑल, कुछ ऑल पे क्या बोला क्या किसी, अरे अब देखा नहीं तूने क्या कर रहा था हूँ हाँ ना, स्ट्रीम पे देखना, स्ट्रीम पे देख, समझ जाएगा। मैं तो लास्ट लास्ट जोन में क्या हुआ बता ना, लास्ट जोन में नहीं। अरे वो TS वालों ने तीसरा निकाला है ना चिकन हाँ लगातार। लगातार रुको मैं आईडी भेज रहा हूँ, एक सेकेंड ना, जैसे बोलियो गेम में मिलते हैं। स्मोकी मैसेज क्यों नहीं कौन देखा, बोल रहा, 1 मिनट क्या हुआ, मैसेज देखा था ब्रो, अभी बताऊंगा ना थोड़ी देर में, अच्छा ठीक है बंद करना 1 मिनट, एक सेकंड, अभी मत बोलना, अभी मत बोलना, वो जरा बोल रही है। अभी नहीं, अभी मत हाँ बंद करवा, अभी मत बंद करना, अभी कैसा, हाँ अभी नहीं, अभी एक सेकंड, मैं डिवाइस में हूँ। इसमें जैसे बात कर, हेलो हाँ भाई अच्छा, ओके एक सेकंड मैं आया, एक सेकंड आया, एक सेकंड आया, रुको रुको काम है।
ओके गाइस सॉरी अगर मैं चैट मिस कर रहा हूँ तो नूरुल भावा मराठी मराठी मध्ये शॉर्ट आउट आई ये नूब गेमिंग बिग शॉर्ट आउट टू यू भावा अनुराग गेमिंग माझी 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 काय आदिती ब्रो टू कस्टम कब चालू होगा टू कस्टम कब चालू होगा टू कस्टम में समझा नहीं अभी का सेकेंड मैच वो तो शुरू हो जाएगा तुरंत तुरंत एकदम तुरंत एकदम तुरंत हो जाएगा ब्रो नो वरीज ब्रो ओके गाइज मैंने आईडी तो सभी को भेजा गया है होप्सो कि सब फटाफट ज्वाइंट हो जाएंगे विजन हेलो स्मोकी रुद्रा आवाज आ रही है वो जो अदर डायमेंशन का बंदा है ना उसने बोला जो लीडर है जो है वो बीके मुकुल वो बोलता है मेरे को कुछ मैसेज टाइप करके भेजा शायद वो सॉरी बोलता होगा मेरे को बोल रहा था कि हमारे जो बंदे हैं उन्होंने मैं देखा स्ट्रीम पे किया किया ऐसा ऐसा सब सॉरी करके कहा वो चीज़ मैंने बोला मैं आईडी बनाने वगैरह में बिजी हूँ मैं नहीं भेज रहा वगैरह तो तुम अगर जो बोल रहे हो तो रुद्र या विजन या स्मोकी भेज दो ने क्या अगर कुछ तुमको लग रहा है वो बोल रहा है टीम की तरफ से मैं सॉरी वही बोलता तो। हूँ अबे हमने तो आज तक कुछ बोला ना कुछ, हमने तो कुछ भी नहीं करा वही भाई, तो हमसे नॉर्मल फाइट में मैं थे। नोट किया वो बात बट अभी वो लीडर ऐसा बोल रहा है मैं बोल अभी उसको तुम देखो कैसा बोलते हो बिकॉज मेरा तरफ से मैं बोल पता तो चल गया ऐसा है लेट्स सी वैसे वो क्या नाम अरे है छोड़ो, हाँ अपने को तो कैच नहीं करना अपने अरे कोई कस्टम दिक्कत है नहीं यार, अरे छोड़ो कोई मतलब नहीं हाँ ना, नहीं मुझे अरे होने मैसेज दो यार किया ब्रो। मैंने मैसेज किया ये बताने के लिए कैसा अपने मैसेज आया मैं अरे रूम आईडी को में फर्क नहीं बिजी पड़ता। मैं रूम आईडी भेजने में बिजी था ना तो मैं तुमको मैसेज वो फॉरवर्ड नहीं किया इसलिए वो क्या भेजा है कोई अरे नहीं नहीं अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, अपने को बस गेम पे ध्यान रखना है। वहीं आओ भाई, जो है अपने को दिखाओ, परफॉर्मेंस दिखा दो भाई, बस बात ये खत्म। तो है स्मोकी है क्या ऑल मुझे कुछ बात बोलना था स्मोकी को हाँ ओके, रुद्रा भाई सुनो ना मैं तुमको एक एक सेकंड रुको बोलो मैं माइक ऑफ भाई। कर रहा हूँ एक सेकंड रुको रुको इधर ही बोलता रुको
ए आर गेमिंग, यो ब्रो, यो हेलो स्मोक। ब्रो जरा दो मैसेज भेज रहा हूँ, जरा व्हाट्सएप चेक करियो ब्रो। हाँ 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 व्हाट्सएप ही है ब्रो। नूडल टू पे भेज। अरे ये मैसेज, ये अरे ये नंबर पे भेजना, 888 जिसपे मैं ऑल हूँ या जिसपे मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ। ओके गाइस, मुझे भी रूम में जाना चाहिए, मेरा ही रूम है। मेरे ही कस्टमर, मैं ही नहीं आया अभी तक, बोलेंगे बंदे यार नाम रखेंगे मेरे को। चलो आ गया, तुम्हारा भाई आ गया है गाइस, तुम्हारा भाई आ गया है। हितेश ब्रो, ब्रो यस ब्रो, से ना ब्रो, व्हाट हैपेंड ब्रो। ओके एक बार चेक करूँ, सब आ तो चुके हैं ना? ओके आ तो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीम ऐसा नाटक क्यों करती है? स्लॉट बुक करती है, हम स्लॉट देते भी है, टाइम पे नहीं आते, फिर लास्ट मिनट पे हम उनको नहीं लेते, फिर ना किक कर दिया स्मोकिंग।
ओके मैं एक बार अनाउंस कर दूं क्या, लास्ट 1 मिनट है या 2 मिनट है, ताकि क्या उतना ये टीम नहीं गया, मतलब फटा अगर कोई रहेगी, किसी का मैप डाउनलोड नहीं होता ना इसलिए। ओके आई गेस सभी आ चुके हैं, दो टीम नहीं आने वाली थी, मैं अभी याद रखूंगा। जो भी नई टीम है ना साला, रजिस्टर करते खेलते नहीं है, ये गलत है भाई, ये टोटली गलत बात है भाई। रुको रुको पढ़ते हम चैट, ये ना टोटली गलत है। स्लॉट 9 भी खाली है। ओके टीम रजिस्टर है, टीम 9 का स्लॉट नंबर है, एक मिनट में बताता हूँ कौन सी टीम है, मैं अभी ओवरऑल नोट कर लेता हूँ। स्लॉट है DRK, DRK ने मेरे को मैसेज करके बोला था वो नहीं खेलेगी। टीम 12 का मेगा का बंदा नहीं आया अभी तक, वाह मेगा का स्क्वाड का ही नहीं आया, वाह शाबाश। ओके लास्ट 1 मिनट रहेगा। स्लॉट 21 भी नहीं है ना, स्लॉट 21 दिया था मैंने साला, किसको दिया था एक मिनट, ये लोगों के नगा नाम मेरे को, मैं चैट भी पढ़ूंगा। स्लॉट 21 दिया था ब्रे ऑफिशियल को, ब्रे ऑफिशियल नहीं आया अभी तक। तो चलो ब्रे ऑफिशियल वाले भी अपने अपने कस्टम में रहेंगे, एक बात समझ में आती है, मैं समझ सकता हूँ। टीम ओपी आई है क्या? ओके टीम ओपी आई है, टीम ओपी 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 किधर है? ओके टीम ओपी, और टीम ओपी आई है। ओके ऑलमोस्ट सभी स्क्वाड आ चुकी है, किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा मेरे को। ये राणा, साहिल, ठाकुर, ये लोग को बैठने देते हैं स्लॉट में। वाइल्ड ओके DRK के बंदे आ चुके हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। मेरे को लगा DRK के बंदे नहीं आने वाले, बिकॉज बंदों ने मैसेज किया था नहीं आ पाएंगे, बट चलो अच्छी बात है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट द टीम, दैट कि तुम उतना अवेलेबल नहीं हो, दयान तुम्हारे बंदे खेल रहे हैं। LT स्कार वहाँ पे आ गया था, राणा ब्रदर को तो हम किक करेंगे टीम 1 से। ओके टीम 21 में बैठ जाएंगे, ब्रेव के बंदे तो ठीक है। ओके ब्रेव के बंदे आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, लास्ट सेकंड्स पे आए, कोई नहीं। ऊपर से राणा ब्रदर हटते तो ठीक है, हम चालू करने वाले गाइस एकदम सुन। अरे चैट तो पढ़ नूरुल मामू, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कैसे नहीं करेंगे भाई, कर तो दिया हमने। ओके चलो एवरी एवरी स्क्वाड का मेंबर आ चुके हैं एंड नो प्रॉब्लम आई गेस। यहाँ पे हमारा वीकेंडी का मैप शुरू हो जाएगा, मैच चालू, लेट्स गो गाइस। ओके ओके इस वीकेंडी का मैच हमारा शुरू हो चुका है। आई गेस किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम होता, मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया था। 11:12 को हमारा शुरू होता है, हमने 11:13 को किया, देखो गाइस प्रूफ भी है। 13 को देखो जस्ट टाइम देखना, 11:13 को कि 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया, हम टाइम के पक्के। एक्चुअली बात बताओ, सच बता रहा हूँ, टाइम के हम बहुत बड़े पक्के हैं। चैट तो पढ़ पक्का रे, ऐड आईडी करो, ऐड करो। ओके ऐड किसको करना है, किसे ऐड करना है बरो, किसे ऐड करना है बरो, किसे ऐड करना है बरो, किसे ऐड करना है मुझे, ऐड करो। ओके ब्रो नेम बताओ, पबजी का रिक्वेस्ट अगर होगा तो मैं कर दूंगा एक्सेप्ट। ओके गाइस वीकेंडी का मैप हमारा शुरू हो चुका है, मैप बोल रहा हूँ, मैच शुरू हो चुका है। ओके जस्ट वेटिंग फॉर द काउंटडाउन्स गोज, बिकॉज वीकेंडी में तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, होम ना होगा भी नहीं। मैं जस्ट एक सेकेंड आया। ओके ओके गाइज यहाँ पे मेरे थोड़ी डैड की तबीयत खराब थी, तो मैं जस्ट हालचाल पूछने गया था कि कैसा, थोड़ी तबीयत नहीं, और रेस्ट कर रहे थे ना, तो उनको रेस्ट करना देख रहा था कि वो रेस्ट सही से कर रहे या नहीं, इसलिए गया था। थोड़ा मैं चिल्लाम चिल्ली भी कम करूंगा, बिकॉज मन नहीं कर रहा, डैड की इतनी तबीयत खराब और मैं इतना शोर शराबा करूँ, दैट्स वाई।
ओके एरोप्लेन में लेगा क्या? नहीं आज के दिन में ये भाई, ये क्या है यार, कोई भी स्लॉट ने घुस जाता है क्या? कोई स्लॉट में थोड़ी, सब रजिस्टर टीम है ब्रो, सब रजिस्टर टीम है ब्रो, सब रजिस्टर टीम है। सही से दिख तो रहा ना भाई। एकेम ब्रो, और उसके चक्कर में भाई मोकी नाम का एक बंदा हमारे स्लॉट में घुस गया, और उसके चक्कर में टीम टू के बंदे स्लॉट 12 17 में चले गए। अच्छा ब्रो ओके, एक मिनट, मैंने टाइम बताया था कि ज्वाइन फास्ट सब हम बताए, कोई टीम का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बताओ कोई टीम ऐसी है क्या जो, मेरे को बताओ कि कोई विदाउट शॉट टीम अंडरडॉग फाइट लेना शुरू हो चुकी क्या? अंडरडॉग से 2 किल निकाल चुके, हम बात करेंगे उस बारे में। अंडरडॉग के बंदे 4HS गॉड को फिनिश आउट डालने का ट्राई करेंगे। अगर बात करें वहाँ पे अगर फाइट्स की, तो वहाँ पे अंडरडॉग्स के पास अच्छी गन है वहाँ पे आ चुकी, बिकॉज अंडरडॉग से सैम की बात करें तो सैम भी वही कंपाउंड में अच्छे बैकअप दे सकते हैं। और टॉक्स की बात करें ओके, अंडरडॉग सैम ने एक को तो फिनिश आउट किया 4HS गॉड को, क्या 4HS के सेकंड लाइनअप के बंदे क्या एलिमिनेट हो जाएगा देखना पड़ेगा। वो 19 की तरफ जाए तो 19 का आखिरी बंदा बैठा था वहाँ पे इन्फिनोर के थ्रू एलिमिनेट हो चुका है। क्या पे इन्फिनोर वर्सेस टीम अंडर डॉग्स होगा कि नहीं देखना पड़ेगा। अगर बात करें वहां पे अंडरडॉग सैम की, तो अंडरडॉग सैम वहां पर ओके, टॉक्सिक को वहां पे टॉक्सिक को स्पॉट आउट किया गया, बिकॉज फायर आउट भी किए थे। टॉक्सिक के ऊपर शायद पुश देखने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, आई नॉट श्योर अबाउट इट। वहां पे एल्टीस कारण फोर्सी डेडशॉट को नॉकआउट करते हुए देखने को मिलेंगे। अंडरडॉग्स की बात करें तो अंडरडॉग्स के अकेले बंदे लोन सर्वाइवर देखने को मिलेंगे। अंडरडॉग्स को दिखाना ब्रो, मैं मार्कस सीरीज भाई, मुझे सिर्फ नाम बता अपनी, आपका नाम क्या एक्चुअली इन गेम, बिकॉज मैं बता रहा हूँ हम किसी एक के लिए इतना वेट नहीं करते ब्रो। ऑलरेडी रूम आईडी सबको बहुत जल्दी प्रोवाइड की गई थी है, 11:05 को दी गई थी, ऊपर से 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया था। ना ही मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने कहा है कि रॉन्ग पर्सन बैठा है आज तक किसी का स्क्वाड का, ऐसा मेरे को लगता होगा कि अंडरडॉग्स के बंदे वहाँ पे रुद्रा को पे नॉकआउट डाल चुके। सैम ने वहाँ पे ओके, अंडरडॉग टॉक्सिक को वहाँ पे फिनिश आउट डाल दिया गया है। अंडरडॉग सैम वहाँ पे अकेले बंदे देखने को मिलेंगे हमें अंडरडॉग्स के लिए। और वहां पे अगर इन्फिनोर की बात करें, इन्फिनोर को रुद्रा को तो यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा आराम से। क्या वहाँ पे अंडरडॉग्स के बंदे 1v4 करने का मन कर रहे, मन है उनका, यानी देखना पड़ेगा, बिकॉज अंडरडॉग सैम की बात करें तो भागने का कोशिश किया जा रहा है। वहाँ पे अंडरडॉग सैम की तरफ एक बार जाके देखे कि अंडरडॉग से सैम को बचना बहुत जरूरी है। अंडरडॉग से सैम के ऊपर 4 मैन पुश हुआ गया है। क्या वहाँ पे अंडरडॉग से सैम, वहाँ पे अंडरडॉग सैम के लिए आई एम फीलिंग वेरी सैड। वहाँ पे इन्फिनोर टीम से एलिमिनेट हो चुका है, टीम इन्फिनोर ओपी द चैट गाइस। इन्फिनोर वहाँ पे 3 किल आराम से निकाला है थर्ड पार्टी करने के चक्कर में, और क्या ही बोल पाएंगे। विजन को तो आप आराम से रिवाइव करेंगे, बट वहाँ पे अंडरडॉग की सैम की बात मुझे अच्छी लगी कि वहाँ पे फॉल बैक नहीं लिया, भागा नहीं कुछ, बट वहाँ पे एक फाइट लेने, फाइट लेते लेते जाते 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 एक वो चीज़ लिए बहुत बढ़िया है। वहाँ पे गिव अप नहीं किया, बिकॉज वो जानता है, वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं 1v4 कर सकता हूँ। बट वहाँ पे थोड़ा गन गन फाइट में नहीं हो जाता एकदम क्लोज में इतना प्रॉपर, बिकॉज यूजी विथ ये सब मतलब उतना रिक्स हो जाता है। बाइजन है तुम्हारे हाथ में, अगर G36 है वहाँ पे सामने वाले के पास यूजी ऑन ऑल, तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतें हो जाती है भाई। क्या कहा आपने मार्कस रुइस ब्रो, देखो जो भी हम लोग टाइम पे थे वो हमारे टीम में आया, क्या नाम है भाई? एक्चुअली मैं स्ट्रीम बैक करके ये भी देखूंगा भाई, देखो किसी स्लॉट का कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो मैं अभी मैं रेड करवाता हूँ। रुको, टीम सेकेंड में इन्फिनोर आराम से बैठी है, टीम थ्री में TS अच्छे से बैठी है, टीम फोर में हमारी अदर डायमेंशन बैठ चुकी है, टीम फाइव की बात करें तो लॉर्ड का स्क्वाड आ चुका है एकदम प्रॉपर, एक भी प्लेयर नहीं चेंज है। टीम सिक्स की बात करें रैपिड का स्क्वाड आ चुका है बराबर, यानी कि एडी का स्क्वाड प्रॉपर बैठा है। टीम सेवन में भी कोई रॉन्ग प्लेयर नहीं है, टीम एट में भी रॉन्ग प्लेयर नहीं है।
किसान का स्क्वाड है, नाइन का एक बंदा ही आने वाला था, उन्होंने कहा डीआरके के स्क्वाड नहीं खेलेंगे, तो डीआरके की तरफ से एक ही बंदा खेला और उसने 1v3 भी किया है वो भाई मजा आ गया एल्टिस कार को देखिए गाइस। अगर मैंने एल्टिस कार को नहीं दिखाया टीम डीआरके के लिए आई एम सॉरी, बिकॉज वहाँ पे फाइट हो रही थी इन्फिनोरो वर्सेस अंडरडॉग वर्सेस 4HS के एक सेकंड लाइनअप के थ्रू। अगर बात करेंगे टीम 11 की तो फेट का स्क्वाड था, टीम 13 वहाँ पे टॉक्सिक आई नहीं है तो वहाँ पे गॉड को हमने बोल कर दिया था स्लॉट, गॉड वहाँ पे बहुत देर से वेट कर रही थी, टॉक्सिक वहाँ पे नहीं आई तो उन्होंने बोला हम नहीं आने वाले, तो इसलिए गॉड को देखो वहाँ पे भी चार बंदे गॉड की है। ओके टीम 14 की बात करें तो टीम ओपी का स्क्वाड देखने को मिलेगा जो कि ऑलरेडी लिस्ट में उन्होंने दिया था। अगर हम तुम्हारी टीम 14 अगर बात बोलूं, टीम 14 वहां पे 20 का स्क्वाड था, अब वहां पे ओके चैट नहीं भाई भाई रुको, टीम 15 की बात करें तो वहाँ पे स्लच का स्क्वाड है, INFZ पंकज वॉल्फ पॉपी ये तो रोज देखते हैं तुम सबको पता है गाइस। मैं अगर किसी को लग रहा है कि मैं ऐसा जानबूझ के कर रहा हूँ तो देखो यार सिंसियरिटी जो भी ऑन स्ट्रीम है मैं ये नहीं बताऊंगा, सबके लिए एक बंदे के लिए मैंने वेट किया, सो यार रॉन्ग पॉइंट्स बता लो। TS वहाँ पे नॉकआउट निकालती हुई देखने को मिलेगी। टीम 17 की तरफ जाए तो यहाँ पे टीम 17 दी थी ब्लैंकेट को, ओके ब्लैंकेट तो ब्लैंकेट के भी बंदे बैठ चुके नो प्रॉब्लम, सिर्फ सुमित नहीं आई है। BDS रैपिड वहाँ पे प्लैटिनो को नॉकआउट कर रहे हैं। टीम 18 की तरफ जाए तो 18 भी बराबर आराम से बैठी है। टीम 19 तो एलिमिनेट हो चुकी है 4HS का सेकंड लाइनअप। टीम 20 को बराबर स्लॉट देता क्लाउड बराबर बैठ चुकी है। 21 यहाँ पे थी ब्रेव का स्क्वाड, ब्रेव की अगर बात करें तो साहिल JNX अर्पित सही है कोई डाउट नहीं है। टीम 23 की बात करें तो ड्रीम चेजर का स्क्वाड है, ड्रीम चेजर भी सही से बैठी भाई, तेरे को नहीं बोल रहा हूं उस बंदे को बोल रहा हूं। अच्छा ब्रो टीम 17 था स्लॉट, अच्छा ब्रो टीम 17 था हमारा स्लॉट, टीम 17 ओके एक बार चेक करो स्लॉट 17 किसको दिया था, एक मिनट लिस्ट है मेरे सामने, अगर कुछ रॉन्ग होगा तो मैं देख पाऊँ। ओके ब्लैंक एट ना ब्रो, ओके ब्लैंकेट के तो बंदे एलिमिनेट हो चुके ब्रो, दो ही बंदे थे शायद एलिमिनेट हो चुके, अभी जस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं। ब्लैंकेट है ना तुम्हारा मार्क्यूस ब्रो, हाँ वही ब्लैंकेट है। देखो मैं अभी भी राइट हूँ। अगर टीम 17 की बात करें तो ब्लैंकेट के बंदे कौन से, एक बार नाम चेक करूँ, वेट मेरे पास नाम भी है, यही है ना आपकी दानव और ये वाइबर सुमित भी है ना मार्केस ब्रो, मेरे को याद है भले वो खेल नहीं रहा है बंदा, मुझे अभी भी दिमाग में बात नाम है कि कौन से सही प्लेयर है ये, मतलब मैं नए बंदे के भी नाम याद दिमाग में बैठाता हूँ। सुमित रहेगा देखना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुमित खेल नहीं रहा है बट मुझे नाम याद है, ब्लैंकेट के लिए सुमित भी खेल रहा है ना मार्केस ब्रो। देखो यार इतना तुम्हारा भाई जानता है सब कुछ, एक एक टीम के एक एक पर्सनल चीज़ें जानता है, जबकि अभी तक तो तुम्हारा आई गेस ये सेकेंड मैच रहेगा हमारे कस्टमर, सेकेंड डे ही रहेगा ब्रेक इसका ब्लैंकेट का। मैं ही हूँ सुमित, अरे 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 देखते, अरे आई एम सॉरी सुमित भाई लेकिन क्या कर सकते यार। RS वहाँ पे नॉकआउट होते हुए देखना, RS वहाँ पे नॉकआउट निकालते हुए देखने को मिलेगा एडी के स्क्वाड की तरफ। एडी के स्क्वाड की तरफ जाए तो वहाँ पे किसान वहाँ पे ओके एडी के एक बंदे वहाँ पे नॉकआउट हो चुका है। फॉक्स रैपिड की बात कर RS वहाँ पे एक फॉक्स को भी नॉक फिनिश आउट डाल दिया, रैपिड है वहाँ पे मैडमा अकेले बसते हुए देखने को मिलेगा। मैडमा ने वहाँ पे किसान के ऊपर पुश किया था बट वहाँ पे किसान के होकर ने इजी पीजी नॉकआउट निकाला, बट वहाँ पे क्या ही नॉक निकाला है। टीम 18 वहाँ पे थर्ड पार्टी करने आ गई है 4HS का स्क्वाड। 4HS की तरफ एक बार हम फोकस करेंगे, क्या वहाँ पे 4HS वहाँ पे क्या क्लच कर पाएगा, क्या स्लैमिंग डाला गया, क्या पे चार्जिंग प्रॉपर सक्सेसफुल होगा यानी बिकॉज वहां पे किल्स वहां पे निकालने का ट्राई करेंगे। होप घायल है वहां पे, रैपिड ने वहां पे किल चोरी किया है, यहाँ पे उन्होंने उनका किल चोरी किया, वहाँ पे दान उन्होंने उनका टीम 6 के लिए वहाँ पे किल चोरी किया। किसान का स्क्वाड तो भले एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज किसान के स्क्वाड के बचने के चांसेस नहीं थे और वहाँ पे फंस चुकी थी। वहाँ पे टीम आईडी के लिए अकेले बंदे वहाँ पे बसते हुए देखने को मिलेंगे। ब्रो लाइक फ्रॉम फाइव डीज एंड लव फ्रॉम नागपुर, आई ये हेल्प हाइपर हेल्प थैंक्स अ लॉट ब्रो, सेम टू यू ब्रो, लव फ्रॉम भिवंडी महाराष्ट्र मुंबई। वहाँ पे अगर बात करेंगे टीम्स की, एक नया प्लेयर है क्या वहाँ पे, लेट्स सी साइको कैसा खेलते हुए देखने को मिलेंगे। साइको संत्या ओके नया है, सब्स्टिट्यूट है ओके। बात करेंगे वहाँ पे अगर टीम 20 ब्रेव की, तो ब्रेव वहाँ पे टीम 7 के ऊपर फाइट लेता हुआ देखने को मिलेगा। दो नॉकआउट किया गया, दो इंस्टेंटली फिनिश आउट डाल दिया, क्या वहाँ पे लास्ट बंदों के ऊपर पूछ देखने को मिलेगा ओके। वहाँ पे कंपाउंड्स में थे दैट्स व्हाई वहाँ पे फर्स्ट चुके थे। टीम 7 के दो बंदे वहाँ पे स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। ऊपर की तरफ क्या वहाँ पे ब्रेव का स्क्वाड वहाँ पे 3v ओके, ब्रेव का स्क्वाड के एक बंदे को अर्पित वहाँ पे नॉकआउट किया गया। जेन एक्स की बात कर रहे हैं, जेन गाजी की बात करें तो वहाँ से नॉक निकालने का ट्राई करें, वहाँ पे बंदा खुद एटम खुद ग्लाइस एटम खुद लो हो चुके थे। यहाँ पे साहिल अगर साबिल की बात करें, साबिल ठाकुर की बात करें तो वहाँ पे दोनों को रिवाइव देना पड़ेगा। वहाँ पे क्या पुश होगा क्या देखना पड़ेगा, रिवाइव हो जाएंगे तो यहाँ पे शायद फाइट लेने के लिए इजी हो जाएगा बिकॉज ग्लाइस एटम काफ़ी पीछे है। थंडर वहाँ पे गाड़ी का स्लैमिंग डाल चुके, क्या वहाँ पे चार्जिंग उनका सक्सेसफुल रहेगा बिकॉज गाड़ी तो ओके गाड़ी जो हिसाब से लैंड किया है ये सब रिलोड के चक्कर में फंस तो नहीं जाएंगे क्या, नहीं कवर में तो आ चुके हैं। वहाँ पे सेकंड बंदा हिट आउट कर लेगा। जेन गाजी की बात करें तो वहाँ
जहाँ पे अर्पित को वहाँ पे फिनिश आउट डाल दिया गया, 2v2 का फाइट देखने को मिलेगा, वहाँ पे यूट्यूब थंडर के ऊपर स्प्रे दिया गया, बट वहाँ पे ग्लाइसी आइटम फुल चार्जिंग करते देखने को मिलेगा, क्या ओवर पावर्ड यहाँ पे 2v2 पर ऊपर कर पाएगा कि नहीं, ग्लाइसी आइटम वहाँ पे क्लोज इन कर चुके, चार्ज डाल चुके, क्या ये चार्ज बीस्ट मोड का रहेगा कि नहीं, बिकॉज देखना पड़ेगा क्या वहाँ पे आइटम वहाँ पे थोड़ा पीछे से जाते हुए देखने को मिलेगा, शायद नेड्स नहीं है उनके हाथों में, ओके नेड्स था गाइज, नेड्स था, काफी बढ़िया एलिमिनेट किया ब्रोके स्क्वाड के लिए, ओपन द चैट फॉर द टीम ओवर पावर्ड, अच्छे से एलिमिनेट किया है, वहाँ पे किल तीन अपने खाते में बटोर लिया, बट वहाँ पे खुद के लिए टीम के लिए 2 का लॉस ले लिया है, 2 का लॉस कुछ खास नहीं लगा बिकॉज प्रीवियस गेम में तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे मिस कॉल के चक्कर में टीम एलिमिनेट हो जाती है, वहाँ पे 4HS किंग नॉकआउट निकालते हुए देखने को मिलेगा, शायद वहाँ पे एनिमेशन के साथ फाइट हो चुकी है, अगर बात करेंगे 4HS के अगर ऐश की तो वहाँ से वो ट्राई करेंगे कि वहाँ पे किल तो निकाल लिया डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया है वहाँ पे स्क्वाड को, अगर अदर डायमेंशन की बात करें तो अदर डायमेंशन के 2 बंदे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, अदर डायमेंशन के बंदे जानते हैं कि वो अगर वहाँ पे क्रॉस कर देंगे एक रोड तो वहाँ पे एक पाथ नहीं मिलेगा उन्हें फाइट लेने के लिए, बिकॉज सामने ही 2 बंदे ऑलरेडी रेडी थे, जोन भी आता हमें देखने को मिलेगा क्या वहाँ पे जोन का थोड़ा डैमेज खा पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हीलिंग की बात करें तो बूस्टर ओके दोनों के पास कुछ ठीक ओके, ऐश के पास काफी बूस्टर नहीं है, बस वहाँ पे बैंडेजेस वहाँ पे मेड किट से, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 4v2 का सिचुएशन क्या बनता है, 4CS ओपी 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 4CS की तरफ भी जाके देखेंगे हम, 4CS की बात करें तो 4CS वहाँ पे थोड़ा पहले ही 4HS स्किन के ऊपर स्प्रे डाला गया, वहाँ पे काफी लो चुके, बट वहाँ पे ऊपर से बैठा समर ओपी ने काफी बढ़िया डैमेज ऐसे देखने को मिलेगा, क्या पीछे से बंदा उनको ट्रबल देगा कि नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर पीछे की अगर बात करें तो एक बंदा रोटेट मार चुका था ओके, वो जा चुका है 4HS का बंदा जोन इन कर चुका है, क्लाउड का स्पॉट वहां पे थोड़ी सी दूरी पे 100 मीटर टू 200 मीटर के रेंज में वहाँ पे देखने का 4HS के अकेले जो बंदे आगे रोटेट मार चुके उनकी तरफ हमें देखने को मिलेगा, क्या वहाँ पे क्लाउड्स के राणा वहाँ पे क्या पुश करेंगे कि नहीं देखना पड़ेगा, रावन वहाँ पे नॉकआउट थे, स्ट्रेंज वहाँ पे रिवाइव आउट दे देंगे, अगर बात करेंगे बॉक्स रैपिड वहाँ पे एनी टाइम 1v6 करने 1v2 करने के लिए रेडी रहते, बट वहाँ पे बॉक्स रैपिड को फिनिश आउट किया है, टीम 6 एलिमिनेट हो जाएगी, बॉक्स रैपिड की अगर बात करें तो आई गेस 1 किल 2 किल निकाल लिया टीम आईडी के खाते के लिए, भाई तुम्हारी स्ट्रीम थोड़ी डिले होती है क्या, 15 से 20 सेकंड की डिले ब्रो, बस उससे ज्यादा हम करते नहीं है, अगर ज्यादा देर डिले करें ना गाइस तो ये चैट में मजा नहीं आता है कि अगर तुमने अभी कहा फाइट दिखाओ और मैंने बहुत पहले दिखा दिया ये कुछ हो गया, मतलब वो मजा नहीं आता गाइस, एक्चुअली बहुत सारी टीम ना ये भी होती है, और एक्चुअली मैं जानबूझ के करता हूँ टी1 को मैं डिले कर देता हूँ, अच्छा एक मिनट कभी कभी, TS की बात करो तो TS लॉन्ग रेंज वहाँ पे फाइट लेती हुई देखने को मिलेगी, अगर TS की तरफ जाए तो शायद क्लोजिंग नहीं चार्ज किया, अगर जोन की बात करें जोन कंप्लीटली वहाँ पे पोड़ो वोसाटा की तरफ एंड कोस्मो डरामन वहाँ पे अगर बात करें तो आगे जा चुका है, ऊपर की तरफ जा चुका है भाई, स्ट्रीम स्नाइप हो गया तो भाई स्ट्रीम स्नाइप देखो मैं बताता हूँ कैसा होता है, अगर मैंने कंप्लीटली ऐसा दिखाया ओके एक्सप्लेन आई विल एक्सप्लेन इट ओके लाइक दिस, यहाँ जैसा देखो एकदम तुमको अच्छा बताऊँ स्ट्रीम स्नाइप किसको बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पे टीम ओपी का स्क्वाड होल्ड करता देखने को मिलेगा, क्या वहाँ पे इन्फेनर का स्क्वाड पोस्टो के क्रॉस करके ब्रिज क्रॉस करके आगे जाएगा, ऐसा मैप हम कंटिन्यू शो किया ना तो वहाँ पे बंदे डिवाइस होल्ड करते हैं सेकंड, फिर देखते हैं कि कहाँ पुश करना चाहिए, उनका टीममेट बताता है ये सब करता है, अगर मैं समझो ऐसा कर रहा हूँ ये देखो ये ज़्यादा कर रहा हूँ ऐसा बता रहा हूँ कि टीम थ्री के जस्ट थोड़ा ऐसा हम बार बार कर रहे हैं बार बार ऐसा कुछ दिखा रहे तो बंदे को ईजी होता है स्ट्रीम स्नाइप करना, स्ट्रीम स्नाइप करना बहुत टफ बात होती है बिकॉज हम देखो हम कैसा करते हैं हम बार बार ऐसा स्विच करते हैं, TS वहाँ पे आ चुकी है, TS की अगर बात करें तो TS के पीछे वहाँ पे कोई और स्क्वाड नहीं, बस इतना बता दे और हटा देते इतना बता के हटा देते और ऊपर से 15 सेकंड का डिले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसलिए, और स्ट्रीम डिले क्लोज रेंज के लिए तो कोई बंदे ट्राई भी नहीं करते भाई, जो टीम फाइट में है वो अगर देख ले कि कौन से घर में है टीवी पे ले रहा है तो वैसे स्क्वाड को हम एक्चुअली दिखाते कम है ओके, जो ज़्यादा होल्ड कर रही है या मतलब जो फाइट ही नहीं ले रही है तो ऐसे हम स्क्वाड को पहली बार कम दिखा रहे हैं, अब लाइक देखना वहाँ पे हमने अंडरडॉग्स को दिखा जहाँ फाइट हो रही थी फेट की, अभी तक अभी हम फर्स्ट टाइम फेट को दिखा रहे हैं, फेट फाइट ही नहीं ले रही थी देखो फेट की तरफ अभी हम गए, फेट कंपाउंड होल्ड कर रही थी लाइक दैट, मतलब एक टेक्निक होती है कि बंदों को कैसा स्ट्रीम करना चाहिए, जानबूझ के हमारा स्ट्रैटेजी होता है, हाइपर थैंक्स अ लॉट ब्रो, एक्चुअली मेरा स्ट्रैटेजी ही है एक्चुअली, मैं नहीं चाहता कि स्ट्रीम साइन को और तुम लोग का भी मजा कम ना हो बिकॉज तुम लोग जानबूझ के थोड़ा लाइव मैच दिखना चाहते हो, एग्जैक्ट मिरर इमेज तो मैं किसी को दिखा नहीं पाऊंगा, मिरर इमेज दिखाऊंगा तो पूरा गलत हो जाएगा, लाइक अगर मिरर इमेज की मैं जैसा सीन बताता हूँ ओके, अभी यहाँ पे ग्लाइसी आइटम जा रहा है और समझो मैंने ऐसा कर दिया, अब ग्लाइसी आइटम अगर समझो ये ग्लाइसी आइटम अगर स्ट्रीम स्नाइप कर रहा है उसको पता है कि ये पत्थर पे बंदा है क्योंकि दिख जाएगा ना, मैं अगर ऐसा करूंगा तो दिख जाएगा, तो वो ग्लाइसी आइटम को मैं वैसा दिखाऊंगा ही नहीं, जब मुझे पता है कि सामने बंदा स्टोन पे टीपी पे ले रहा है तो मैं क्या करूंगा ग्लाइसी आइटम पे ही रखूंगा ऐसा बस, या तो फिर बाद में क्या करूंगा यूट्यूब थंडर शिफ्ट मारूंगा ये करूंगा ताकि दोनों में कंफ्यूजन हो कि बंदे का पोजीशन किधर है पता नहीं चले, जानबूझ के चीजें ऐसी करनी होती है इसलिए, और बहुत सारे मैप अगर कम खोले ना लास्ट जोन में तो बहुत इजी होता है रोटेशन मारने के टाइम लोगों के लिए, भाई हर स्ट्रीम में मेरी तरफ से 5 लाइक ये हाइपरएल भाई दिल खुश कर देते हो भाई, बस 5 का 50 कर दो और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा, एक बार हम फोकस करेंगे टीम अदर
चुके हैं, बिकॉज अदर डायमेंशन ने अर्ली स्टेज पे लॉकआउट दो लॉस कर चुके हैं। अदर डायमेंशन की बात करेंगे तो जीरो किल के साथ लॉस करना मुश्किल की बात है, बिकॉज वहाँ से रोटेशन मार दिया है, फोर एच से बस तो गए। लॉर्ड्स की बात करें, लॉर्ड्स को हमने थोड़ा कम दिखा, लॉर्ड्स की अगर बात करें लॉर्ड कैसल के आगे रोटेशन मार के इन करने का ट्राई करेगी, बट इन्फिनोरो की स्क्वाड की बात करें तो उस डायरेक्शन में ऑलरेडी है। फोर एच वहाँ पे इन्फिनोरो की तरफ आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्या फोर एच वहाँ पे फाइट लेगा ही नहीं? फोर एच अपनी अपनी गाड़ी के इसमें धुन में मजे लग रहे हैं। चार मैन अपने इन्फिनोरो के अगर पास आसपास बंडर आ गया तो हमें फाइट देखने को मिल सकता है। इन्फिनोरो की तरफ बात करें तो वहाँ पे रीजस होल्ड करते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज वो जानता है कि यहाँ पे यही मोमेंट है कि जो भी स्क्वाड आएगी तो वहाँ पे होल्ड करने का ट्राई करेगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे इन्फिनोरो की तरफ देखते हैं कि इन्फिनोरो ने रुद्र वहाँ पे स्प्रे देते हुए, रुद्र ने अभी काफी लो किया है, वहाँ पे रुद्र ने एक राउंड के दो को डाउन किया है, वहाँ पे रुद्र ने 1v2 किया है, क्या वहाँ पे रुद्र बच गए? फिनिश आउट तो कर दिया, बट वहाँ पे रुद्र ने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया है, दो बंदों को डाउन किया है। अगर वहाँ पे बैकअप मिल जाता तो वहाँ पे विजन की बात करें, विजन नॉकआउट निकालने का ट्राई करेंगे, रीजन का अगर विजन का नेट प्रॉपर लगता है तो वहाँ पे 4HS का स्क्वाड इंस्टेंटली फिनिश होगा। गेस वहाँ पे पूछ देखने को मिलेगा तो काफी अच्छा रहेगा। 4HS की दिक्कत है बहुत बढ़ती, बिकॉज लोन बंदा वहाँ पे देखने को मिलेगा, तीन नॉकआउट निकल चुके थे 4HS किंग ओपी अपने टीम के IGL अकेले बंदे बसते देखने को मिलेंगे। किंग ओपी वहाँ पे भाग तो चुके हैं, फॉल बैक ले लिया है, तीन किल तो भले निकल जाएगा इन्फिनोरो के खाते में आराम से, 4HS के बंदे किंग ओपी बसते देखने को मिलेंगे। वहाँ पे किंग ओपी ने वहाँ पे नॉकआउट तो भले डाल दो, ये किंग ओपी वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी वेदर टीम इन्फिनोरो। इन्फिनोरो ओपन द चैट गाइस, क्या ही डोमिनेशन, क्या क्या ही रुद्र ने वहाँ पे 1v3 करते देखने को मिला। आई गेस वहाँ पे रुद्र के जैसा अभी हमें ये मैचेस में, ये टूर्नामेंट में किसी ने क्लचेस नहीं दिखाया। फॉर द इन्फिनोरो रुद्र ओपन द चैट, भले वहाँ पे टीम के लिए बहुत बड़ा लॉस हो चुका था, बट उनके लिए वन मैन भी अगर स्टिल सर्वाइव करता है तो वन मैन लाइक आर्मी होता है गाइस, अगर मैं ये बात क्लियर कर दूं तो। ओके टीम 23 वही डायरेक्शन से आते हुए हमें देखने को मिलेगा। टीम 23 कुछ खास मूवमेंट नहीं ले रहा है, DRK जानता है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वाड फाइट हो चुकी है। DRK बोल रहा हूँ, हॉर्न कवर की बात करें तो ड्रीम चेजर की, तो वहाँ पे स्पॉट आउट करने का ट्राई किया गया, ले इन्फिनोटो 4HS, सॉरी डार्लिंग अरे यहाँ पे गॉड के साथ फाइट हो चुका है गाइस। अगर हम बात करें तो ऐश की, तो ऐश के एक बंदे ने वहाँ पे फिनिश आउट डाला, समझ काफी नीचे ऐश वहाँ पे एक और को डाउन कर चुके, क्या वहाँ पे टीम एलिमिनेट हो चुकी है, वहाँ पे गॉड का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है। गॉड का स्क्वाड नहीं चाहता था कि ऐसी फाइट में फंस चुके, बट वहाँ पे गॉड का स्क्वाड कर भी क्या सकता था, एक किल जो निकाल लिया है वहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है गॉड का स्क्वाड 13 पोजीशन पे, बट स्टिल वहाँ पे सर्वाइव कर रही है। टू मैन वहाँ पे ओपी, अगर बात करेंगे टीम अदर डायमेंशन की, तीन किल आ चुका है अपने टीम के लिए, बिकॉज वहाँ पे गॉड के तीन किल भले पिकआउट किए, एंड वहाँ पे दो मैन टू पर्सन वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टीम अदर डायमेंशंस के लिए। अगर बात ले इन्फिनो 2 4 अच्छे से पढ़ लिया भाई, एक और चैनल खोल लो सिंगिंग का नाना भाई, हम तोबा भाई, हम सिंगर कोई भी एंगल से नहीं है भाई। TS की बात करें तो TS एक होल्ड कर रही है, कुछ खास नहीं। TS का अगर बात करें तो जोन का एक प्रॉपर जोन होल्ड करती रहती है, TS पे जज कैसा कर पाती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चीज़ें ड्रॉप आ चुका है, फ्लेयर ड्रॉप की अगर बात करें तो फ्लेयर ड्रॉप लूट लिया है वहाँ पे। एम्पर लॉर्ड्स की बात करें तो लॉर्ड्स भी जोन में ही है, लेट्स सी कि जोन क्या शिफ्ट होता है। बहुत सारी अभी तक टीम जोन ही नहीं कर चुकी है। बात करेंगे एक बार हम टीम फेट की, तो फेट का स्क्वाड भी जस्ट चिल पिल वाला गेम प्ले दिखा रहा है। फेट यहाँ पे वीकेंड टीम में सिर्फ जोन टू जोन खेलता है, उसके बाद फाइको संत्या नॉकआउट निकालते हुए देखने को मिलेंगे। टीम ओवरपावर के सेकंड लाइनअप 2.0 के लिए, ओवरपावर का क्या सिचुएशन रहेगा हम ध्यान देंगे, बिकॉज वहाँ पे ओवरपावर का 2.0 ट्राई करेगा कि ओवरपावर के मेन लाइनअप से भी ऊपर आए पॉइंट टेबल में। अगर आ जाता है तो वहाँ पे T1 के लिए कन्फर्म स्लॉट मिल जाएगा, बट वहाँ पे ड्रीम चेजर के लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी, बिकॉज तुम्हें ब्रिज के जस्ट नीचे अगर तुम फाइट लेने का ट्राई करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जगह है, वहाँ पे ऊपर आने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम होती रहेगी, वहाँ पे एक एंगल नहीं है तुम्हें कोई और आके रोटेट मारने का। तो शायद साइको संत्या ने जो एक नॉक निकाला तो शायद वो चीज उनके लिए वहां पे से एडवांटेजेस बन जाए। रिवाइव तो भले हो जाएंगे, बट देखना पड़ेगा आगे कैसा रोटेट मारते, बिकॉज टीम 23 के जस्ट थोड़ा सा ही दूर अगर बात करेंगे पोजीशन अच्छी मिल चुकी है। हिल्स का पोजीशन है तो वहां पे नॉकआउट निकालना बहुत इजी होता है। साइको अगर थोड़ा भी हमने वही चीज बता रही थी, अगर साइको अगर थोड़ा सा ट्राई करते तो वहां पे शायद 23 के एक बंदे को तो हमें भले नॉकआउट किया, बट हॉर्न गब्बर वहां पे साइको संत्या को फिनिश आउट डाल लेंगे। दो बंदे वहां पे नॉकआउट हो चुके हैं, बिकॉज नरुटा वहां पे जंप करने के चक्कर में वहाँ पे डायरेक्ट खुद नॉकआउट हो चुके थे, बट वहाँ पे टीम ड्रीम चेजर ओपन द चैट, क्या ही किल निकल चुके, क्या एक लक साबित हुआ है ड्रीम चेजर के लिए, बिकॉज सबसे ज्यादा एडवांटेज रिजस का टीम ओवर पावर्ड के 2.0 पे था, बट वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पाई है। स्टिल वहाँ पे ड्रीम चेजर ने तील किल अच्छे से निकाला, वहाँ पे टीम को गब्बर को वहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा, वहाँ पे टीम को सपोर्ट काफी अच्छा दिया है। टीम ड्रीम चेजर ओपन द चैट गाइज, अगर
एक बार हम टीम 18 की तरफ जाके देखें। टीम 18 अगर बात करें तो जोन इन कर चुकी है, जोन अगर बात करें तो कम्प्लीटली फेवर में दिख रहा है टीम ओपी फेट एंड वहाँ पे ग्लाइसी एटम की टीम ओपी के दो बंदे वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ओवर पावर के भी देखने को मिलेंगे, ओवर पावर के दो ही बंदे देखने को मिलेंगे और वहाँ पे टीम ओपी के चार बंदे सर्वाइव कर रहे हैं। फाइट नहीं हो चुकी है, एक सरप्राइज वाली बात लग रही है बिकॉज वहाँ पे जोन के अभी तक बहुत सारी टीम नहीं आई है। हमें भले 36 अलाइव देखने को मिलेंगे बिकॉज ये फोर्थ जोन जो है ये बहुत खतरनाक जोन होता है। सिर्फ अब हम ध्यान देना सेंटर की तरफ कितने कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे कितने हार्डली, बिकॉज जोन जो शिफ्ट होगा तो कम्प्लीटली फेट क्लाउड्स एंड टीम ओपी की तरफ ही जाएगा। तो वहाँ पे जो फाइट होगी वो देखने का जो एक रवैया रहेगा नज़र वो देखने का बहुत मज़ा आएगा बिकॉज जोन में बहुत सारी टीम ना कंपाउंड से फाइट नहीं ले पाती, दैट्स वो क्या करती ओपन में रुकने का ट्राई करती कंपाउंड्स बिकॉज वीकेंडी के वजह से बने नहीं होते फाइट्स लेने के लिए, बस 1v4 स्लैमिंग के लिए कंपाउंड्स जैसे बने होते हैं बिकॉज वहाँ पे विंडोज अगर बात करें तो बहुत कम रेली नॉक निकलते हैं, बहुत जगह श्रेडेड्स है ट्रीज है तो कवर मिलता नहीं है, इसलिए तुम्हें कंपाउंड्स के नीचे आना पड़ता है डेप्थ में के फाइट लेना पड़ता है, इधर तुम्हें हाई हिल्स इंक्लाइंस पे जाके फाइट लेना पड़ता है, बट वो चीज सक्सेसफुल होना तभी जब तुम अगर कंपाउंड से बाहर निकलो तो कंपाउंड होल्ड करना लाइक एयर एंगल में सक्सेसफुल हो जाता है, बट यहाँ नॉट श्योर अबाउट इट, कंपाउंड इस चीजों के लिए नहीं बना है वीकेंडी के लिए, वीकेंडी का मैप ही अलग है। प्ले जोन से बैटल भी नॉकआउट होते हुए शायद ड्रीम चेजर के लिए हीलिंग का शॉट होता हुआ, ड्रीम चेजर को रिवाइव नहीं दिया है क्या, बैटल बी वहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं शायद, ओके हीलिंग नहीं है बैटल बी की तरफ, बैटल बी की तरफ हीलिंग है क्या, ऑफलाइन हो चुके हैं क्या, देखना पड़ेगा। तीन बंदे आ तो चुके हैं जोन में, क्लाउड की बात करें तो क्लाउड्स भी जस्ट जोन के एकदम क्लाउड से जोन हट चुका है, वहाँ पे कंप्लीटली फेवर बन चुका है टीम ओवर पावर के और ओवर पावर के ऑलरेडी दो बंदे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, कहीं फाइट नहीं हो रही है, बस बैटल भी आई गेस फिनिश आउट हो चुके थे। टीम टीएस की बात करें तो 3 किल आ चुका है विद 4 मैन स्टिल सर्वाइविंग द मैच, लेट्स सी कि टीएस वहाँ पे अगर बात करें तो जस्ट उसके अबाउट जोन के अगर आगे की बात करें तो वहाँ पे फेट का स्क्वाड एंड वहाँ पे ऑलरेडी हमें टीएस के लिए फाइट लेने के लिए रेडी दिखता होगा हमें ओपी का स्क्वाड, लेट्स सी ओपी की अगर बात करेंगे, इन्फिनिटी भी थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है अगर पोजीशन की सबसे बात करें, इन्फिनिटी भी थोड़ा क्लोज ही नहीं है उनके, अगर जस्ट हम फोकस करेंगे तो कंपाउंड्स छोड़ के ही फर्स्ट कंपाउंड जो लगता है वहाँ पे टीएस और वहाँ पे फेट का फाइट होता हुआ देखने को मिलेगा। टीएस की तरफ जाके देखें टीएस वहाँ पे फेट के ऊपर भले थोड़ा बहुत डैमेज लग चुका है बट उतना खास ऐसा कि नहीं कि यार वो नॉकआउट जाएगा या फिनिश हो जाएगा, फेट ने वहाँ पे काफी बढ़िया नॉकआउट निकाला बिकॉज वहाँ पे थर्ड पार्टी हो चुका है गाइज, वहाँ पे टीम ओपी की तरफ जाके देखिए स्काउट को तो फिनिश आउट किया, नू मोरे अकेले बंदे बचते हुए देखने को मिलेंगे, क्या फेट के रेड किंग वहाँ पे पुश करेंगे कि नहीं, मैवरी की बात करें तो अभी 3 मैन सर्वाइव कर रहा है, नू मोरे अकेले बंदे अपने टीम के लिए बचते हुए देखने को मिलेंगे, नू मोरे की अगर बात करें तो वहाँ पे फेट के बंदे कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं है, वहाँ पे 1v3 का सिचुएशन बन जाएगा अगर बात करें नू मोरे की, ओपी के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ चुकी है बट वहाँ पे देखना पड़ेगा फेट का स्क्वाड क्या बंदा क्या वहाँ पे पुश करेगा, नू मोरे जो कंपाउंड में होल्ड करे उस कंपाउंड में नेट्स भी आए तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी वहाँ पे, काफी बढ़िया वहां पे किल निकाला है व्हीकल ब्लास्ट के थ्रू, 5-4 किल निकल चुके हैं वहां पे, ओपन द चैट फॉर द टीम इन्फिनेरो के आए ने स्मोकी लीग के लिए काफी बढ़िया डोमिनेट किया है, व्हीकल्स निकल गए उनके लिए अगर बात कर रहे तो 3 किल निकाल गए, स्लज के दो बंदे पहले ही शायद एक दो बंदे एलिमिनेट हो चुके थे, अगर टीम किस 18 की बात करें तो 18 के बंदे जस्ट जोन एक प्रिटी श्योर कि उनको लॉर्ड्स के साथ फाइट लेने का मन होगा बिकॉज टीम 18 के 3 बंदे भरोसे सर्वाइव तो कर लेंगे, लॉर्ड विष्णु तो वहाँ पे नॉकआउट हो चुके, क्या लॉर्ड विष्णु को वहाँ पे रिवर देगे नहीं देखना पड़ेगा, लॉर्ड एक्सटेंड शायद वहाँ पे टीम 18 के पॉइजन क्या कर रहे हैं, टीम 18 के पॉइजन वहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं एम्परर के द्वारा, क्या एम्परर वहाँ पे एक चीज़ फायदा उठाएंगे, क्या विष्णु को वहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा कि नहीं देखना रहेगा जरूर बिकॉज जोन हमें लगता है देखने को मिलेगा 1.20 मिनट्स में, टीम 18 के एक बंदा वहाँ पे जस्ट टीपी पे लेके सर्वाइव कर रहा है, अगर बात करें जस्ट ऊपर की कंपाउंड्स की तो टीएस उस पार टीम 18 के माफिया के से थोड़ा दूर है, टीम 18 के माफिया की तरफ जाते देखते कि उनकी तरफ क्या एंगल है बिकॉज माफिया कोई एंगल अभी तक ध्यान नहीं दे रहे फोकस, ओके अभी ध्यान दे रहे, ओके स्पाई निंजा की बात करें तो वो नहीं चाहते कि वहाँ पे से उन्हें निकलने का मौका दे बिकॉज पॉइजन को भी रिवाइव देना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइजन को फिनिश आउट करने के लिए जाया गया है कि स्टैंग वहाँ पे क्या करते हैं देखना पड़ेगा, स्टैंग की तरफ जाए स्टैंग आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्या स्टैंग के ओके वहाँ पे टीएस वहाँ पे यूट्यूब थंडर को नॉक करती हुई, टीएस की वहाँ पे ओवरपावर का स्क्वाड शायद नहीं बच पाएगा बिकॉज लोन सर्वाइवर रहेंगे ग्लाइसी आइटम, लॉर्ड्स की तरफ जाके देखें तो लॉर्ड्स के बंदे वहाँ पे शायद पुश करते हुए देखने को मिलेंगे, विष्णु को ऊपर से स्प्रे आता हुआ देखने को मिलेगा, माफिया वहाँ पे काफी लो करते हुए देखने को मिलेंगे, एम्पर को वहाँ पे नॉकआउट किया गया स्पाई ने, स्पाई की तरफ एक बार हम एक बार स्पाई को तरफ देखिए हम स्पाई वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके टीम 18 वहाँ पे शायद टीम 18 अगे टीम 18 का आई गेस वहाँ पे वक्त के अच्छा बिकॉज वहाँ पे टीम 18 के माफिया भले नॉकआउट हो चुके हैं, पॉइजन की बात करें तो खुद वो भी लो है, स्पाई
लॉर्ड्स ने काफी बढ़िया तरीके से वहाँ पे टीम 18 को एलिमिनेट किया, चार बंदे वहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे लॉर्ड्स के, तीन किल आराम से अपने खाते में निकाल दिया है वहाँ पे, ओपन द चैट फॉर द लॉर्ड्स। वहाँ पे जोन हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा, इंस्टेंटली जोन बहुत सारी टीम शिफ्ट मारती होगी जोन जाना। अगर बात करेंगे इन्फिनरो, इन्फिनरो वहाँ पे बीआरडीएम क्या सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि बिकॉज मैंने ऐसा एक चीज़ फोकस किया कि इन्फिनरो हमेशा अगर फ्लेयर मिलती है तो डेफिनेटली वीकेंड टीम में ही बीआरडीएम का स्ट्रैटेजी अपनाती है, वो जानती है कि ओपन में कैसे फाइट डील करनी होती है, बिकॉज वीकेंड टीम में हम बात कर रहे थे कि कंपाउंड से फाइट नहीं ले जा सकती, कंपाउंड में फाइट लेते हैं तो वहाँ पे किल्स नहीं मिलते हैं, दैट्स व्हाई ये चीज़ हमेशा इन्फिनो के थ्रू हमें देखने को मिली गई है। इन्फिनो के अगर विजन की बात करें तो हर एंगल में फाइट लेने के लिए रेडी लग रहा है ये बंदा। क्या वहाँ पे इन्फिनो वहाँ पे फेट के साथ फाइट लेगी, फेट के एक बंदे को चलती गाड़ी से लॉर्ड्स के बंदे ने क्या ही ओम का शॉट दिया है, चलती हुई गाड़ी में से वहाँ पे ओम का शॉट दे के उतारा गया। क्या वहाँ पे एक और किल कंफर्म किया जाएगा, क्या वहाँ पे ऐश का स्क्वाड वहाँ पे पुश करेगा, ऐश का स्क्वाड वहाँ पे डायरेक्टली करता देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे इन्फिनो स्कॉर्ड के, दो बंदे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या वहाँ पे वापस अदर डायमेंशन में से इन्फिनो का स्कॉर्ड देखने को मिलेगा कि नहीं। अगर बात करेंगे अदर डायमेंशन की तो अदर डायमेंशन के बंदे वहाँ पे ओके, अदर डायमेंशन के बंदों की बात करते हैं, अदर डायमेंशन के बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं। ट्रैश में वहाँ पे विजन बसते हुए देखने को मिलेंगे, वहाँ पे विजन ने वहाँ पे बढ़िया नॉक निकाला एम्परर के ऊपर। अगर बात करें एम्परर की अगर पोजीशन की बात करें तो वहाँ पे टीएस ब्रेन ने वहाँ पे ट्रैश को नॉकआउट डाला गया, बिकॉज टीएस ऑलरेडी जोन के कंपाउंड में होल्ड करती हुई देखने को मिलेगी। वहाँ पे फेट के बंदे तो जा नहीं पाए, बट लेट्स सी। ओके टीसी 9 के एक बंदे को फिनिश आउट किया, टीम इन्फिनरो एलिमिनेट हो जाएगी। टीम इन्फिनरो की अगर बात करें, पास टीम अभी सर्वाइव कर रही है, सिक्स जोन लग चुका है हमें, सेवन ओके सिक्स जोन लग चुका है। अगर बात करेंगे लॉर्ड एक्सटैंग आगे जाते हुए सर्वाइवर किया जा रहा है बस और कुछ नहीं। लॉर्ड विष्णु को शायद फिनिश आउट करने का ट्राई किया जाएगा क्लाउड्स 9 की तरफ से। क्लाउड्स 9 की अगर बात करें तो वहां पे स्ट्रेंज वहां पे रिवाइव आउट हो जाएंगे, रावेन वहां पे नहीं फाइट लेते देखने मिलेंगे, जस्ट दो इनका फोकस करेंगे। टीएस ब्री वहां पे विष्णु को फिनिश आउट डाल देंगे। टीएस की बात करें तो टीएस वहां पे फाइट लेने से हट नहीं रही है, 10 किल तो निकल चुका है उनके खाते में। लेट्स सी कि वहां पे क्लाउड्स को क्या डोमिनेट कर पाती है कि नहीं, क्या यहां पे डिनर ले जाती है टीएस की। अगर बात करें तो टीएस वहां पे रावे ओके फैंटम ने वहां पे हॉन्ड गबर को नॉकआउट निकाला है। हाँ फैंटम की बात करें तो फैंटम लॉन्ग रेंज ड्रीम चेजर के ऊपर नॉकआउट निकाल रही है। क्या पे टीम स्टोन वहाँ पे एक फोर्थ डिनर बैक टू बैक निकाल पाएगी, यानी देखना पड़ेगा क्या वहाँ पे इन्फिनो के जितना एक प्रॉपर मेंटेन कर पाती है कि रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, बिकॉज इन्फिनो रुद्रक इन्फिनो के स्क्वाड का हमें एक रिकॉर्ड देखने को मिला कि बैक टू बैक फोर डिनर लिया था। क्या यहाँ पे टीम स्टोन भी वही चीज़ कर पाएगी कि नहीं, देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। टीएस स्टोन ने वहाँ पे एक बंदे को डाउन किया है वहाँ पे हॉन्ट। अगर बात करेंगे तो वहाँ पे रिवाइव आउट हो जाएंगे ऑन, बट जोन हमें 14 सेकंड में देखने को मिलेगा। क्या ऑन ड्रीम चेजर का स्क्वाड वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। वहाँ पे टीएस का स्क्वाड टीसी 9 और इनकी क्लाउड का स्क्वाड भी जोन में नहीं है, आगे जाने की कोशिश रहेगी। एंड नो मोरे अकेले लोन सर्वाइवर वहाँ पे देखने को मिलेंगे टीम ओपी की तरफ से। ओपी के बंदे के पास एक एडवांटेज है कि जोन के लिए आने के लिए व्हीकल है, एंड दैट्स इज अ मोस्ट एडवांटेज थिंग। बट टीएस ने वहाँ पे टीसी 9 के बंदे को एज वहाँ पे रिवाइव नहीं हो पाया, दैट्स व्हाई फिनिश आउट हो चुकी है। टीएस के बंदे वहाँ पे ड्रीम को नॉकआउट किया गया। टीम 14 के एक बंदे आ चुके हैं, उनको भी फिनिश आउट किया गया है। वहाँ पे मोरे फिफ्थ पोजीशन पे, यानी कि टीम ओपी के एलिमिनेट हो जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे, बट वहाँ पे ड्रीम चेजर के बंदे भी जोन में आने का ट्राई कर रहे हैं, अकेले बंदे थे। ओके एक और को डाउन किया गया, वहाँ पे काफी बढ़िया बोल्ट एक्शन चलाते हुए ऑम फटके देते हुए देखने को मिलेंगे। हेडशॉट पे हेडशॉट्स देखने को मिलेगा बाय द टीम स्टोन। वहाँ पे तीन टीम सर्वाइव करती हुई देखने को मिलेगी। लॉर्ड एक्सटैंग की बात करें वहाँ पे जस्ट एक साइलेंट एंड कामली गेम निकालने का ट्राई करेंगे। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे सिर्फ डिनर मिस हो, वो नहीं चाहते होंगे यहाँ पे से कि कोई पोजिशन का एक शॉट हो जाए। सो वहाँ पे दोनों एंगल में टीम स्टोन ध्यान देती है। ब्रीम की बात करें तो ब्रीम भी वही एंगल में देख रहे हैं एक्सटैंग के, बट ब्रीम नहीं जानते एग्जैक्ट पोजिशन क्या है। अगर फैंटम की अगर टीएस सैम की बात करें तो जस्ट वो क्लचर राणा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फैंटम भी वहीं लॉर्ड एक्सटैंग के लिए स्पॉट आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, बट मोस्टली हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ पे दो बंदे वहाँ पे टीम स्टोन के चारों बंदों को दिक्कतें देते हैं या नहीं, बिकॉज टीम स्टोन ने 14 किल निकाल लिया है। क्या यहाँ पे और दो किल निकालेगी, बिकॉज वहाँ पे एक्सटैंग के लिए स्कोपिंग किया गया। क्या वहाँ पे एक्सटैंग स्पॉट हो गया नहीं, देखना पड़ेगा। ब्रीम की तरफ जाके देखें तो ब्रीम वहाँ पे उसी एंगल में देखने का ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी टीम डिनर ले जाती है, क्या वहाँ पे टीएस के और चांसेस बन पाते हैं कि नहीं। जो हिसाब से अगर मैच के समरी के अकॉर्डिंगली बात करें तो कंप्लीटली फेवर डिनर का, अगर बात करें तो स्टोन के फेवर में जा चुका है। क्या यहाँ पे ब्रीम एक पुश करने का एक कॉल रॉन्ग होगा कहीं, देखना पड़ेगा। ओके व्हीकल लेके आगे जाते हैं यानी पुश करते कहीं, देखना पड़ेगा। ब्रीम एक कॉन्फिडेंटली व्हीकल आगे लेते हुए जाते हुए देखने को मिलेंगे क्या नहीं, देखना पड़ेगा गाइस। ओके ब्रीम जानते हैं कि वहाँ पे जाना मतलब ओके ब्रीम के ऊपर शॉट्स आते हुए टीम स्टोन के ऊपर फैंडम के
शॉट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। क्लचर राणा वहाँ पे ओपन में आते हुए, क्लचर राणा को नॉकआउट किया गया। लॉर्ड एक्सटैंग वहाँ पे अकेले बंदे बचते देखने को मिलेंगे, क्या वहाँ पे पुश किया जाएगा लॉर्ड, एक लॉर्ड एक्सटैंग वहाँ पे क्या 1v4 करेंगे कि नहीं, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे चांसेस तो कंप्लीटली फेवर वहाँ पे टीम टीएस के लिए। इसके बाजू में ओके एसोसिएशन को थोड़ा सा टेनिस ओके लॉर्ड एक्सटैंड ओके लॉर्ड एक्सटैंड को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बट नहीं कर पाए है ओके नहीं कर पाए। वहाँ पे मॉली की गई है, ब्रेम ने वहाँ पे डायरेक्ट आगे पुश करने का ट्राई किया, नॉक किया गया। ओके टीम स्टोन ओपन द चैट 16 किल के साथ वहाँ पे टीम स्टोन डिनर ले जाएगी, बैक टू बैक फोर चिकन डिनर बोल सकते हैं टीम स्टोन ओप इन द चैट गाइस। क्या ही डोमिनेशन दिखाया टीम स्टोन ने, क्या ही जोन टू जोन गेम खेलते हुए देखने को मिला, क्या ही किल्स निकाले, एक बीस्ट मोड दिखाया टीम स्टोन ने। अगर बात करेंगे प्रीवियस मैचेस की, फोर्थ मैच लगातार चिकन डिनर लेना, एक कॉल एक आगा होता है टीम के लिए देना कि नहीं हम वो टीम है जो हम कर सकते हैं। टीम इन्फिनिटो के लिए वहाँ पे एक बड़ा एक चैलेंजिंग होगा कि वहाँ पे टीम इन्फिनिटो के लिए वहाँ पे चैलेंजिंग बात होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे टीम इन्फिनिटो ने पहला बैक टू बैक फोर चिकन डिनर लिया था, और यहाँ पे स्टोन ने भी यहाँ पे वही चीज कर दिखाई है। लेट्स सी कि कौन सी टीम यहाँ पे हमारे कस्टम में डिनर ले जाती है, और कौन सी टीम यहाँ पे लास्ट डे में फाइनल्स पॉइंट टेबल में हाईएस्ट रैंकिंग बना पाती है, कौन सी टीम यहाँ पे मैक्सिमम डिनर ले पाती, देखना पड़ेगा। बिकॉज अभी तक के टोटल मैचेस में अगर बात करें, कोई टीम एक्सेप्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे, चार डिनर यहाँ पे इन्फिनिटो के और चार डिनर स्टोन के। एक टीम थी जो कि हमारी इन्वाइटेड थी, उसके अलावा कोई हमारी टीम ने यहाँ पे डिनर नहीं लिया है। 9 मैचेस हो चुके हैं वहाँ पे, स्टिल वहाँ पे कोई नई टीम हमें जो जूनियर टीम है या नई टीम है किसी ने यहाँ पे डिनर नहीं लिया एक्सेप्ट वहाँ पे इन्फिनिटो और टीम स्टोन। अगर बात करेंगे फर्स्ट मैचेस की तो वहाँ पे इनवाइटेड टीम्स थी तो उन्होंने वहाँ पे डिनर लिया है, बट हमारी अगर ऑफिशियल से जो भी रेगुलर वाले रजिस्ट्रेशन वाले बंदे हैं किसी ने वहाँ पे अभी तक डिनर नहीं लिया है। ये चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट रहेगी कि वहाँ पे कौन बाजी मार रहता है आप आगे के आने वाले दिनों में, बिकॉज ये चीज़ हम मैटर करता है कि अगर तुम डिनर लेते हो तो तुम्हारा एक पॉइंट टेबल में तो इफिशियंट होता है, बट एक तुम्हारा एक आइडेंटिटी बन जाता है टी टू के, इसमें तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिनर ले जाना, और डिनर लेने वाले टीम्स के लिए एक मतलब एक क्या बोलूँ मैं, मुझे वर्ड्स नहीं है, बट लेट्स सी कि और आगे के दो दिन में कौन सी टीम डिनर ले जाती है, बिकॉज अभी तक तीन टीम के अलावा किसी ने डिनर नहीं लिया, चार वहाँ पे इन्फिनिटो ले लिए और वहाँ पे चार स्टोन ने लिया है। ओके गाइस हमारा डे यहाँ पे एंड हो जाएगा, हम क्लासिक खेलने वाले हैं। ओके डेड किंग, अच्छा डेड किंग तो है, डेड किंग 27 मिनट से खेल रहा है। ओके नो वरी गाइस, चैट्स अगर मैंने मिस किया तो हम रियली सॉरी, चैट्स पढ़ते हम। ओके ओके अब चैट्स हुई नहीं तो अब क्या मिस करें। बोलो ना, ओ नो, अरे आवाज आ रही है, चार हो गया भाई और कितना करना बता दूं। अरे यार आपके ऊपर है यार, बिकॉज अभी तक इन्फिनिटो और तुम्हारे अलावा किसी ने डिनर नहीं लिया है फर्स्ट डे का छोड़ के। आगे क्या ऑफ है? नहीं ऑफ नहीं, रुको एक सेकंड करूँ ऑफ, रुक ऑफ कर लेता, रुको एक मिनट नूर भाई ऑफ करना। हाँ एक सेकंड।
तेरी अदा आई वॉन्ट टू सी यू नी उफ तेरा बदन उफ हाँ गब्बर ओ भाई खेलते हैं ना अरे हाँ लौक खेल वीकेंड में सकते थी लौकर हैं। साले एलिमेंट। अरे काय तो असा लॅग होत होता ना अच्छा माझ्यासमोर, मला नॉक केलं आणि असला गेलं ना कव्हर मध्ये। अच्छा डेड किंग क्या करता है? एक मिनट एफपीपी करते तो अच्छा कोना एकाच ये ना। एकाच अच्छा ना तापन ट्रिनिटी है क्या? ऑल ट्रिनिटी। नहीं अच्छा ये ना लेगा थी आली ना थी। माइक नहीं है, आप लोग कांटेक्ट नहीं रहे। अच्छा। ये ले ले क्या हेलो लगा दस में तो खाली जाता क्या हो हूँ। एफपीपी रोइन है। ओके केयरफुल। ओह तुझसे ही तो मिली भाई, एफपीपी मला अजिबात नाही जमत। तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी तेरी आई नीड अटैचमेंट अधूरी आंखों में है ये कैसी ऐका। हॅलो, कहने लगा माझ्याकडून काय अपेक्षा करू नका याच्यात, मला नाही एफपीपी जमत। अरे नाही सर्वांनी सेम घेतलं प्लॅटिनम। आता सॉरी हा प्लॅटिनम 3 झाला असता माझा एक दोन मॅच मध्ये मस्त कोणते 3 प्लस भेटले आता। बातों को तुम बना ना सके। लाइव है? हाँ लाइव है लाइव है। भाई भाई खेल दो स्क्वाड। ओके ना 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 एक भी स्क्वाड नहीं है, मेरे को लग रहा है पीछे चली गई। अरे माइक ऑफ है। गब्बर गेमिंग हेलो ब्रो। हेलो गब्बर, अरे लव योर कास्टिंग ब्रो। गब्बर गेमिंग लव योर कास्टिंग ब्रो, थैंक्स अ लॉट दूसरा गब्बर। लव गब्बर गेमिंग थैंक्स अ लॉट। डोंट स्क्वाड इट अच्छा। अरे वो मैसेज कर दो माधवन गब्बर गेमिंग हॉन्टेड गब्बर है आई गेस, हॉन्टेड ड्रीम चेजर्स का गब्बर। ओके ओके है ना। अरे डोंट स्क्वाड इट माधव, जॉर्ज चलो जॉर्ज कितने बंदे किस्मत हो तो गब्बर जैसे भाई। एक में एक एक में रहता तिथल्या उतरत माझ्याकडून घ्या पाहिजे। 36 37 जाएगा मेरे पास। गब्बर की किस्मत क्यों? अच्छा अरे वो गब्बर है ये देखो ब्रो, ये गब्बर फोर्सेस गब्बर। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ।
जो भी हमारे साथ खेल रहा है वो बोल रहा है उसकी किस्मत इसलिए क्योंकि उसको आती मेरी किस्मत आती क्योंकि मुझे उतरते ही M4 और ये DP मिल गई इसलिए बोल रहा हूं। अरे उसे पता नहीं कौन से गब्बर नहीं भाई मेरा भी गब्बर गेमिंग है भले उसमें वीडियो नहीं डालता ज्यादा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना गेम के बाद देखते हैं शायद ब्रो तुम्हारी तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ऑलरेडी की हमने इवेंट आला इवेंट मध्ये मला हे नाही भेटत आवाज भाई अच्छा गाना बताओ जरा सॉफ्ट सॉन्ग में गा पाऊ जो मैंने कभी सुना है मैं वैसे बहुत कम सॉन्ग सुनता हूँ सॉफ्ट वाले जो आते हैं गुनगुनाता रहता हूँ बस कॉपीराइट क्लेम ना लगे इसलिए बिंदास गाता हूँ कुछ सुनने का मन होता है बट नहीं प्ले कर पाते इसलिए गाना पड़ता है ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए अरे गलती से डिलीट हो गया अरे रे 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 अब एक बार डिलीट कर दिया तो हम वापस एक्सेप्ट नहीं करेगा रिक्वेस्ट मौका मौका हमें ब्लॉक करने वाला पैदा कौन हो गया भाई जंपर विदाउट एमो I got supplies. I got supplies. बॉट है क्या प्लेयर है बॉट है बॉट मेरे को तो दिख रही भी नहीं रहा लाम बैरे कवर में थी एक्चुअली त्या साइड ला ना marked a location क्या बॉट है भाई उधर जाके क्या कर रहे तमाशा आपस में फायरिंग विश कर रहे हैं हम कभी जब बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहले लुक लाने तो सकला बारिश की घोड़ा तोड़ पड़े इसमें भाई समझता भी नहीं बैठा है क्या खड़ा है अरे डॉट बजे रोड डॉट फॉलो का थ्री इसे मैं करना चाहता था क्या ही बोलूं एक सेकंड ना मेरे को लगता है मेरे कंट्रोल इसमें अलग है ओके मैं एक सेकंड ना लेट के कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि ऑफलाइन हो गया तुझ मेरा एक्सेप्ट कर अरे सॉरी गलती से हो गया रिक्वेस्ट कोई नहीं यार होता है कर लूंगा एक्सेप्ट डोंट वरी अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले से हम हैं है दिल का शक मेरा ना भी जला बना इससे प्यार हो गया ना भी इधर डोंट कर नहीं तो मैं तो सीधा रहूँगा DP भी डेमो I got supplies hit dead bag of याद दिलाना बस याद रहेगा तो करता अरे डोंट वरी कर लूंगा ये
क्या लैग होता है ऊपर मत जाऊं अरे लैग मेरा भी हो रहा है मेरे को लग रहा है स्क्वाड आ रहा है सिटी मत नहीं रख ये तो मारने को टेंशन है इधर एमपी में मैं साला खोलूं उसको तब तक मार देगा वो मेरे को भी खिला कर लेगा अरे देखेंगे ब्रो देखेंगे मेरे को भी अरे देखेंगे ब्रो श्योर नहीं है ना स्क्वाड रैंक कुछ चल रहा है टाइम पास खेल रहा है तू अपन वैसा गेम नहीं खेल रहा है स्क्वाड है भाई एक्शन मैगी कह रहा है इसका एसएमजी का वही कम है बस बाकी सब नहीं नहीं गब्बर किधर है गब्बर आ गया नीचे यार ये एफपीपी चूती आ गया मैं साला पक नीचे का कोई दिखता नहीं है वो रैंक इसलिए भाई छोड़ दिया मैंने अरे मैं स्लो क्यों चल रहा हूं अच्छा क्रॉच हुआ हूं समझता नहीं भाई इसमें क्राउच है कि मतलब खड़ा है किसका रैंक पुश चल रहा है बंदे का चल रहा है डेड शॉट का I got supplies हाय हाय एटैक्स डीपी पे लगता है क्या डीपी पे लगता है ओ या वही मैं बोलने वाला था अब तो आदत सी है मुझको ऐसे स्ट्रीम करने में नहीं डिवाइस नहीं अच्छा सॉफ्टवेयर नो तन्हा में घूम रहा यू में फालतू डिवाइस तेरे पुश करो मत रे को इतना जल्दी भाई अच्छा जोन है कितने अलाइव है 47 प्लस के लिए अपने को टॉप 10 तो करना पड़ेगा हैकर नहीं हुआ तो ऐसे बैठेंगे अभी बंदे लास्ट जोन में 30 25 तो होंगे कम से कम काउंट आने का कोई हैकर है क्या कहाँ से शॉट्स आ रहे पता नहीं कुछ तो आ रहा है ये थोड़ा भाई कहाँ से गोली आ रही है भाई ये तो ये नहीं है पैनिक रूम में बैठ जाता मैं सबसे भारी इंपॉर्टेंट टेरेस पे नहीं घूमूंगा बस भाई टेरेस पे से एक ही बंदा रहो टेरेस पे अबे कब से कुछ तो पैन उड़ के आ रहा है कैसे पैन आ रहा है उड़ पता चल गया भैया को पता चल गया बीरो 2x कितना अच्छा लगता है ना देखने को रेड डॉट से खूबसूरत लगता है गाइस बोलो अभी ये गेम में और क्या चाहते हो क्या क्या करते हो तुम अरे जब होल्ड ही करना है तो मैं चार्ज पे कर लेता हूँ उसमें क्या है बहुत बस बंदे ना आ जाए बंदे आएगा तो सीधा चार्ज ही निकाल लूंगा मैं इतना नहीं इतना चांस नहीं देते चांस लेकिन जिंदगी में पहली कुछ ना गब्बर गाना गा यार मजा आता है गाना सुनने का ना ऐसा खाली ये करना है रैंक पुश के टाइम मजा आता है कोई गाना गा यार मैं भी सुर मिलाऊंगा अपन मैं भी सुर मिलाएगा अभी धीरे धीरे गब्बर हो जाए यार हो जाए ऑन स्ट्रीम मजा आएगा दो बंदे देख रहे हैं खुश हो जाएंगे बोलेंगे हाय 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 नहीं नहीं ना ना गब्बर वी वांट यू टू बी get the trophy of Indian Idol and come with us in Mumbai at Mumbai
भाई कांटा लगा आ आ आ आ आई बंगले के नीचे नीचे भाई यहाँ पे कुछ बच्चे स्ट्रीम देख रहे हैं जो 18 प्लस भी नहीं है उनके साथ ऐसे गाने हम गाएंगे 2019-18 के एरा वो टाइम का एरा ही अलग था भाई जानते नहीं हो तुम्हारे गाने ये गाना भाई वो टाइम पे इमरान अश्विन के गाने को फेल करता था आगे निकलते गाड़ी के ये बग गया है झगड़ा मेरे को लगाने देना क्योंकि मेरा ना स्क्वाड में बहुत कम है ओके नेक्स्ट टाइम अगर कभी रैंक पुश करोगे मेरे साथ तो अरे तो पॉइंट बहुत कम मिलेंगे कुछ अरे हां यार लॉबी अच्छी आनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है मैं भी भूल गया मेरे को लगता है फोर व्हीलर में आना चाहिए था यार भाई ये गाड़ी ले लो हां मैं भाई 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 मेरे को भी तो मार नहीं पाऊंगा मैं इसलिए बैठा था मुझे लगा मारना इजी होगा मेरे लिए चलो भाई मैं हां चलो बिंदास अरे का इजी है मेरे को तो क्या नॉक करने में मतलब मैं नॉक कर दूंगा आराम से उसी में देखा बंदे का था यहां पे बंदे का था चल रहा रुकना मत थोड़ा देख भाई नूरुल तू उसके गाड़ी में बैठ जा भाई अरे सही बंदा स्काई ना नहीं मैं भी मरूंगा तुम भी मरोगे ना चल बस वो डेड शॉट को मिल जाए सपोर्ट उतना अच्छा है गेम डेड शॉट को चलेगा भी गब्बर का भी हम नॉक हो जाए तो गब्बर का भी ना प्रॉब्लम नहीं मैं मादन है नहीं डियो डियो अरे मेरे को लगता है ये सही है रे हाँ तू मार के आना उधर का भी सही है तो उधर हो गए तो नहीं पता चलेगा आराम से ब्रेक 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 हो गई गाड़ी सीधी है गाड़ी क्या ही ड्राइवर है अरे मतलब एफपीपी में वही इंसान गाड़ी चला सकता है जो रियल लाइफ में फोर व्हीलर अच्छी चलाता है वो भी ऑस्ट्रेलिया की फोर व्हीलर ये बाहर इधर की इंडिया की छोड़ के अब ये वाली इंपोर्टेड लेफ्ट वाली केयरफुल ना घरों में घुसोगे ना कैंपर रहेगा सोलो कोई रैंक पुशर रहेगा तो मी पण तुझ्याच हॉटस्पॉटवर खेळतोय पण मला आता अलर्ट आलो यार एक्स्ट्रा मैच चाहिए यार लूट लेता हूं इतना मिलेगा पेशन में ए विजय तला ते सेंड कर क्रिस्टल सेंड कर ओ भाई एटेक्स क्यों मिल रहा है फालतू में थोड़ा छोटा वाला मिल जाता इसे भी चल जाता डीपी एक तो मेरे हाथ में देखो वो दिख रहा है यार माइक अच्छे के मैंने तुम्हारा किया रहते एवढा देतो किती दहात होत तुझे ओ एनिमी लॅग हा एनिमी लॅग एनिमी लॅग फक्त नॉक नको इसकी रैंकिंग क्या आ रही है अभी डेड शॉट की 5000 की शॉट नाइस बंदा मेहनत कर रहा है हाय हाय करो करो अरे हो जाएगा उसको पॉइंट भी कब मिल जाएगा मेरे 100 प्लस कर लेगा देखूंगा अगर हो जाए क्राउन वो इसका होने तक तो शायद कर लूंगा अपन रश गेम प्ले यार मैं तो लग रहा है सोच रहा हूं रश की मैच मेरा अगर ना मन होता अपन चारों कर लेते रे एफपीपी ऑन स्ट्रीम भी ऑफ स्ट्रीम भी दोनों टाइम मजा आई मीन पता है क्या होता है इसमें हैकर आते हैं रश गेम प्ले अगर करने जाओ ना सामने वाला एमबॉट वन वो तो है रे वो तो है ऑन स्ट्रीम थोड़ा सीएफ की तरह आसाना ड्रॉप किया थोड़ा ऐसा कस्टम की तरह
वैसे भी जानते मेरा ये सीजन, मेरे को सच बताओ ये सीजन रैंक कुछ करना ही नहीं था, पहली बात फंस जाता ये आईडी लैग वैग ये हो रहा है हैक वैक कुछ सीन नहीं थी जबरदस्ती। हाय हाय क्या जोन बना है भाई, प्यारा जोन बना है, जो जोन कटाना है मजा आ गया। बंदे आने तो इस साइड आएंगे देखिए। Watch out! Watch out! ये वाले कंपाउंड पे या फिर इधर। Watch out! Watch out! अरे डेड किंग बैक बेंचर ने आ लिया आज। रिमाइंडर पाठ लो। खेल लेने का तब परंतु। बाहर के देना। अच्छा। हाँ बाहर के देना कोटे तेरे को मलाश में से करे। अच्छा। रिमाइंडर पाठ लो तब तो। नेक्स्ट मैच आराम से कौन है, कौन है, कौन है, कौन है यो पीछे तो देखो। अच्छा अभी हम जिसके पास भी क्रिस्टल है ना वो ध्यान से ओके, मेरे को लग रहा है फाइट हो जाएगा पता नहीं किसी भी टाइम पे। क्रिस्टल और कवर जो जो उठाया सबने तो मेरे हिसाब से क्रिस्टल उठाया मेरे अलावा, रेडी रहना मतलब कवर के लिए वगैरह। फायर वाला लगाना था एक बंदा, फायर का मेरे को तो आईडिया नहीं था, मैं फायर यूज नहीं करता क्योंकि मार नहीं पाता हूं जल्दी। तो लास्ट जोन में पता है क्या होता है, तो बंदे ना बैठे बैठे रहते हैं एक जगह, मतलब थोड़ा होल्ड होता है ना जोन में जाने के लिए, सही है वो। ये वो चार्ज देख लिया हम कितना हुआ हमारा 39 है, बहुत बढ़िया भाई, और बढ़ेगा हमारा चार्जिंग। बहुत थक गए इधर-उधर भाग गया कि रेस्ट करते हैं वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे हम। भाई टी1 तो में बहुत तो मजा आने वाला है, बंदे बंदे आए ना तो टी1 में तीन गाइस जितने बंदे रुकेंगे या फिर निकल जाएंगे। अभी ये इंट्रोड्यूस भाई टाइम पे करूंगा, वाइल्ड कार्ड लाने वाला मैं, वाइल्ड कार्ड तीन टीम मजा आने वाला है भाई। बूम बम टी1 में शॉट्स आ रहा है पैन का है ना, ये बाजू में पैन अभी गिरा देखा मैंने, तुमको तुम्हारा पैन चाहिए लो आसमान में फेंका मैंने एकदम दूर पता नहीं कहाँ गिरेगा। कल पैन पे क्या लगा था ना कल टेरेस पे, ये मैंने था ये मैंने था ये मैंने था ये अरे अरे ऊपर से रेटर गेली का गाड़ी दिसत नाही। वॉच आउट वॉच आउट टायर बुकर का अरे गाडीला टायर फुटला तर तसेच घेऊन चालले जाऊ दे सोड, जोन आपल्यावर असेल मला असं वाटतं कदाचित ह्या साइडलाच असेल आपल्यावर। अच्छा वन चार मोबाईल तुम्हाला सो जो बंदा बहुत मारतो नॉक हो गया, सीएल क्या नाम था वो नॉक हो गया। आई गॉट सप्लाईज आई गॉट सप्लाईज साइको शाउट आउट शाउट शाउट वॉच आउट वॉच आउट गाड़ी दम देता मार मार लगे उधर गाड़ी है। लेट्स गो लेट्स गो डेट शॉट वेट अरे दो में अभी ये तो जोन फिफ्थ भी नहीं है, इतना आगे जाएंगे ना मेरे को नहीं लगता पॉइंट्स मिलेगा। वेट 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 बहुत टाइम है आज इधर 2 मिनट है थोड़ा इस पे चलते ये वाले चलो वॉच आउट जा सकते फिर ऐसे तो आगे नहीं जाना चाहिए के बाद थोड़ा जोन हो बेटा नाइजन माजा बैठ दो गाड़ी का ना। हां बस बस नहीं भाई गाड़ी होने दिखना गाड़ी इसी साइड लगान ठीक है उस साइड मत लगा हां यहां साइड लगा टायर और पोल इससे पड़े नहीं
है, ग्रेनेड्स मिल रहा है मस्त, यही चीज चाहिए और कुछ नहीं, बस ग्रेनेड मिल जाए काम हो जाता आसान अपना। तुझे मेरा दिखता है यारा मैं क्या, ओ भाई क्या डर गया मैं यार, ये कौन है रेड किंग? I got supplies. आज क्या जोर है तुम्हीं लोगों, आज मैं बहुत अच्छा खाना खाया, मजा आ गया। आवाज नहीं आ रहा है रेड कवर, कवर क्या जोर है तुम्हीं ने? ए लैग डाला। अच्छा कोबी से बाहर से खाते आता है ये बंदे, गाड़ी ओपन में भाई, ये धूम मचा ले, धूम मचा ले करके किधर गया, कहीं ठोका है क्या इसने? एक है मेरा केवल चावल को लेने में फाइव चावल देते, एक है मुझसे लेने एक्सटेंडेड भी तक लगा के 94 फाइव चावल डाल के सेवन चावल दे मारा ये अपन उसका लगा तब मैं कुछ धरना मैं उसका लगा के जो है I'm out. I need ammo. Enemy lag? Lag the lag karat. Ha lag. Mal dar se change kar do. Someone fight. Zone hota hai. Zone mal at. Na yo. Kya? Tithe lama zana. Watch out. Watch out. Compound hai na tithe. Saath tithe already fight. Asal tithe zone ka fayda banna hai. लंबा स्कोप है रे, देखो यहाँ पे मेरे को लग रहा है बंदे हैं ऊपर में। एंगल ना रे बेटर। जाओ दिनों को फायर करो ना को। वॉच आउट, वॉच आउट। रिपेयर करो देना। जोन में जाता रहना तो प्रॉब्लम देते हैं। अभी तक एलिमेंट नहीं हुए, जो भी है सब रैंक पुशर है, ओके 24 के 24 है अभी तक, ओके अभी नॉक हो रहे कहीं। अब ये थोड़े अच्छे बंदे ध्यान से करना पड़ेगा शाम। एक नंबर जोन भाई, हार्ड गया कंपाउंड, निकल दे रिज, जाने का क्या सामने ही है, एकदम सामने। रिज पे चल, बस बंदे होंगे। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, उसी देखना गाड़ी निकल रही, कोई एक और गाड़ी उड़ क्यों रही है वो? चल चल अपन पहले पहुंचते हैं वहां पे, 1 मिनट 40 सेकंड से। वही 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 वो गाड़ी निकल रही थी, शॉट्स नहीं थी, चलो अपने अपने पोजीशंस पे चलना। मैं चार्ज गाड़ी ने काट ली, गाड़ी काय ची सोडून काय करते गब्बर, बस गाड्या टायर पडला तरी बस चल, ये की येतोय कमी घेऊ गाडी पुढे जायचं होती मागला तरी नारा, चल 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 भेटून येते मार कर बघा प्रॉपर जाता येतं का, सरळच आहे गाडी सुद्धा। हां लेफ्टला नको, लेफ्टला नको, बरं झालं आलो आपण लवकर पुढे चला। हां 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 एकदम सेफ आहे, एकदम सेम आहे, मी मार केलेली एकदम सेफ आहे बघ। कवर बनो मी जिथे घेतले तिथे कवर बनो, मारणं फक्त लक्ष देते येतील लोक माहिती, गाडी घेऊन जा तिथं, हे बघ कुठे थांबलं वरती जायची गाडी येते, गाडी घेऊन तिथं। अरे या साईडला या, मी आणि गप्पी आहे ते म्हणजे चल, मी ते लोक पण निघताय ओके, कोचिंग वाले बघा ते आपले हे रिच वर येतील, इथे येतील। वॉच आउट, हां 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 मेन इथून केअरफुल रावा, इथून केअरफुल रावा, अरे आपण फसेल रे, मला असं वाटतं दोन्ही साईडनी ते निघाले बघ, निघाले बघ ते लोक जात बग्गी घेऊन येतात। हे बनव कवर बनव ते क्रिस्टलनी, ए माग कुठं कवर बनवता, मागना कोण नाही येणार आहे, फक्त एक स्क्वॉड आहे ती पण ती समोर जाईल आपल्या ह्या साईडला जाईल, तिकडे कुठं बघतो मला असं वाटतं राईटला ना कोण आला ना लफडे होईल, कवर बनव या साईडला असं गाडीचं, बस 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 ही बरोबर आहे, कवर बरोबर आहे, जी गाड़ी गेली ना ते फोकस खाली आले एनिमीज आहेत, शॉट बंद आहे ओपन मध्ये, जसके अच्छा स्कोप पे उडा, वॉच आउट वॉच आउट। क्या ही है भाई एफपीपी, हां वो लोग ने भी बनाया वहां पे, उसने नॉक किया नीचे। जोन पुढे गेलाय, आई काय की इथे जाऊ शकतो का? अरे हां हां जाऊ शकतो, नाइस।
ओके मी एकटा ना पुढे जातोय पुढचा जे आहे ना ते रूफ तिथे जाऊन होल्ड करतोय इजी कोणा स्कॉट ऐक ना शॅक वरती जर ठोकलास ना इथे इथे कोण गेलाय का नाही नाही आहे नाही आहे नाही आहे तिथे चालू आहे चल 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 ए गाडी काढ एक गाडी आहे ना आपल्याला किती गाडी गब्बर नॉक है ना मनोज नाइस ओ अभी कसा गया एक नंबर डेडली पार्टी मांगना होते थे क्रोजा वाला ये दूसरा स्क्वाड है रैंडम नेट अभी हैकर है का रैंडम नेट कुठे पण फेकतोय त्याचे नेट बघ 15 कॉनकरर साला कुठे पण नेट फेकतो कनेक्ट होतोय कुठला सीजन फेकतो तुम्ही कुठला बघता इथे तर दोघच आहेत मला पण बघ स्ट्रीमर बघ कोण होता स्ट्रीमर आहे बघ दिसेल ट्रिनिटी आया बघ ऑल रिमाइंडर पाठवले तिला अरे यार काय यार काय सीन झालं यार किती प्ले झाला डेड शॉट तरी हाइड कर लो ऑफलाइन झाला का नाही आवाज आले आवाज आले 17 तर झाला असेल स्किल आहे ना त्याच्याकडे बघितलं माझे 19 झाले हाँ ये 17 तो झाले 17-15 15 नाही रे 12-14 आपले किती होते चांगले त्याचे किल्स तेरा तो डायमंड 3 वर रे मी डायमंड 5 वर किडेम किलेच हे पण आले अरे आली ती ट्रिनिटी आली देख काम कर चल 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 बाय उदय करू नोब बैक बेंचर नोब लोग इतने स्मार्ट है ना भाई स्ट्रीम बंद होने के बाद कमेंट करते हैं बस कि भाई तुम्हारे कमेंट किधर गए शाबाश सलूट है ब्रो ऐसे लोगों को सलूट है हेलो 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 आज की नई खबर ताजी ताजी उड़ती खबर हमारा कॉलेज में 3 लोग कोविड पॉजिटिव है भाई थैंक यू भाई तुम बच के रहो और भाई हाँ छुट्टी मिल गया होगा ना नहीं मिला कोई आप लोग हॉस्पिटल जा रहा है हॉस्पिटल भी कोविड वार्ड है हर जगह बोला हुआ था आप लोग मरेंगे कोविड पुलिस को बुलाओ बंद कर देंगे कॉलेज ये लोग तो खुद प्राइमरी कॉन्टेक्ट में बच्चे के साथ और खुद बोल रहे हैं कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग खुद क्वारंटीन में नहीं जा रहे फिर फाइनली कुछ बोलो नहीं बोलो
घोटाला है, पूरा घोटाला चल रहा है। विष्णु थैंक्स लॉर्ड्स भाई, विष्णु थैंक्स अ लॉट, बट व्हाई ब्रो ओपी आई एम नॉट, मुझे समझत ना ओपी क्या यार, अनफॉलो अनफॉलो करके मैं खाली उतरता हूं। तुम्हारा फॉलो तुम लास्ट ऑफ ऑल अनफॉलो कर समर क्या साइड पे जाना। मैंने ऐसा ओपी वाला कौन सा काम किया रे, मुझे ओपी बोल रहा है। अभी तक तुमने लैंड भी अभी तक ढंग से नहीं हुए, हम ढंग से गन भी नहीं उठाई है। ओपी किस बात का, लैंड करने पे ही अगर लोग ओपी बोल रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि हम तो सबसे अच्छी लैंडिंग कर रहे हैं गाइस। चार का ही वाचिंग आ रहा है गाइस, इतना भी लेट नहीं हुआ गाइस। हमारा भाई अभी कर रहा है स्ट्रीम, इतना नाराज हो गया क्या? ओए होए होए क्या लैग मार रहा है, ऐसा लैग मारे बस। हम कस्टम में कल से नाम रखेगा लैग गेमिंग विद नूरुल, आ जाओ। और है ये मोबाइल थोड़ा और लैग कर दे भाई, इससे थोड़ा और लैग कर दे, दिखा कि J7 पे खेल रहा हूँ। नहीं नहीं अब तो ऐसा लग रहा है माइक्रोमैक्स या लावा पे खेल रहा हूँ। टर्न लेने को हिचकिचा रहा है बंदा मेरा, पुराने मोबाइल में लैग होता था। ये लो भाई कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ मैं। अरे M7 से ही किसी को, अरे बाप रे बाप रे, ये किसी का नहीं, आप में आनी चाहिए इसके से वाला टट्टी। मार्क्ड एन एनिमी डेथ, एन एनिमी डेथ क्रेट। आए आए भाई गन मुझे भी क्या है ब्रो, आई का व्हाट डू यू मीन ब्रो। अच्छा महंगे महंगे गन बंद कर दिया लगता है PUBG वाले ने, इधर भी लैग बोलते हैं। आ ये वही लैग होने लग गया भाई, प्रीवियस गेम में नहीं हुआ लगता, यहां पे कुछ तो सीन है। मैं शायद चार्ज पे था ना इसलिए मोबाइल को थोड़ा फ्रिज की तरफ लेके जाना पड़ेगा लग रहा है। एसी तो ऑन नहीं कर सकते, ठंडी है। नहीं नहीं नहाते समय फोन भी साथ ले कर नहाओ। हां पेपर अब तक ट्रिक है, ट्रिक बता ये देख रहे हो, टेनिटी का पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे गरम नहीं होता, टेनिटी का पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे गरम नहीं होता। अरे मुझे प्लेयर तो मिल गया। अच्छा ट्रिनिटी आज लेट आई तो गाइस इसलिए हमारा व्यू कम आया है क्या, क्योंकि बंदे कम है मतलब वाचिंग में व्यू तो चलो ट्रिनिटी आई व्यू आए। ओ भाई सही है, अभी कम हो रहा है, धीरे-धीरे मोबाइल शांत हो रहा है, धीरे-धीरे मोबाइल हमें फिर उसमें बंदे ओके नो चलेगा, मैं रेडी नहीं हूं। जोन इधर ही है रे, आई गॉट सप्लाईज, दो है। मुझे ना अटैक से पता नहीं गुस्सा आने लग गया, पता नहीं एजेंट तो रहो यार, मेरे को आगे जाना था। अरे फ्लेयर गन चाहिए, मेरे पास फ्लेयर गन है। बहुत लो है वो, 1 एचपी है, रेड किंग बहुत हार्ड, रिवाइव दिए रिवाइव दे। साला इतना मस्त हेड कनेक्ट किया गाइस, सिर्फ देखना लाल लाल उसका ऐसा एक्स एक्स बन के आया सिर पे, और मैं बोला नॉक हो गया इसलिए फिर फायर छोड़ा मैं। गाइस कल से मजा आने वाले, कल से नहीं टीयर 2 से मजा आने वाले, बहुत ज्यादा वाले टीयर 2 हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। T1 में बहुत मजा आने वाले गाइस, सीरियसली जो बंदे आने वाले ना वाइल्ड कार्ड के, होप सो कि तुम्हें वो मिले ऐसा कंपटीशन। ड्रिंकिंग हमारा भी पेट है, हमारी भी केडी है, ग्रोसा है। मार्क एन एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप। अरे ला सर बंदा नॉक कर रहा है बेचारा, हेड दिखा रहा था टेरेस पे, नॉक हो गया। आ जाओ डेड डायरेक्ट गया, शायद दूसरे हो गए बंदे। ओए बंदे, ओए हे हे हे, अरे रे रे कवर में जा, कवर में जा, कवर में आ, कवर में जल्दी रुक जा, कोई गड़बड़ मत करना, डेड किंग को रिवाइव दे रहा हूं। नॉक नहीं होना, पूरा एडीएस खोला था रे मैं, पर पता नहीं क्यों गोली कनेक्ट नहीं हुई। थोड़ा पीछे जाना, नेड आएगा। ओके ट्रिनिटी आना मत, ओके आगे से भी तुम वहां से आने के लिए। मैं तो आ गई,
वाह, दैट्स अ जेंडर इनइक्वालिटी। वो भाई वो चमक क्यों? अच्छा फायर का ये है रूल्स। कितना मार रहा है? रुरु इतनी डेंजर गन कौन सी है? टेरेस पे देखो, एक टेरेस पे, ये केयरफुल हेड लेने के टाइम। एक नेड आया है उधर, फेंका गया, सॉरी। नाइस, एक और जाएगा देखना, एक टेरेस के लिए जाएगा। मैं गब्बर के साथ पुश करना बेहतर समझ रहा हूँ, आप तो पुश करके रहूंगा। 1 एचपी है वो भी, ग्राउंड फ्लोर वाला। केयरफुल हाँ, केयरफुल। ऊपर ऊपर नहीं देना, लो देते सोड। करके ऊपर है। लेकिन नाइस यार। ऊपर मत जाना। रुको। नाइस। एक्सेलेंट कोऑर्डिनेशन बाय टीममेट एंड नाइस नॉक्स। मजा आ गया। आ सही ना भाई, कौन कर? बाइजन अच्छी है रे। कौन बोला बाइजन अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है भाई। जिसको स्प्रे नहीं आता हो तो इस पे देगा ना, कहाँ 53 में से चार गोल, पांच गोली तो लगेगी ही लगेगी। और पे बड़ा वाला कितना बड़ा? 4x है। M4 उठाने देना। कौन है? चाहिए तो दे दो। निकल। अरे फ्लेयर लग। कितने फ्लेयर हैं? ड्रॉप भी है। ऑलरेडी तो इनके निकाले ना अपन ने फ्लेयर। आई गॉट सप्लाइज। नहीं नहीं, वो पुराना है, मैंने यूज किया। ड्रॉप में ग्रोथ है रेड। अच्छा अच्छा, ये है किसी पे बूस्टर्स हैं? बूस्टर्स कुछ मेरी मेरी हिल दा। एक एक ड्रिंक ही है, लो। थैंक्स। तुमने मारा? हां मारा। ठीक है ठीक है भाई, एक्स्ट्रा स्कोप है तो दे दो। 4x है ना? 4x। हां ये ना, ये मतलब अटले तू 4x। ये गलत है यार। मैं ना मतलब मुझे गेम का ये असूल नहीं अच्छा लगता। मैं ऐसा देखूँ ना, बॉट नहीं आता मेरे पास सही टाइम पे। क्यों इतना इतना क्या मैं इतना बुरा हूँ मेहमान? यू तुम्हें चलते चलते वो बॉट को तो हम ही आएगा पेटी काम कर। कमेंटेड मारा मैं इसको, मेरा तो सिर्फ कमेंटेड मारा हमारा बंदा। क्या मैं इतना? ओ भाई पढ़ा था मेरा दिल को ना भाई, ऐसा ठंडक सी आती है, मतलब ऐसा लगता है अभी एग्जिट भी मार दूंगा चलेगा। क्या क्या एड्रेनलिन? किल चोर नहीं यार, किल दे देता हूँ मैं कभी कभी, बट जब किल ही नहीं हो किसी के पास तो तुमको चाहिए। चलो अभी एनिमी के साथ फाइट लेते, बिंदास उठाना किल। मेरा कुछ नहीं किल का, मिले भी नहीं मिले भी। गड्डी रेडी है, गाड़ी रेडी। केड़ी कमी होनी चाहिए ताकि ना सामने वाला मतलब कभी ये ना करे, डरता नहीं। हाँ डरता नहीं। और दूसरा के साथ बंदे लोग कभी फिर बोलते नहीं कि प्रो है यार, टेंशन नहीं लेता डायरेक्ट बिंदास। जैसा लॉबी में कस्टम वगैरह है तो दो के एक बंदा आना बाकी है, आ जाओ। 3 नंबर ये आ जाओ। अरे क्या कर रहे हो उधर? एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बॉट की पेटी के साथ? एक्सपेरिमेंट नंबर ऐसा ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो आपके सिलेबल्स में बट हमारे इसमें नहीं है? मुझे ना गाइस टर्निंग की एक बात बहुत अच्छी लगती है, अगर मेरा नेट फ्लक्चुएट भी हो जाए ना तो गेम में चाहे कुछ भी डिफरेंस आए, राइट में ना डैश होती है, ये गेम ना बंद नहीं करता, स्ट्रीम बंद नहीं करता। ऑमलेट बहुत हरामी है, जरा भी 19-20 हो गया ना स्ट्रीम कर लेता है बिना बटन। मेरा 60 FPS काम नहीं कर रहा भाई मेरा। अरे बाप रे। अरे 41 42 FPS दिखा रहा है।
हम वहां पे क्यों जा रहे हैं? हमारा 30 fps आ रहा है। अरे आराम से, मैं एक तो लेफ्ट हैंड बैठा हूं विंडो के डायरेक्ट नीचे। JPEG लगाए मैंने इसलिए इतना दिखा रहा है, नहीं तो मेरा बहुत कम आता है। पीछे जाओ, दो मिनट वॉच आउट। मैंने देखा नहीं, फल मैं आ गया नहीं। ब्रिज कैंप होगा भाई, ब्रिज ब्रिज, अरे ब्रिज नहीं आ रहा, मुझे निकालना ब्रिज कैंप। ऐसा करो यहां बंदे हो, मेरे को नहीं लग रहा यहां से बंदे आएंगे। आ सकते हैं क्या? 36 से एक स्क्वाड आएगी, एक तो स्क्वाड आएगी पक्का, ये तो डेफिनेटली है। बस पीछे से कोई आके स्कैम ना करे बस। अपना आप तो जस्ट कर ले बेचार दर वाड़त में कमी। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, ये यहां पे तो कवर मिलता है ये खुद को, है ना? मैं आगे जाता हूं अकेला, क्योंकि पीछे जाऊंगा मतलब नहीं है, पता नहीं चलेगा कब स्क्वाड आ गई। ये आपस में क्या बोल रहे हैं? गब्बर है बैक बेंचर। हाँ मैं तो लास्ट में बैठा था। बंदा था और चला गया। हमारी स्पॉटिंग बहुत अच्छी है गाइस, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत जबरदस्त फाइट होने वाली है भाई, देखो ये देखो। आई पैन फाइट होने वाला, इधर आ। ये हाँ, मैं जब भी पैन फाइट किया ना, ऐसे बंदे आते हैं, मैं पैन फेंकता हूँ, वहाँ तक आता है देखना। ये देखो मैं पैन फेंक रहा हूँ, आ रहा है देखना। ओके पैन फाइट होना चाहिए, हम लोग टीम अप करते हैं। ओ भाई पैन ऊपर का लग के मेरे पास ही आ रहा है। सुनो सुनो ट्रिनिटी, ये पैन फेंकेगा ना, अपना वाला फेंक दो पानी में और इसका उठा लो। आगे इसको उठाओ। इसका जवाब, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? चल निकल निकल, लेके आ तू तेरा, चल चल। बैन फेंकेगा, बैन फेंकेगा, जोन आएगा और मेरे को लग रहा है एनिमी आएंगे अभी। बैन फेंको 20। अरे जाने कब होठों से दिल ने क्या है, जाने कब होठों पे दिल ने रख दिया, मुंह पे मारा। समझा नहीं ये दिल इसको, हम तो रहे समझाते। जाने कब होटल पे दिल रख दी दिल की बातें। ए जोन आता है तेरे, चला चला। आ रहा सुपरमैन, सुपरमैन फुल स्पीड। ऐसा गंदा गिरोगे ना भाई वहां से, बोला मैं वहां से इतना गंदा गिरोगे, देखा हूं मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को वहां से गिरते हुए। अब ये नहीं है ना, मेरी जुबान काली है। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी यार। गाड़ी क्या पीछे गाड़ी देखा, तो हवे में रहेगा। देखा मैं ये सब मार सकते हैं पैन से, देखा देखा ऊपर फिर भी बैठ सकते हैं अकेले। मैं तो इसके ऊपर भी बंदे ने देखा, गलत गलत किया। बैठ बैठ क्या कर रहा था? ये क्या किया भाई, एक साइडेड वन सेट कर दिया मेरे को। अरे ये क्या हो गया गाड़ी को? अभी गाड़ी नहीं ले पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। सुन मेरा गाड़ी एकदम स्पीड में लेके आता हूँ और सडनली फेंकना, देखते क्या होता है। ओके रुक जा, मैं जब बोलूंगा ना तू तेरे हिसाब से फेंकना। रेड किंग रेडी है ना? तो ऑप्शन आ रहा है ना फेंकने का, मेरा फेंकता हूँ। रुक जा, एकदम सही फेंकना, एग्जैक्ट गाड़ी के नीचे है और मैं भी वो टाइम पे आऊँ, तुम तुम्हारे हिसाब से फेंकना।
ओके मैं मेरा वाला पेपर गया हां रुको अभी नहीं बराबर मैं जब बराबर मेरा मैं देख एक किचन फेंकना मैं बराबर इतने डैमेज एक काम करो दोनों तो अलग-अलग एंगल से फेंकना लेकिन प्रॉपर फेंकना मैं देखो ये वाइट पट्टे है ना इस पे आऊंगा एग्जैक्ट नहीं मेरा आग वाला है अच्छा ठीक है रुक फिर डेडकिंग तू ही फेंकना और सही से फेंकना डेडकिंग जब तुझे लगे मैं आ रहा हूं ओके 1 2 3 आ रहा हूं तेरे हिसाब से फेंकना मैं डेडकिंग क्या हो गया बहुत ज्यादा ठीक है लेकिन वापस प्रॉपर जजमेंट करके फेंकना आ गया तो पता तुझे पता चल गया ना कितना कब फेंकना है तब बंदा चढ़ेगा गाड़ी के ऊपर वो पता चल गया होगा तुझे चल मैं आ रहा हूँ रेडी है ना तू फेंकने अरे यार थोड़ा ही बचा था ये वैसे भी डिफेंस करता है रे कोई आएगा ना तो ये गाड़ी रोक देगी बीच में भाई हेड शॉट दिया मेरे को क्या बॉडी शॉट दिया बर्फ है बंदे के पास नहीं मेरे पास अपन जोन में रे ओ भाई मुझे किसने मारा कैसा क्या बीरो सीधे पानी में मरूंगी मैं आ जाओ आराम से अरे टक ना भाई टेक रोलर अरे रोलर यहां पे नहीं अभी यूज नहीं आ रहा अभी तक अभी ऑप्शन नहीं आया वो एक ही बार 74% के बाद रोलर नहीं मेरे पास खाली वो है सेफ्टी का हाँ ये जितने पास है फेंक दो ये कवर बन जाएगा उनको आने को डिस्टर्ब होएगा वो अरे क्लोज कर रहे चलेगा बस उनको आने क्या किल निकाला भाई डेड गेम कितना लो किया था उस समय सच्चे में बहुत लो किया था मेरे को लगा ये मेरा ही किल है भी अरे तुम लोग का यूज करने से कुछ दिख नहीं रहा क्या यार एक सेकंड ये गाड़ी है ना पीछे टेबलर गाड़ी पानी में गया अरे वो देख ये चीज करते करते आ रहा है ग्लिच से दिख रहा है रेड किंग क्या चोरी करता है भाई किल हेड पड़ा गाइस स्ट्रीम पे देखना एक बार मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है भाई मारने का मन नहीं कर रहा है ऊपर पीछे भी देखते रहना भाई पीछे भी देखते रहना अभी हम खुद का कवच बना लिया है बिंदास लेटे लेटे मारेगा हम अरे नेड कौन कर रहा है अरे नेड करेंगे अभी वही करेंगे नेड बोल रहा है वो अरे पीछे का कोई ट्रेंड पीछे का वॉच आउट जरा तो देख ना कि ये अभी नीचे बोल दे हमेशा पीछे से आके हमें एक बार पानी में ध्यान देना तो बस ये लोग मेरे को लग रहा है पूरा फॉल बैक लेने वाले बंदे लग रहे हैं इनको पता 8 सेकंड देखता हूं केयरफुल कहीं से तो निकलने का ट्राई करेंगे ना पानी में कूदेंगे तो इधर ही आएंगे अपनी तरफ हाँ पानी में कूदा है बहुत हार्ड उठ 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 पानी के ऊपर आ जा कमीने स्कैम कर रहा भाई मेरे साथ ये सब चीटिंग नहीं करना नूर के साथ भाई तो उनके बाहर है क्या भाई 1 एचपी बचा है यार वो ट्रेंड ने कहा से मार गया एक और नीचे अपने एक और नीचे गब्बर वहां से किल उठा लियो उधर से अरे एक नीचे एग्जैक्ट नीचे जल्दी अरे खुदू कह रहे मैं नहीं वो नीचे वो कवर में मरेगा उसमें आ रहे देखो भागते हुए नेड कर रहा है ऊपर केयरफुल रेड किंग नेड के ड्रैग फिनिश ना डाल दे नेक्स्ट मैच आई विल कम अरे रैपिड ट्रिनिटी गई अभी ट्रिनिटी के पास स्प्रे आएगा लग रहा है फुल कॉन्फिडेंट लग रहा हूं मैं पानी में मार भी नहीं पाएगा
अपन जाएंगे जोन से, अपने को बहुत लंबा जाना है, अपने लेने के देने पड़ेंगे, तो व्हीकल नहीं है, व्हीकल है रे, मैं किधर स्प्रे कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जोन, मेरे को नहीं चाहिए भाई पंगे, एक तो हीलिंग नहीं मेरे पास, मैं ना 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 एक किल किया उधर से निकल गया वो निकल जाएगा, हाँ वो निकल जाएगा और अपन जोन से बैटल कर लेंगे फालतू में। पानी पानी ऊपर निकला ऊपर निकला, मार्क किधर किधर मार्क में, कवर 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 एनिमीज अहेड एनिमीज अहेड। स्क्वाड है ब्रो, स्क्वाड है, नाचू मैं आज। बन के तुसी बटरफ्लाई कितने जल्दी, अपन दम ये खेलते हैं, दम शरारत बोल रहा था सॉरी, सन क्या कहते हैं किल फील्ड में ध्यान दिया रहे, नॉक नहीं हुआ जोन से कोई, देखना तो हील कर रहा है, आता होगा हील कर रहा होगा आएगा हम पर। अरे यार राइन का एमओ सी 15, ये मेरा ध्यान ही नहीं था मेरे पास, ठीक है ये नहीं अच्छा लगता है मुझे, रेड किंग तो एफपीपी जैसा एफपीपी में चलाते जैसा गाड़ी चला रहा है, रेड किंग ने 500 उठाया बाप रे बाप, नीचे बंदे, नीचे बंदे टेप में गाड़ी निकली, marked a location, location. नहीं 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 सॉरी ट्रिनिटी एमओ दे दो 9 किसका 9 का हां थोड़ा पिक्चर्स चल जाओ 9 का 9 का 5 का नहीं अरे 9 का 5 नहीं है 9 का नहीं है अरे 9 और 5 अलग होता है 9 अलग होता है मैंने 5 अच्छा 5 नहीं चाहिए 9 का लेता हूं अच्छा नहीं मैं कर रहा हूं मेरे पास करने डेट मार रहा है 15 रख ले कुमार क्या दुखती है यार जो खेलने में 87 का है गाइस चिकन चिकन चाहिए चिकन 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 लेग पीस चिकन लेग पीस चिकन लेग पीस चले मेरे को लग रहा है सब उधर ही आ गए हैं ये देख इधर इस तरफ जहाँ पे हमने वहाँ पे उसे नहीं ये चार मारे वहीं के दिखे ओपन में आते हुए रहेंगे देखना ओपन में दिखने वाले रहेंगे बिकॉज फाइट हो रही है अपन चार लोग इधर है वो चार उधर रहेंगे ब्रिज के डायरेक्शन में ब्रिज ले लूँ ताकि किल्स मिला अच्छे वाले उधर से आराम से आराम से आराम से हैरी पॉटर देख लिया लगता है रेड किंग ने गाड़ी उड़ाने का चाहता है लगता है ओ भाई इधर नहीं है बंदे थोड़ा सा लगा मुझे है सामने गाड़ी रुकी है रे गाड़ी आई सामने यूएस सामने यूएस है अरे गाड़ी गाड़ी अरे अच्छा मैं नूरुल से माइक अरे इधर ही है इधर है इधर ही रुकी है एनिमीज अहेड पुश करो पुश करो पुश करो बेटर रहेगा अपन भी जोन में नहीं है गाड़ी दो गाड़ी दो पुश करो पीछे से भी आते रहेंगे बेकार में मेरे पास पट्टी वट्टी आ जाओ आ जाओ मैं स्लैम डाल रहा हूँ देखो और गाड़ी गई उधर एक और गाड़ी गई उधर अरे कितना डैमेज आ रहा है भाई ये तुम लोग आओ पैदल हम यहाँ पे रुकते हैं मैं बहुत डैमेज हुआ हूँ ना ना उधर एक और गाड़ी आई है फ्री किल्स का ट्राई करो ओके उसने एलिमिनेट किया क्या नहीं अरे दो ही बंदे हैं वही दो बंदे जो गाड़ी से पुश किए बस फायर करना तो कहाँ गया वो? नो। अरे तो 9 mm है।
I got supplies. मैं इस बंदे पे जाऊँ. ओपन में देख उधर, ओपन में ही है. मुझे पता है आखिरी बंदा कहाँ है. मुझे पता है आखिरी वाला बंदा कहाँ है. ये अकेला था क्या? मुझे लगा ना मैं चला ना उनके पास. मैं चला अकेला किल उठाने मुझे रोके ना कोई. मैं चला ये सब चीटिंग है. मेरे से गाड़ी से मिस हो गया. हम सलमान भाई बनने का हमसे कुछ नहीं. नॉक ने उधर से उठ के भाग गया. लाइक तुम लोग देते हो यार अच्छे. गब्बर का 123 पॉपुलैरिटी है, डेड किंग का 298, ट्रिनिटी हाइड किया है. रुक जा, अब जिसका बड़ा नाम है उसका पहले बढ़ाएंगे. मैं मेरे पास देखो कितने, रुको इतना इसका दिखने का. अरे हाय हाय, अरे कौन? ओ भाई मैं बहुत नहीं बोल थैंक यू. अभी हम गरीब हो चुके हैं, अभी हमारे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है. अभी मैं बोनस खेलकर हम रेडी करना पड़ेगा. करो स्टार्ट. रेडी. मॉर्टल के कपड़े वाला कौन इधर? अच्छा, मॉर्टल का कपड़ा नहीं, सॉरी. मेरे कपड़े वाला कोई नहीं है. हाँ यार, डेड किंग का कपड़ा ना मुझे सूट होता है. मास वास सब सूट होता है एकदम. इसे मैं जानता हूँ शायद यार. ये स्टॉल, ये बंदे ने सीजन 15 काउंट कर, शायद मैं देखा हूँ इसे. मेरा तो प्लैटिनम 4 है यार. अरे सब डेड किंग क्या फोन पे हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो? डेड किंग YouTube चैनल नेम मैं कर रहा हूं. डेड किंग YouTube चैनल नेम डेड किंग ओनली. डेड किंग गेमिंग कर रहा है. कौन पूछ रहा है? एडी गेमर कौन है हमारा? एडी गेमर. ओ बंदा अभी तक देख रहा है क्या? अभी आया लगता है, पता नहीं. मैं ना इसको जानता हूँ, ये स्टॉल्स प्ले को मैं देखा हूँ, ये बहुत बार खेला है मैं सर डीओ में, डीओएफपीपी में, स्टॉल्स प्ले डीओएफपी बोल रहा सोलो में.
हाय नूरुल भाई, क्या हालचाल? आज रात लेट हो गया। अरे कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साथ भाई। थैंक्स अ लॉट साथ भाई कमिंग फॉर द कमिंग ऑन द स्ट्रीम ब्रो, इट्स मीन अ लॉट टू मी। यार कोई आता है ना भले याद करके, देखता मज़ा आ जाता है, दिल में सब खुश हो जाता है। दोस्तों दो हो चुका है, गाइस मज़ा आ गया यार, बिना कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस हम यही चाहते हैं हमारा फ्लो। हमें बहुत सारे कोलैब के भी आ रहे हैं, बट हम प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कोलैब के, हम करना चाहते नहीं, हम हमारे पे खुश हैं। कोलैब वोलैब में लेके हमें टेंशन नहीं लेना दिमाग पर। कोलैब नहीं जमता है बहुत लोग को ना, मैंने क्लियर बताया कि कोलैब में तुमसे उनको जो मुझसे फ़ायदा चाहिए या मुझसे कुछ बेनिफिट तो मुझे डायरेक्टली बताओ स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं उसके साथ पूरा मेरे चैनल का मैं इनिशिएट लेके तुम पे कुछ फ़ायदा कर पाऊँगा। बट ऐसा नहीं होता, लोग मतलब गोल घुमा के बात बोलते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं कोलैब का टाइप। हाँ एक तो कोलैब मैं सोचा हूँ बट थोड़ा टाइम लगेगा उसको। एक दूसरे को मारते हैं बता रहा हूँ, ऐसे तो बॉट थोड़े कोई बॉट मार रहा था यूएसएस से। ना ना वो तो फैमिली है ना बॉट, और ये तो एक दूसरे को मारना मतलब। हेलो यस, किससे बॉट से बात कर रहे हो? देखो देखा देखा मैंने कहा, मेरे गब्बर कब से मानने लगा बॉट? ये यार ये गलत बात है यार, ये गब्बर से मैं एक्सपेक्टेशन रखा था, गब्बर केडी नहीं बोलता अभी, क्या है गब्बर, क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर? मार दिया भाई मिला तो। गब्बर का स्टेटस आला वाले पे मस्त फोटो डाला है, हाय हाय। हां हां मैंने देखा, हां तुमने देखा, अब तुमने देखा है, मैंने भी देखा। हमने भी देखा। I got supplies. अरे hospital का location. अरे मैं एक चीज देखा हूँ Trinity, अरे वो एक एक ही लड़का रहता है यार, क्या नाम पता नहीं, तो वो एक ही रहता है भाई हर एक बार। ओ भाई हाँ, इसमें हमारा क्लास में सिर्फ चार लड़के, ठीक है, और चार लड़कों में तीन लड़के दूसरे बैच में। अच्छा मतलब वो लोग का हम लोग को दो बैच में कर दिया हॉस्पिटल, ये कोविड की वजह से मलयाली तो सब लोग उसे सही में हिंदी में भैया बुलाते हैं। तो भाई इससे एकिल के स्किन ये क्या, मैं M4 है खेला उसके साथ में। ये बंदा ना स्टैंगो वैंगो के साथ आता था डीओ में, ये बंदा। हां इतना पैसा हो बस भाई स्ट्रीम पे, आए हाय आई गॉट सप्लाईज, आते आते मारूंगा सबको। M4 ग्लेशियर है इसके मेरे पास भी। अरे सब लोग है ना कार्डर लोग है, मालूम है 5000 ना 5000 रुपए 6000 डालते हैं बल्क में, डायरेक्ट 50,000 यूसी खरीदते हैं, और ये लोग की आईडी बैन हो जाती है बाद में, देखना ऐसे कितने हैं मेरे इसमें, कितने पॉपुलैरिटी वाले भी हैं। अरे कार्डिंग करते हैं क्या? कार्डिंग गलत है, कार्डिंग नहीं करना कभी लाइफ, ये सिर्फ टाइम टेम्पररी लोग है, और इन लोग के पास कुछ नहीं है। लोग इनका अगर आईडी बैन भी हो जाए, कैसे 5-6 आईडी रहती है, क्या करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। ये आईडी सेल कर देते हैं अराउंड 10,000, और बहुत ही एड़े लोग हैं अपने इसमें कम्युनिटी में, ये लोग बहुत लोग ना एड़े लोग खरीद भी लेते हैं, और उनको ना अगर उनके अगर कोई भी ऐसे आईडी हैक भी हो जाए ना तो उनको कुछ इतना लॉस नहीं होता,
क्यू लोग है ना, कैसा बताओ उनकी आईडीज कैसी होती है, 15 लाख के अराउंड पॉपुलैरिटी, अपनी इधर 400 के है, उनकी 15 लाख तक पॉपुलैरिटी रहती है, 20 लाख एंड ऑल। उसके अलावा हर एक गन की स्किन अपग्रेडेड रहती है, हर एक गन M4 की जितने 4-5 है सब। मेरे को तो वैसा बहुत आईडी मिल देने वाले मिले, बट मैंने लिया नहीं। 7000 9000 I need a scope पागल हो गया मैं। 7000 में लूंगा आज, तुम इतनी अच्छी आईडी अपनी एलएन के लिए। किल इफेक्ट देखो, किल इफेक्ट, किल इफेक्ट भाई, उसका अगर किल इफेक्ट रहा ना पक्का तो तुम समझना है, क्योंकि इतने ना इतने लोग नहीं है जो फालतू में पैसे खर्च करेंगे, एक्सेप्ट यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स लोग भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सस्ता लेते हैं, बट अगर जो जेन्यून है वो नहीं करता। कभी वाइपर को देखना खर्चा करते हुए, कभी वाइपर खर्चा नहीं करेगा, देखा हो तो मुझे बता देना। ये तो सबसे कंजूस अमन और ये है माफिया। उससे ज्यादा तो मेरे पास गन की स्कीन है। माफिया भाई सबसे ज्यादा फॉरेक्स ले मेरे, बहुत पैसा जमा किया माफिया ने। रेड बुल पीता रहता है खाली खाली, रेड बुल दबा दबा। अरे एक्चुअली वो मार रहा था तो। और अभी अब इस राउंड क्या रहता है वो कुछ 1000 की तरफ पॉपुलैरिटी, जो सा अभी 100 यूसी में कुछ अराउंड 5000 पॉपुलैरिटी एक साथ दे सकते हैं, ऐसा भी रहता है वो कुछ इसमें कार्डिंग ऑप्शन। खिला यार साथ में किसे, खिला यार साथ में किसे, क्या खिलाना है गेम, लेट्स हैव अ फन टुडे, लेट्स। क्या डिमांड है भाई नूरुल के साथ खेलने के, खाना हो क्या, खाना खिलाना कि गेम खिलाना है। खाना खिला खिला लेता, बट चिकन पीस बचाने खाली रस्ता बचता है। अरे मेरे को और किससे अच्छा अच्छा गेम खिलाना, खेलेंगे भाई खेलेंगे। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे रे रे खाना नहीं खाया तक गब्बर, यू आई गॉट सरप्राइज। मैं तो बहुत अच्छा खाया है, 3 दिन में आज सबसे अच्छा टेस्टी खाना मिला है। क्या बनाया था मम्मी ने, है आई गॉट सरप्राइज। हम खेल रहे हैं के कस्टम्स, हमें स्पोर्ट्स में जाना है, ये सब नहीं होएगा हमसे। हमें थोड़ी दिन के लिए हॉलीडेज जैसा स्कूल में देते ना स्पोर्ट्स के लिए जाते थे, तो स्कूल प्रेजेंट ही तो कर देती थी, मार्क्स भी देती थी। अगला अरे ब्रो एक्चुअली कंफर्म नहीं यार भाई, अभी मूड के ऊपर होता है। सीरियसली अक्षु चौधरी खेल लेते थे साथ में, गाइस चैट में लिखो दो नूरुल इज ओपी। व्हाई एडी गेमर व्हाई, आई एम नॉट ओपी, आई थिंक आई एम नॉट ओपी। कभी कभी यार पता नहीं यार, अपन कुछ नहीं, अपन ऐसे ही अपन बुरी हालात में है, जस्ट खुदा जाने कहाँ जा रहे थे हम। अच्छा हम रुक गए सही समय पर, वरना आगे और गाड़ी नहीं है पे। अरे भागो ट्रेन की, अक्षु भाई अगला तो नहीं हो पाएगा भाई, एक्चुअली पता नहीं डेढ़ हो जाएगा अगर खेलते खेलते तो, पर पता नहीं फिर उसके टीडी वगैरह नॉल। मैं ट्राई करूंगा कि ना मेंबर्स ओनली भी गेम खेलूं कभी कभी, बट अब फिलहाल तो नहीं होगा यार, बिकॉज स्क्वाड के साथ खेलो तो एक फन होता है। मुझे ऐसे नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं ऐसे ऐसे वाकड़े चिकड़े लोगों के। आई गॉट सरप्राइज। इंस्टा पर मुझे एक मंदे ने सुबह में मैसेज किया था, बहुत अच्छा मैसेज किया, मैं बहुत खुश हो गया यार, लिटरली आंख में आंसू आया। वो बोलता है कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ, रुको हेलो नूरुल भाई, मैं ये दुआ करता हूँ कि नाम भी बोलना उसका भाई, ना ना उसका
उसका अभी नाम बोल के कुछ मतलब नहीं है, मार्क द लोकेशन, वो है ही नहीं और चैट पे उसका। चार लोगों के पांच लोगों को नाम सुना के क्या करूंगा, कभी स्ट्रीम पे है ना तो बोलूंगा। एडी क्या बोल रहा है, 1v1 करोगे मेरे साथ? हां ऑफ स्ट्रीम करेंगे, ऑन स्ट्रीम तो बहुत लैग होता है। फिर से शुरू हो गया। गब्बर और गब्बर और मैं क्या चिल कर रहा है भाई, क्या चिल कर रहा है, मस्त है ना गब्बर। गाइस बातें करेंगे, चलो बातें करेंगे, गाना गाओ, गाना गाना गाएंगे, बताओ कौन से गाना गाना अच्छा वाला, ट्रिनिटी हम सब कोरस में गाना गाएंगे मस्त। भाई देख ट्रिनिटी क्या क्या माइक माइक अच्छे से पकड़ के गा, उधर आवाज आ रही है, डोरेमोन वाला गाना अच्छा, जिंदगी सवार है गाइस, आ रही है, क्या ही बोलूं क्या ही, जिंदगी सवार वो वाला ड्राइवर ये ना, चलो ना ये गाड़ी के, चलो चलो तू चलो, अरे एक मिनट, अरे वो देना क्या करते हैं, अरे 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 मैं व्हाट्सएप पर है, व्हाट्सएप पर चलो ना नूरुल, एक मिनट क्या जा रहे हो, ब्रो गाड़ी उठो, दूसरा मोबाइल में दे कैचअप में, ये वाली गाड़ी उठो, दो दो मोबाइल लो, ए मुझे ले ना, अरे हम लोग तो रुको, हम लोग भी आ रहे हैं साथ में, चलता हूं इसमें ज्यादा फ्यूल है कि देखो, ये मत लो रे, ओपन है, मत लो ट्रिनिटी मत लेना, बाबा बाबा कितने महंगे स्किन है, ये ट्रिनिटी कौन सी स्किन है, ट्रिनिटी भी यूसी खर्चा करने लगी क्या, ट्रिनिटी का बहुत पैसा है, मुफ्त में मिला है ये सर, हां इसे बोलते हैं बहुत, कितना 5000 यूसी प्रीमियम क्रेडिट है, प्रीमियम क्रेडिट को ओपन किया 5000 आराम से ना, ये बंदे के साथ जाके सामने पीटना नहीं, जीरो पिन पे इज्जत नहीं करानी है छोटे यूट्यूबर की, अरे उसको ठोक दिया किसी ने स्लॉट प्ले फाइटिंग, अभी नाम जम करा था ना, अपनी गाड़ी अच्छा वर्क ठोक दिया, वरना हम तो फिर रोशन यहाँ गाड़ी थी, हाँ यस हाँ डीए डाइस पार्टन, अरे ये दिल रहा अभी भी, चलो अरे बोला मर गया वो, अरे ये नाम दो राउंड मार दिया, ये देखो अभी मर गया, ठीक है अभी मर गया, नाम है एसएस तेरे महामाया का, पहले दो बार एक नॉक को भी सेफ, अरे दो बंदे, अरे दो बंदे तेरे नाम के, दो बंदे आ रहे क्योंकि एक के पास फेरो है, ट्रिनिटी रुक जाना है अभी, हां एक के पास फेरो था, वही बोलूं फेरो का नाम क्यों नहीं आया जब पहले नॉक किया था, डेड किंग कितना फिंगर खेलता है, डेड किंग कितना फिंगर खेलता है, पैर का 10 हाथ का 10 कितना टोटल 20 क्या बोल रहे हो शिवा भाई, आपके जीएफ के लिए गाओ, हमारी जीएफ हो तो हम गाए, जीएफ होती तब भी हम गाते थोड़ी, अचानक स्टेटस डाल देगा साइड वाला, पता नहीं चलेगा मालूम है भाई, अरे देख रहे हो स्टेटस देख रहे हो, डेड किंग 3 फिंगर है, डेड किंग 3 फिंगर है, दो नहीं भाई कुछ 7 या 8 कुछ दो के डिफरेंस से पहले हमने डेड किंग को, ओ भाई तुम गलत, अरे ट्रिनिटी बहुत टाइम लगाती है स्ट्रीम पे, क्या नहीं मैं बदल रही थी, मेरा गन मुझे गन ही नहीं मिला अभी, उसी और M16 से मिली, मेरे को क्यों लग रहा है आगे स्क्वाड शिवा भाई, आज अब तो मेरे जीएफ के पूरा खर्चा पानी निकालने के मन कर रहा हूं,
चलो जीएफ नहीं तो दीदी के लिए गाओ। किसकी दीदी? आपकी दीदी क्या दीदी को? चलो चलो जीएफ नहीं तो दीदी के लिए गाओ बोल रहा है। सॉरी भाई भाई तो गन हां भाई रेनिल से दीदी शिवा भाई बोल रहा है अरे मेरा नहीं तीन मेरे मेरा अच्छा तुम्हारी दीदी नहीं इसका मतलब अरे मेरे नहीं तीन नंबर के लिए तीन नंबर हम ट्रिनिटी के लिए क्यों ओ भाई ट्रिनिटी के लिए नहीं हम क्यों गए ट्रिनिटी उसको उसकी ही गाड़ी होगी ये भी ये गाड़ी उसकी होगी मार्क टू व्हीकल उसी बंदे की होगी ये गाड़ी ये पक्का कार्डर है भाई ये क्या कर रही है गन नीचे के साइड बंदे ठीक है नीचे के साइड बंदे जहां पे वॉच आउट वॉच आउट भाई नौ लोग देख रहे हैं इतना मजा आता है भाई तुम लोग सोते नहीं हो क्या रात भर थोड़ी देर पहले तो चार पांच छह लोग थे अब सीधा नौ हो चुके हैं अभी ये और वो लोग कैसे स्ट्रीम देखेंगे अगर हम सब के लोग सोए हैं पता क्या क्या ट्रिनिटी क्लियर शायद मेरे एक फ्रेंड हो गई होगी शायद शायद से आई ये गब्बर हेलो गब्बर फ्रेंड हो गए अरे अरे देखा देखा व्हाट्सएप ओ भाई गाड़ी का बंदा गाड़ी पे है बंदा वही वही समझ रहे हो व्हाट्सएप पे क्यों जा रहे हो समझ रहे हो ओपी बोलते यार ये ओपी बोलते या बोलते यार हाय हाय गब्बर के सीने में हाय गब्बर के सीने में नहीं भी होगी कंफर्म नहीं बोल रहा हूं लो क्या रे बट मेरे को लगा नहीं लगेगा इससे फिर बंद हो रे रे ये किधर 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 वही वही जो सामने आइस फेंका है एनिमीज अहेड इधर भाई इधर भी गाड़ी है मैं गाड़ी लेके आ ठीक है अपनी अपनी वाली गाड़ी लेके आ जो भी है इधर है एनिमीज अहेड एनिमीज अहेड सबसे घटिया है सप्रेसर शिट रे मैंने मिस किया एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे को ऑन शायरी सुना सुंदु आईडी गेमर बोल रहा है वन शायरी सुना दो शायरी क्या सुनाओ शायरी क्या सुनाओ मैं अरे अरे ट्रेन पे हेलो पानी कम है मटके में ब्लू पानी कम है मटके में मार लो एक झटके में गब्बर सिनिट इजी अरे यार वाह कमाल है कमाल है भाई मेरे को लगा मुझे लगा गाड़ी एक्सप्लोडेड है इसलिए मैं मार नहीं रहा हूँ शाबाश नूरुल एक्सेलेंट नूरुल सल्यूट है नूरुल को भाई मैं बोला गोली कहाँ सच्ची में मेरे को आया था कंटाला बोला गाड़ी को गोली मारूंगा तो एक दो रिलोड मार मैंने उसको कितना तीन चार बुलेट कनेक्ट हुआ बाद में दो बुलेट गाड़ी को कनेक्ट हुआ फट गया ओ भाई 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 दा तो मस्त है ए ओम वगैरह अपनी गाड़ी क्यों डैमेज है वो तो मेरे चलो 19 लोग हैं बहुत एक से इधर अपनी गाड़ी डैमेज बिल्कुल नहीं है अपनी गाड़ी को सुन ले अरे कहां से मुझे लग रहा है पीछे है एक बार रे 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 ये क्या गाड़ी है ट्रिनिटी देखो चारों एंगल से देखना मस्त बुम्बाओ ए रोशन दाई चने वाला शिवा भाई आप तो मेरे को यार मिंगल करवा के रोंगे लग रहा है हम ऐसे कुछ नहीं करने वाले भाई हम ना ही करवाएंगे अपना आईडी बेच ले बच्चा Tell me. Okay. Everything is fine. Why are you looking so tense? You want me to sleep early, na? Tilt ID bechne wali hai tumhari. Lega kon? Tum to bechoge lega kon?
कब का हो सिर्फ मैं राइस नहीं खाया था राइस मुझे खाने का मन नहीं कर रहा ये मस्त था अनरेबल स्किन से उसको भी बकवास है अरे M4 ग्लेशियर यूसी लेकिन अपग्रेड नहीं किया ना उसने किसने हां अपग्रेड नहीं करा लेकिन स्पाइक करा अच्छा स्पाइक 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 अपना और स्पाइक मेरे को क्यों लग रहा आगे जाना चाहिए गाड़ी है क्या पीछे से भाई देखो बंदे हैं और बे ये अच्छी लॉबी लग रही है भाई बंदे हैं और ये तो खेलोगे किसमें फिर रेडी आगे ले गई है भाई देखना केयरफुल वहां पे से आ रही है चैट पढ़ो मेरी आईडी अरे मैं शायरी क्या बोलूं मैंने बोल दिया ना पानी का मैं मटके में गब्बर को मार दूंगा एक झटके में वैसे देखा वैसे शायरी कुछ और थी एवी टीवी प्रैंक देखते हो क्या कोई विनर ठाकुर को हाँ देखता हूँ भाई शायरी कुछ और है समझ ही आया गब्बर हाँ मैं देखता हूँ साला मैं मारोगे हमें ट्रिनिटी को मारोगे इधर कैंपर आ गया भाई भाई दो क्या सांप है क्या सांप है भाई अरे सामने 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 हां भाई करेक्ट क्या खूबसूरत लगा रहा भाई देखे देखे देखे। रेडी एक लास्ट किल उठाने वाला है फुल अच्छे से पहले बोलता मैं किल उठाने वाला तो मैं मारता भी नहीं उस पे इतना फायर ओ भाई लेट जाओ यहाँ पे कांड हो गया अपने बॉडी का ऊपर है एक अरे एडी एडी मुझे दिख नहीं रही शायरी रुको मैं पढ़ता हूँ ये इतना मारने के चल साले मेरी शायरी पढ़ो तुमने शायरी किधर भेजी है वंश मेरा एक और किल है कैसे मैं इधर नॉक कर रहा था अभी देख शायरी बोलेगा अरे चैट में मेरे को सही में शायरी नहीं दिख रही है मजाक नहीं कर रहा हूँ इसमें देखता हूँ भाई नूरुल नेड अरे सर देखो उधर सामने अरे मेरे लेकिन किल नहीं है मुझे ये मैंने मारा तो है लेकिन मेरे को किल नहीं है कैच स्टोरी कर लिया बस जान दे ये यार एक किल हो जाता है कभी कभी पबजी वाला भी रोज सबको क्या बराबर देगा हिसाब किताब थोड़ा 19 में होता है समझ लेना चाहिए एडी का सवाल तो पूछा मतलब वो बढ़ने वाली ड्रॉप सेंटर में भाई यार मेरा कंट्रोल सेंटर में गाड़ी है तो लेके आ ए भाई गाड़ी असल था नहीं तबक नहीं ये तो अपनी गाड़ी राम अपनी गाड़ी फुट से कंट्रोल ले लेना आ जा गाड़ी से आज ओपन से जाना पड़ेगा चार बंदे हैं अरे भैया दीदी से डरते हो क्या ओ भाई मुझे दीदी बना रहे वाह भाई मेरा नाम बदल दो आपकी दीदी को भाई बना दिया अब नूरुल को दीदी बना रहे सही है तो हम ऑलरेडी चार हमारे चार ऑलरेडी सिस्टर है मेकुलता है क्या तुम से पूछो मेरा एज कितना होगा मेरा वॉइस सेंटर कितना होगा शिवा तुम्हारा एज बताओ तो बताओ फिर आप छोटे बहन लगते हो नहीं नहीं गेस करो सब लोग आपका 20 21 मैक्स 21 ये तो पहली लड़की देख रहा हूं मैं जो पूछ रही है कि मेरा एज बताओ वैसे आज तक एग्जैक्ट पेज बताओ सामने गाड़ी इधर बंदा लेटा है ऊपर आ रही इस पे वाह इधर ना है इधर सामने ना कवर में आना लड़की बहुत
साइड एक और थोड़ा सा लड़की स्मोक करियो प्लीज रुक 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 ऊपर मत ना ना पीछे आना पड़ेगा मेरे को उधर बैठ कोई और है तू आ जा बिंदा सा तू बिंदा सा उसने मिला क्या गाड़ी मैं इसको देख रहा था अरे गाड़ी के अरे भैया अरे वही पड़ा शिवा भाई हम दीदी से डरते नहीं है हम अपने आप से डरते शिवा भाई आपकी बताओ आपका क्या हाल है आपका कौन ऑम चला रहा है इतना अच्छा नॉक कर दो यार ये खिड़की वाली बस बोल्ट एक्शन वाले को ना ये इधर ही पीक मत लेना यहाँ पे पीक मत लेना वो ये मार देगा इधर क्या मारा इसने खूबसूरत आया है करते बॉडी शॉट पड़ा रेडी इजी इजी कुछ नहीं ये टूटेगा ये टूटेगा ये टूटेगा एक और खड़ा कर ये टूटेगा डेफिनेटली टूटेगा एडी मेरे को शायरी भी देगी तेरी अभी तक यार एडी डेविड करो भाई ये मैं बोल रहा ना बहुत सही मार रहा है इनसे पंगे लेना मतलब बहुत फास्ट है यार डेडकिंग आलो स्मोक गब्बर आलो में नीट ये मारता जाम खूब जाम पे कर मारता Not possible, Tam, आलो। Assaulting skills दिखानी पड़ेंगी शायद। मेरे को भी दिखाना है, but ये नहीं होएगा, successful नहीं होगा। माजे ते है ये तेरा। नूरुल मैं मागे तो। तुझे accordingly है, मैं बाबा बहुत। नूरुल ये तुम आगे। आराम आते, आराम आते, आराम आते। Smoke है 30 second और। कपर कपर। नहीं गेलो, गेलो, गेलो। वातलो, वातलो, वातलो। Helmet गेला है। गाड़ी चेता रहा। जी जी। हेलमेट क्या भाई कितना बुरा मार रहे लोग ए खरस एलर्ट ओम का फटका दे रहे एक दो लोग को बहुत बुरा वेस्ट गया मेरा पूरा वेस्ट गया हेलमेट भी गया उतार के खेलो इससे अच्छा लग रहा है ये मेरे पे फेंका ये मेरे पे फेंका ये शब अबे क्या है भाई अबे यार यहाँ पे फंस गया फिर से इसको थोड़ी तो शर्म ग्रोजा चला रहा है भाई इतनी इतनी तो शर्म होनी चाहिए किसी को कि ग्रोजा चला रहा सुन ना गब्बर अरे रे 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 ओ भाई गब्बर निकल तो आई ना इधर स्मोक कर 20 सेकंड है कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे एक स्मोक कर लो कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे ब्रो अरे सीन मत ही गए हेजमान में दिस्को मत ही गए हिल कर हिल कर दिस तो पिंग क्या खेल रहे थे आकर रखे नहीं रे उन्हें तू रेट तुझ कर रिवाइव तू लेट तुझ कर रिवाइव आने दे गांडू लोगों को क्लोज हां ये देख क्लोज इन जितना करेगा हाय हाय शाबाश जी बे हेलमेट वेस्ट पूरा डैमेज सब फाइट में लगा चीता मुझे एक का सर्वाइव करो एक नेड कुक कर ना को हिल कर वो भी जाने वाला है हेलकिट हेलकिट वो भी जाएगा वो भी जाएगा वो भी जाएगा हैशटैग 3 वो पीछे से ना देखते वो आ गया मालूम है वो आ गया स्विंग में उसको भी पेटा है एक हो गया एक है लॉबी अच्छी थी है ये रैंक पुशर थे ये रैंक पुशर उसने फील कर लिया पूरा अरे देखो 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 सिली कैट जान दो जान दो मत देखो ये एग्जिट मारो ये लोग रैंक पुशर है देखो एक एक की एलियन के पास सबके पास इतने भारी ये लोग खाली रैंक पुश कर रहे हैं ये काउंटर करने के लिए काउंटर कर रही है 900 का डैमेज ओके ए स्टार्गन है तुझा आधा काम ना अपना आता है ये टीपी में ले कैसा गए देसो दा सत्य से बोलो आशा गए MVP माइकल विल फोर ले कसले मी मारा तो सगले बॉडी लागले गाइस ऑलमोस्ट ड्रीम हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है शायद ये हमारा लास्ट गेम हो सकता है जो भी देख रहे हो अच्छा हम निकालने का ट्राई करेंगे गेम
एडी सेइंग 2 सेकंड में एडी नहीं है, मुझे लगा एडी का मैसेज है क्या। 2 सेकंड में चिकन नहीं देगा बस। ने मतलब अपना ग्लिच दिस तो मत करें सर। अरे भाई तीन नंबर का एज 22 अभी इस बार तीन नंबर डेड किंग नंबर तीन ए भाई डेड किंग है। पहले ट्रिनिटी थी क्या 22 एज का बोला किसकी बोल रहे हो? नहीं मैं ट्रिनिटी 21 बोला ना 21 है। अरे ट्रिनिटी तो बच्ची है 22 हेलो 14 साल शिवा भाई तुम्हारे दीदी ने तुमने सही कहा तुम्हारे दीदी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया अबे नवी में है नवी नवी नाइन नवी में तारे पे तो 12 साल के नाइन अरे वाह डेड किंग का तक नाम आने लग गया है मतलब लॉबी इजी। अरे वो मैंने नहीं मार पा रहा मैंने बताया मार रहा था सब बॉडी। अरे मेरे को आदत नहीं है मैं ये नहीं उठाता ओम ओम नहीं खेलता था। अरे भाई कैसा कार पे घुस गया मैं कवर में भागते रहे लो बराबर आते आते लैंड क्यों करते फिर कवर में जाना है तो फुल प्रिपेयर था मारूंगा अभी आएगा भागते बरोबर मारा तो फुल में था मैं इसलिए नहीं मारा बोला जान दे बॉट आएगा तब तक फायर वेस्ट क्यों करूं ये इस कारण में कम है पहले ही मैं वेट कर रहा हूं भाई हेलमेट वेस्ट नहीं मेरे पास अरे नॉक तो उस तरफ है ओए पीछे से फायरिंग आई है क्या मस्त गन चला तुम्हारी क्या है एज मेरी एज क्या लगती है कौन है भाई कौन है ये कौन है तेरा सामने आ तो एक सेकंड तो भी नहीं था इस पे तो पुश करेगा हम इधर है सब पीछे अपने पीछे के घर में रुक अरे उधर सामने वाले घर वो आ जाना तो मेरे साथ इसे तो अब भी नॉक करके आएंगे हम नेट भाई मेरे पे नेट मेरे पे हर बार उनके साथ डके थी राइट में कोई और भी है उसके साथ केयरफुल मैग्रा हेलमेट वेस्ट ना रोशन दो बंदे मैं कॉन्फिडेंट के साथ तो आ गया हूं बट प्रो ने होल्ड 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 20 ओ भाई दूसरे घर से पड़े मुझे यार राइट में हां राइट पुश कर रहे तो बताओ पुश कर रहे पुश कर रहे ट्रेन आ रहे पुश कर रहे ट्रेन आ रहा कुछ ये सही था ना मेरे घर में मेरे घर में ओके मेरे घर में हां बहुत डेड किंग इसमें शायद होगा रेडी किंग वहां से खिड़की से चलने का ट्राई कर रहा है लग रहा है नीचे तरफ Oh!
चार्ली ट्रिनिटी नीचे हूं मैं ट्रिनिटी इधर 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 ध्यान से बाहर मत जाना एक बंदा ऊपर बैठा है हेलो हेलेंगे कुछ एक बंदा उसके ऊपर है अंदर है ना अरे यार इधर सामने मॉली है मॉली भी गिराया और ये भी गिराया बाहर से भी और मार रहा अभी भी मार रहा है वो कुछ हीलिंग चाहिए यार टेरेस पे कैसा सरवाइव कर रहा है यार अकेला कब से वही देखना भी मेरे को हीलिंग है कि गब्बर आया ना दे ना ओवर एटी एचपी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा हूं और चीज में मैं जाओ चढ़ूंगा वो नको नको उधर से बैकअप दे रहा है एक्चुअली और यहां से चढ़ेंगे ना तो उसका गब्बर डेडकी को दिखेगा डेडकी वापस करना तो वैसे ही मैं स्मोक डाल दूं रुक 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 मैं आया दोनों साथ में जाएंगे रुक रुक ऐसे ही नॉक हो जाएगा तू डायरेक्ट वो चढ़ेगा तो मैं मार दूंगा भाई आ जाओ अंदर उसको फिनिश डालने जाएगा वो आ जाओ हां मैं अंदर हूं आ गया डेडकिंग थामा थोड़ा रोशन तुझे ही मार ला मला कुठे अंदर हां वो अरे एके वाला इधर है जहां हम थे ना पहले उसके थोड़ा पीछे वाले घरों में हां ट्रिनिटी को भी अरे बॉम्ब नो में भाई बॉम्ब ये उड़ी से मार रहा है यार मैं खुद कूद भी नहीं सकता ऐसा हो गया कहां से मार रहा है अरे वो ये बिल्डिंग में बैठा है ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग एकदम क्या फायर किया ना उधर है उसको क्या मार रहा है आइए गब्बर ये साफ पूरे साफ फ्लोर लो कैंपिंग करते हुए जैसे ले मत मार मौली के लिए था स्वत खुद पे कर दिया क्या थोड़ा लॉन मौली हेलो वेरी पट्टी नहीं मार रहा नहीं डैमेज नहीं है वो या नहीं राइट लो बेटे हां अच्छा लगता कौन रो रहा है एडिट ये यार इसने बहुत नहीं मैं नहीं रो रही एक और आया क्या एक और अभी हम पूरा मैच वेक्टर खेलेगा 3x पे देखना बहुत अच्छा नॉक निकालूंगा अभी अच्छी गन है चल गब्बर पुश करो कोई तो है भाई एक मिनट मार दिया तुम्हें बुला एक बात है ये वो क्यों लग रहे लोग वेट कर रहे हैं हमारा ही आगे वाले सेम यार बताइए सर गाड़ी क्यों दौड़ रही ड्रॉप है ड्रॉप ले तो भाई बेटा
ओपन 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 ये तो अरे इतने को नहीं प्लस अमर हां हां इंचार पुश करो क्लोज ये इलेवन में लैग कम होता है मेरे ऐसा लगा वो देखो ओपन में जा रहे भाई एनिमीज अहेड ये भाई फायर कर रहा है मैं फायर रोक के गलती किया ना मुझे लगा नॉक हुआ मुझे लगा नॉक हुआ ये डेड किंग रासो प्लस गब्बर ये तो रेड डॉट फज रहा है मेरा बक्स पे देख ओ नाइस मैं पार्ट पर शॉट देता हूं केयरफुल यार बहुत लो है ये पुश कर करूं क्या पुश अरे नेड चाहिए नहीं है कुछ नहीं है पीछे से मेरे पे शॉट आ रहा है ये 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 रिवाइव दे रहा है अंदर आना 20 100 आरपी मोस्ट आरपी वाले किल नहीं मिले रहे यहां पे मेरे किल चोरी हो गए दो एक किल चोरी हो गया एक नहीं दो बोल सकते एक तो उधर थ्री अरे ओ अरे दो में जाओ ओपी हां ये गन वेक्टर ओपी कौन अंडरएस्टिमेट करना नहीं इसे कभी अरे क्लोज मारे भरपूर पसंद लेते भारे ना ना मैं 3x चला रहा हूं शो कब से सारा अरे 100 to 150 मीटर रेंज में चला रहा हूं उसको निकोल अगर अपने घर की तरफ गाड़ी की तरफ रेडी रहेगी ओपी क्लच आई ये एडी गेमर थैंक्स अ लॉट ब्रो पहले एक मारना चाहिए था रश चार किल जगह पे हो जाता पेजे से बंदे आ रहे अपने मार्क मार्क एक तो देखा मेरे को मार्कर फुट एंगल अभी नॉक कर देंगे इनको इतना हां दिखा दिखा सामने के कंपाउंड पे क्रॉस कर रहा है वो भी जोन के लिए आने दे जस्ट मेरे सामने ओ भाई मजे हीलिंग करते जाते हैं दोस्त भगते मेरे साथ मेरे को लगा मैं दिख नहीं रहा हूं मुझे लग रहा है मैं दिख ही नहीं रहा हूं इसलिए मैं इतना रिलैक्स हो गया था बच जाएंगे कह रहे आ जाओ नीचे नहीं तो ना ये दे इतनी दीवते हां जा इजी बच जाऊंगा मैं लोग तू हील कर मैं बच जाऊंगा नहीं बचूंगा मैं नहीं अबे भाई आगे आना चाहिए मेरे को यार रे नहीं यार थोड़ी के लिए जाऊंगा क्या मैं रुक जा इधर ही जोन है भाई थोड़े के लिए अरे यार गबर 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 रेडी ना हाँ ये रेडी एकदम रेडी ओ भाई साहब ना भाई निक शिट यार उसे मारना चाहिए था अरे एक टीवी मिल गया मुझे लग रहा है रीच स्केल से मैं देखूंगा नहीं सारा बात देख रहा था स्लाइड ओ भाई पूर्ण का तूने मरना रे तू मरना रे तू मरना रे पूर्ण का बग पोस्ट का बग ये वाला नया वाला हेल्थ के लिए नहीं है बैठला थे ये बग तेला सॉरी वन उसको देखो रिवाइव होएगा कि नहीं होएगा वो भी नया वाला कोई नहीं वेल प्लेड प्लेट्स ऑन गाइस शायद ही बंद करने का टाइम आ चुका है ऑलमोस्ट बहुत लंबी जा चुकी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई ट्राई आवर बेस्ट यार पट्टी नहीं मार पाया बस स्ट्रीम बंद करने का टाइम हो चुका है एंड 1v1 के अब आता चलो मैं रूम बनाते हैं तुम 1v1 खेलो ना अभी मत बना
मेरे पास है वैसे भी, ऑफ स्ट्रीम बनाओ मतलब ऑन स्ट्रीम नहीं, ओके मेरा नहीं चलेगा वरना ढंग से। गाइस मैं स्ट्रीम बंद करने का टाइम हो चुका है, सभी को दिल से धन्यवाद शुक्रिया और गुड नाइट गाइस। एडी एडी गेमर एडी डेविल थैंक्स अलॉट फॉर बीइंग ऑन द स्ट्रीम। शिवा अगर तुम खड़े हो तो थैंक्स अलॉट भाई, तुम तो आज मेरे को पूरा निचोड़ी लेने वाले थे, थोड़ी देर और बात कर लेते आपसे तो। और जो भी तीन लोग हैं, चार लोग हैं, थैंक्स अलॉट भाई। चेतन ओके चेतन इज दर चेतन ना, गुड नाइट भाई, गुड नाइट, गुड नाइट चेतन दादा चेतू। सो गाइस यहाँ पे स्ट्रीम बंद करने का टाइम हो चुका है सभी के लिए, सबको थैंक्स अ लॉट वंस अगेन एंड गुड नाइट गाइस, गुड नाइट स्ट्रीम।